हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले उसका नाम है ओ बेबी। तो ओ बेबी फिल्म का जो तेलुगु वर्जन है, साथ ही में जो हिंदी डब्ड वर्जन है, वो कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म, कौन से सैटेलाइट चैनल, कौन से यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा, उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी जाएगी। फिल्म का एक डीप रिव्यू होने वाला है, जहां पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस करके देने वाला हूँ। इसके अलावा इस फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत करेंगे। म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी डीप में जानकारी मिलने वाली है। साथ ही में फिल्म से जुड़े जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओ बेबी जो 2019 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है, जहां पे इस फिल्म को हिंदी डब्ड वर्जन में सेम नाम दिया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म को मलयालम, कन्नड़ा और तमिल में भी डब करके ओटीटी पे रिलीज किया गया था। वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है बीवी नंदिनी रेड्डी ने, जहाँ पे स्क्रीन प्ले डायरेक्शन उनका है। वहीं पे इस फिल्म की जो कहानी है वो मिस ग्रेनी करके एक फिल्म आई हुई थी साउथ कोरिया में 2014 में, उससे इंस्पायर्ड होकर बनाई हुई है। जहाँ पे वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जहाँ पे उसका कुछ बजट 3.2 यूएस मिलियन डॉलर था और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने 51.7 यूएस मिलियन डॉलर जितना कलेक्शन किया हुआ था। और साउथ कोरिया में वो एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद इस फिल्म का तेलुगु वर्जन में रिक्रिएशन वर्जन तैयार किया गया है, जहाँ पे तेलुगु रीमेक के राइट्स कुछ टर्म्स और कंडीशन पे बेचे गए, जहाँ पे तेलुगु रीमेक के लिए इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है वो भी तेलुगु रीमेक में अपने हाथ आजमाए हुए। जहाँ पे तेलुगु वर्जन तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से बीवी नंदिनी रेड्डी ने एडप्ट किया हुआ है। वहीं पे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है डी सुरेश बाबू ने, सुनीता तत्ती, टीजी विश्व प्रसाद और ह्यूवन थॉमस कीम ने, जिन्होंने इस फिल्म को सुरेश प्रोडक्शन, पीपल मीडिया फैक्ट्री, गुरु फिल्म्स, क्रॉस पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 16 से 20 करोड़ के बजट में बनाया हुआ है। इस फिल्म को सुरेश प्रोडक्शन के द्वारा ही तेलुगु वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था, जहां पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था। बात करें आपको टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो सिनेमेटोग्राफी रिचर्ड प्रसाद ने की हुई है, एडिटिंग जुनेद सिद्दीकी ने की हुई है, म्यूजिक डिपार्टमेंट में मिक्की जे मेयर ने काम किया हुआ है, जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग कंपोज करके दिए हुए। फिल्म के म्यूजिक के राइट्स आदित्य म्यूजिक के पास है। इसके अलावा इस फिल्म को एक अच्छे खासे लेवल के साथ तेलुगु वर्जन में रिलीज किया गया था। फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो समंता रुद प्रभु देखने को मिलेंगे आपको, जिन्होंने यंग सावित्री का रोल प्ले किया हुआ है, एलाइस बेबी का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे स्वाति का किरदार भी वो प्ले करती हुई नजर आती है। लक्ष्मी, जिन्होंने ओल्ड सावित्री जो 70 ईयर्स वाली ओल्ड है उसका रोल प्ले किया हुआ है, और वो भी एलाइस बेबी वाला किरदार है वही उन्होंने प्ले किया हुआ है। इसके अलावा अब हम बात करें राजेंद्र प्रसाद की, जिन्होंने इस फिल्म में पशुपुलेटी कनकाराजू का रोल प्ले किया हुआ है, के चंती का रोल प्ले किया हुआ है जो बेबी के चाइल्डहुड फ्रेंड है, और यंग चंती का रोल नागा चैतन्य किया हुआ है, वो एक केमियो अपीयरेंस था। नागा शौर्या ने इस फिल्म में विक्रम का रोल प्ले किया हुआ है जो स्वाति का बॉयफ्रेंड है। वहीं पर राव रमेश आपको शेखर एलाइस नानी के रोल में दिखाई देंगे जो बेबी का बेटा है। सज्जा तेजा ने इस फिल्म में रामकृष्णा रोकी का रोल प्ले किया हुआ है जो बेबी का ग्रैंड सन है और शेखर का बेटा है। प्रगति ने इस फिल्म में माधवी का रोल प्ले किया हुआ था जो बेबी की डॉटर इन लॉ और शेखर की वाइफ थी। अनिशा दामा ने इस फिल्म में दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है जो बेबी की ग्रैंड डॉटर थी और शेखर की डॉटर थी। उर्वशी सुलोचना ने इस फिल्म में चंटी के कजिन का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे सुनेना ने इस फिल्म में अनासुया का रोल प्ले किया हुआ है जो चंटी की डॉटर है, जो टॉम एंड जेरी रिलेशनशिप बेबी के साथ शेयर करती हुई नजर आती है। वहीं पे ऐश्वर्या ने इस फिल्म में विक्रम की माँ का रोल प्ले किया हुआ है। स्निगंधा को जानवी का रोल दिया गया था जो विक्रम की असिस्टेंट थी। राजा रविंद्र ने इस फिल्म में इंस्पेक्टर शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पर देखने को मिलते बेबी जो मिसिंग हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए नजर आएंगे। मिर्ची हेमंत आपको इस फिल्म में अंजी के रोल में देखने को मिलेंगे जो रोकी के फ्रेंड है और एक बैंड मेंबर है। वहीं पे श्रेयस वेनर ने इस फिल्म में आसिफ का रोल प्ले किया हुआ है जो रोकी के फ्रेंड है और बाद में वो एक बैंड मेंबर भी है। वहीं पे धनराज आपको एक यू टीजर के रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं पे कुछ केमियो अपीयरेंस भी देखने को
मिलेंगे जहाँ पे जगपति बाबू ने गॉड का रोल प्ले किया हुआ है, जो बेबी को एक और लाइफ देते हैं। वहीं पे आदवी सेस आपको इस फिल्म में सावित्री के हस्बैंड के रोल में देखने को मिलेंगे और शेखर के फादर के रोल में देखने को मिलने वाले। इसके अलावा इस फिल्म में आपको सुमा का नकाला देखने को मिलेगी, जिन्होंने सुमा के रोल में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है, जो एक टीवी एंकर है जो बेबी को टीवी में लाइफ एडवाइस देती हुई नजर आती है। बीवी नंदिनी रेड्डी ने डॉक्टर के रोल में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है, तो इतने कैमियो अपीयरेंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट के ऊपर, तो नवंबर 2018 को फिल्म का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया था। ये एक अनटाइटल फिल्म थी तब, जहाँ पे तब फिल्म की कॉस्ट्यूम सिलेक्शन हो रही थी और इनिशियली इस फिल्म को ओ बेबी टाइटल दिया गया था, जहाँ पे टैगलाइन रखा हुआ था येंता सक गुनावा, जहाँ पे समंथा लीड रोल में थी। जो ओ बेबी टाइटल है उसमें एच नहीं था, सिर्फ ओ था, ओ बेबी और येंता सक नावा नाम से टाइटल दिया गया था और समंथा को लीड रोल में कास्ट करने का फैसला लिया गया था। और उसके बाद फुल टाइटल रिवील किया गया था, वो बेबी यंता संकनावा, दिसंबर 2018 को, जहाँ पे बताया गया था कि सुनीता तत्ती इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाली है। पीपल मीडिया फैक्ट्री सुरेश प्रोडक्शन भी इस फिल्म के साथ जुड़ने वाले। फिल्म का टाइटल है वो समंथा का एक फिल्म आई थी जिसका नाम था रंगास्थलम, उसमें एक गाना था यंथा सक्कुनावा, उससे इंस्पायर होकर टाइटल दिया गया है, जो समंथा की उस फिल्म के उस गाने में ब्यूटी को डिस्क्राइब करता हुआ नजर आता है। इसके अलावा बाद में समंथा के साथ साथ राव, रमेश, निकंदा, नागा, शौर्य, लक्ष्मी, राजेंद्र प्रसाद को भी सपोर्टिंग रोल के लिए लिया गया था। इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो दिसंबर 2018 को स्टार्ट की गई थी, मिड मई 2019 में इसको रैप अप किया गया था। साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य म्यूजिक ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे। फिल्म में टोटल 6 गाने थे जिसको कंपोज किया हुआ मिकी जे मेयर ने, जिन्होंने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए। 2018-2019 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था। सभी गानों की जो टोटल लेंथ थी वो थी 19 मिनट 31 सेकंड। फिल्म में टोटल 6 गाने, जिसमें नालो मईप्परप्पा करके जो गाना है उसको भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था, महा अद्भुतम, चंगुबाला और ओ बेबी गाने को भी उन्होंने लिखा हुआ था, सॉरी ओ बेबी, आकाश रोना और अंगना गना वाला गाना है वो लक्ष्मी भोपाला ने लिखा हुआ था। तो ये टोटल 6 गाने थे। फिर से ट्रैक लिस्ट कर देता हूँ, ओ बेबी, नालो, मणिपुरम्पो, तीसरा गाना है अंगना गा, चौथा गाना है आकाशम लोना, पांचवा गाना है महाअद्भुतम, छठा गाना है चंगुबाला। तो ये टोटल 6 गाने थे जिसको आप फिलहाल में ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इंजॉय कर सकते हो। अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर। बेबी यानी कि एक लक्ष्मी वो रोल प्ले करती हुई नजर आती है, जो एक हाइपर ओल्ड 70 ईयर लेडी है, जो एक कैंटीन चलाती है जो उसकी खुद की है। वहीं पे उसकी डॉटर इन लॉ उसको पसंद नहीं करती है और उसकी फैमिली में कुछ ऐसे छोटे मोटे इश्यू चल रहे हैं, जहाँ पे कुछ इश्यू के चलते बेबी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है और उसके साथ बाद में कुछ ऐसी स्ट्रेंज घटनाएं घटती है जिसके चलते वो अचानक यंग हो जाती है और उसको फिर से अपनी लाइफ को अपनी तरह जीने का एक मौका मिलता है। बाकी की कहानी यही है कि ये नए अवतार में, यंग अवतार में बेबी किस तरह से अपना करियर बनाती है, अपनी अपॉर्चुनिटी जो उसने मिस की होती है वो किस तरह से उसको वापस लाती है, किस तरह से अपनी लाइफ को पीसफुली इंजॉय कर पाती है, वही सब चीज़ हम फिल्म की कहानी सेट की हुई है, जहाँ पे जो यंग बेबी है वो रोल समंथा रूथ प्रभु प्ले कर रही है। अब हम बात करें इस फिल्म के कुछ प्लस पॉइंट की, तो ये एक रीमेक फिल्म है लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से साउथ कोरियन फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में इंडियन नेटिविटी के हिसाब से जिस तरह से एडअप किया हुआ था वो बढ़िया था। नंदिनी रेड्डी का जो स्क्रीन प्ले था, जिस तरह से उनके जो डायलॉग थे, जिस तरह से बेबी का जो किरदार उन्होंने कवर किया हुआ था, जिस तरह से उसको अभी के समय के हिसाब से दिखाया हुआ था, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी। जहाँ पे आपको समंथा का जो हार्डवर्क है वो पूरी तरह से दिखता हुआ नजर आया, जिस तरह से उन्होंने यंग बेबी वाला जो रोल प्ले किया हुआ है उसमें वो इमोशनली विटी मैनर में काफ़ी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस देती हुई नजर आती है। उन्होंने फिल्म के साथ एक रोलर कोस्टर वाली परफॉर्मेंस दी हुई है, उन्होंने बताया हुआ है कि वो क्यों अच्छी एक्ट्रेस है, इस फिल्म के साथ वो आसानी से प्रूव करती हुई नजर आती है। इसके अलावा उनके इमोशनल सीन में काम, कॉमेडी सीन, इसके साथ में कुछ ड्रामा सीन्स में जिस तरह से उनके जो काम देखने को मिलते हैं वो काफ़ी बढ़िया है। उनकी केमिस्ट्री काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने सीनियर एक्टर्स के साथ शेयर की
की हुई है, उनकी और नागा शौर्य के बीच में जो एक बॉन्ड क्रिएट हुआ है वो भी बढ़िया तरीके से इस्टेब्लिश किया हुआ था, वो भी अच्छा था। इसके अलावा फिल्म में जो एक इमोशनल रोल देखने को मिलता है, राव रमेश ने प्ले किया हुआ है, वो काफ़ी बढ़िया था। नागा शौर्य, राव रमेश, इसके अलावा और भी काफ़ी बड़े सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आपको राजेंद्र प्रसाद देखने को मिलेंगे, सज्जा, तेजा, प्रगति, सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है, सभी नेचुरल नजर आ रही थी। जितना भी जो किरदार मिला उसमें बढ़िया थे। इस फिल्म के डायरेक्टर ने इसके फर्स्ट हाफ को काफी पावर पैक वे में तैयार किया हुआ है, जहाँ पे हिलेरियस कॉमेडी देखने को मिलती है, सेंसिबल इमोशंस देखने को मिलते हैं, और ये सभी चीजें काफी बढ़िया तरीके से हमें कनेक्ट करते हैं। फिल्म में जो इमोशंस है वो पूरी तरह से हमें कैप्चर करके रखते हैं। फिल्म का क्लाइमेक्स, फिल्म का इंटरवल ब्लॉक जिस तरह से एग्जीक्यूट किया है वो बढ़िया है। फिल्म के क्लाइमेक्स को काफी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ था, चीजें काफी बेहतरीन नजर आती है। हाँ, फिल्म का जो सेकंड हाफ है उसको थोड़ा क्रिस्प रखा जा सकता था, जो लंबा रन टाइम है उसको छोटा किया जा सकता था, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें प्रिडिक्टेबल नज़र आ रही थी, थोड़ा चीज़ें प्रिडिक्टेबल थी, जिस वजह से अगर चीज़ों को थोड़ा ट्रिम कर देते, क्रिस्प कर देते तो चीज़ें बेटर हो सकती थी। ओवरऑल फिल्म काफ़ी बढ़िया है, जहाँ पे फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी टॉप नॉच नज़र आएगी, काफ़ी एरियाज में फिल्म काफ़ी रिच नज़र आएगी। इस फिल्म में जो चीज़ें देखने को मिलती है वो काफ़ी हार्ट वार्मिंग है, वहाँ पे जो फील गुड वाली मोमेंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। इन सभी चीज़ों को कैमरा मैन ने, सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी ब्यूटीफुल मैनर में कैप्चर किया हुआ है। एडिटिंग फिल्म की डिसेंट है, उसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता था। इस फिल्म को एटलीस्ट 15 मिनट जितना छोटा किया जा सकता था, जहाँ पे सेकंड हाफ में खास करके काम किया जा सकता था। सामंथा को जिस तरह से स्टाइलाइज किया हुआ है वो बढ़िया है। नागा शौर्य भी फिल्म में काफ़ी हैंडसम नज़र आ रहे थे, उनको भी काफ़ी बढ़िया तरीके से स्टाइलाइज किया हुआ था। फिल्म का म्यूजिक, फिल्म का वन ऑफ द प्लस पॉइंट है, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर शानदार है, सॉन्ग्स अच्छे हैं, बीजीएम फिल्म को अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं। इमोशनल सीन, कॉमेडी सीन, ड्रामा सीन में काफ़ी बढ़िया तरीके से बीजीएम का यूज़ हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से समंथा की जो एक परफॉर्मेंस देखने को मिलती है वो फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाती है। डायरेक्टर नंदिनी रेड्डी ने काफ़ी अमेजिंग तरीके से इस फिल्म के साथ काम किया हुआ है। एक रीमेक फिल्म को जिस तरह से उन्होंने तैयार किया हुआ है इंडियन नेटिविटी, तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से, वो सभी चीज़ें फिल्म को काफ़ी बेहतर मैनर में आगे बढ़ाने में कामयाब रहती है। फिल्म का नरेशन मजबूत था, इमोशनल मैनर के साथ, फैमिली वैल्यू के साथ जिस तरह से क्लीन एंटरटेनमेंट फिल्म उन्होंने बनाई हुई है वो काबिले तारीफ है। समंथा को जिस तरह से उन्होंने शोकेस किया हुआ था, जिस तरह से उनके पास से एक अच्छी परफॉर्मेंस निकलवाई हुई है वो बढ़िया काबिले तारीफ है। वो भी एक अच्छी खासी हार्ट वार्मिंग फैमिली ड्रामा फिल्म है, जो जरूर आपके दिल को छू जाएगी। इस फिल्म में काफ़ी ब्यूटीफुल इमोशंस देखने को मिलती है, अच्छी कॉमेडी देखने को मिलती है, बढ़िया फैमिली वैल्यूज देखने को मिलती है, साथ ही में अच्छी बॉन्ड रोमेंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सभी चीज़ें फिल्म में अच्छी तरह से डाली हुई है। तो ओवरऑल ये एक फुल तरीके से एक अच्छी खासी फैमिली एंटरटेनर फिल्म है, जहाँ पे सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इस फिल्म के पास सभी चीज़ें हैं, तो ये अच्छी तरह से आपको कनेक्ट करेगी, जहाँ पे सभी की परफॉर्मेंसेस, खास करके समंथा ने जिस तरह से इस फिल्म में काम किया हुआ है वो अनदर लेवल का है। तो ये सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है, जिस वजह से इस फिल्म को ज़रा भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखनी चाहिए। अब बात करें रिलीज के ऊपर, तो ओ बेबी फिल्म को तेलुगु वर्जन में 5 जुलाई 2019 को थिएटर में रिलीज किया गया था। जब फिल्म को रिलीज किया गया तब एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ था, जिसके चलते इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से थिएटर में रिस्पांस मिला था, जहां पे समंथा का स्टारडम और जिस तरह से फिल्म का कंटेंट था, दोनों की वजह से फिल्म इतनी बढ़िया वर्क करी, जिसके चलते करीबन 40 करोड़ तक का इस फिल्म ने ग्रॉस कलेक्शन किया। फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ IMDb पे भी देखने को मिला, जहाँ पे 2500 वोट मिले हुए थे फिल्म को, जिसमें 7.4 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। तो इस तरह से इस फिल्म ने इतना कमाल का कलेक्शन करके दिखाया, जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट का टेक ले गई। उसके बाद में इस फिल्म को OTT सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया गया, जहां पे भी इस फिल्म ने काफी बढ़िया रिस्पांस हासिल किया। OTT और सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो ओ बेबी के OTT राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम वर्जन के लिए खरीदे हुए। वहीं पे फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स है वो गोलमेंस के पास है, सैटेलाइट OTT दोनों। अब इस फिल्म को कैसे देख सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें, नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर ओ बेबी फिल्म आपको तेलुगु के साथ साथ तमिल, मलयालम, कन्नड़ा इन सभी वर्जन में, डब्ड वर्जन में साथ ही में देखने को मिलेगी, विथ इंग्लिश सबटाइटल, विथ सब्सक्रिप्शन नेटफ्लिक्स के ऊपर। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको गोलमेंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर सेम नाम यानी कि ओ बेबी नाम के साथ हिंदी डब में देखने को मिलेगा, और इसके अलावा यूट्यूब चैनल गोलमेंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको ये फिल्म ओ बेबी नाम के साथ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सबटाइटल हिंदी डब में देखने को मिलेगी।
तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ओ बेबी फिल्म आपको तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ तमिल, मलयालम, कन्नड़ा डब्ड वर्जन में नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो गोलमेज के टेलीविजन चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा हिंदी में, जहाँ पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में इंजॉय कर पाओगे। वहीं पे यूट्यूब चैनल गोलमेज के ही ऊपर आपको इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में इंजॉय कर सकते हो हिंदी डब में ओ बेबी नाम के साथ। तो इस तरह से ओ बेबी फिल्म आप ओटीटी, सैटेलाइट और यूट्यूब चैनल्स के ऊपर तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन में ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। ओह बेबी जो 2019 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है, जहां पे इस फिल्म को हिंदी डब्ड वर्जन में सेम नाम दिया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म को मलयालम, कन्नड़ा और तमिल में भी डब करके ओटीटी पे रिलीज किया गया था। वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है बीवी नंदिनी रेड्डी ने, जहाँ पे स्क्रीन प्ले डायरेक्शन उनका है। वहीं पे इस फिल्म की जो कहानी है वो मिस ग्रेनी करके एक फिल्म आई हुई थी साउथ कोरिया में 2014 में, उससे इंस्पायर्ड होकर बनाई हुई है, जहाँ पे वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जहाँ पे उसका कुछ बजट 3.2 यूएस मिलियन डॉलर था और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने 51.7 यूएस मिलियन डॉलर जितना कलेक्शन किया हुआ था। और साउथ कोरिया में वो एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद इस फिल्म का तेलुगु वर्जन में रिक्रिएशन वर्जन तैयार किया गया है, जहाँ पे तेलुगु रीमेक के राइट्स कुछ टर्म्स और कंडीशन पे बेचे गए, जहाँ पे तेलुगु रीमेक के लिए इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है वो भी तेलुगु रीमेक में अपने हाथ आजमाए हुए, जहाँ पे तेलुगु वर्जन तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से बीवी नंदिनी रेड्डी ने एडप्ट किया हुआ है। वहीं पे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है डी सुरेश बाबू ने, सुनीता तत्ती, टीजी विश्व प्रसाद और ह्यूवन थॉमस कीम ने, जिन्होंने इस फिल्म को सुरेश प्रोडक्शन, पीपल मीडिया फैक्ट्री, गुरु फिल्म्स, क्रॉस पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 16 से 20 करोड़ के बजट में बनाया हुआ है। इस फिल्म को सुरेश प्रोडक्शन के द्वारा ही तेलुगु वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था, जहां पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था। बात करें आपको टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो सिनेमेटोग्राफी रिचर्ड प्रसाद ने की हुई है, एडिटिंग जुनेद सिद्दीकी ने की हुई है, म्यूजिक डिपार्टमेंट में मिकी जे मेयर ने काम किया हुआ है, जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग कंपोज करके दिए हुए। फिल्म के म्यूजिक के राइट्स आदित्य म्यूजिक के पास है। इसके अलावा इस फिल्म को एक अच्छे खासे लेवल के साथ तेलुगु वर्जन में रिलीज किया गया था। फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो समंता रुद प्रभु देखने को मिलेंगे आपको, जिन्होंने यंग सावित्री का रोल प्ले किया हुआ है, एलाइस बेबी का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे स्वाति का किरदार भी वो प्ले करती हुई नजर आती है। लक्ष्मी, जिन्होंने ओल्ड सावित्री जो 70 ईयर्स वाली ओल्ड है उसका रोल प्ले किया हुआ है, और वो भी एलाइस बेबी वाला किरदार है वही उन्होंने प्ले किया हुआ है। इसके अलावा अब हम बात करें राजेंद्र प्रसाद की, जिन्होंने इस फिल्म में पशुपुलेटी कनकाराजू का रोल प्ले किया हुआ है, के चंती का रोल प्ले किया हुआ है जो बेबी के चाइल्डहुड फ्रेंड है, और यंग चंती का रोल नागा चैतन्य किया हुआ है, वो एक केमियो अपीयरेंस था। नागा शौर्य ने इस फिल्म में विक्रम का रोल प्ले किया हुआ है जो स्वाति का बॉयफ्रेंड है। वहीं पर राव रमेश आपको शेखर एलाइस नानी के रोल में दिखाई देंगे जो बेबी का बेटा है। सज्जा तेजा ने इस फिल्म में रामकृष्णा रोकी का रोल प्ले किया हुआ है जो बेबी का ग्रैंडसन है और शेखर का बेटा है। प्रगति ने इस फिल्म में माधवी का रोल प्ले किया था जो बेबी की डॉटर इन लॉ और शेखर की वाइफ थी। अनिसा दामा ने इस फिल्म में दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है जो बेबी की ग्रैंड डॉटर थी और शेखर की डॉटर थी। उर्वशी सुलोचना ने इस फिल्म में चंटी के कजिन का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे सुनेना ने इस फिल्म में अनासुया का रोल प्ले किया हुआ है जो चंटी की डॉटर है, जो टॉम एंड जेरी रिलेशनशिप बेबी के साथ शेयर करती हुई नजर आती है। वहीं पे ऐश्वर्या ने इस फिल्म में विक्रम की माँ का रोल प्ले किया हुआ है। स्निगंधा को जानवी का रोल दिया गया था जो विक्रम की असिस्टेंट थी। राजा रविंद्र ने इस फिल्म में इंस्पेक्टर शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पर देखने को मिलते बेबी जो मिसिंग हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए नजर आएंगे। मिर्ची हेमंत आपको इस फिल्म में अंजी के रोल में देखने को मिलेंगे जो रॉकी के फ्रेंड है और एक बैंड मेंबर है। वहीं पे श्रेयस वेनर ने इस फिल्म में आसिफ का रोल प्ले किया हुआ है जो रॉकी के फ्रेंड है और बाद में वो एक बैंड मेंबर भी
भी है, वहीं पे धनराज आपको एक यू टीजर के रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं पे कुछ केमियो अपीयरेंस भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पे जगपति बाबू ने गॉड का रोल प्ले किया हुआ है, जो बेबी को एक और लाइफ देते हैं। वहीं पे आदवी सेस आपको इस फिल्म में सावित्री के हस्बैंड के रोल में देखने को मिलेंगे और शेखर के फादर के रोल में देखने को मिलने वाले। इसके अलावा इस फिल्म में आपको सुमा कनकाला देखने को मिलेगी, जिन्होंने सुमा के रोल में केमियो अपीयरेंस दिया हुआ है, जो एक टीवी एंकर है, जो बेबी को टीवी में लाइफ एडवाइस देती हुई नजर आती है। बीवी नंदिनी रेड्डी ने डॉक्टर के रोल में केमियो अपीयरेंस दिया हुआ है, तो इतने केमियो अपीयरेंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट के ऊपर, तो नवंबर 2018 को फिल्म का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया था। ये एक अनटाइटल्ड फिल्म थी तब, जहाँ पे तब फिल्म की कॉस्ट्यूम सिलेक्शन हो रही थी और इनिशियली इस फिल्म को ओ बेबी टाइटल दिया गया था, जहाँ पे टैगलाइन रखा हुआ था येंता सक गुनावा, जहाँ पे समंथा लीड रोल में थी। जो ओ बेबी टाइटल है उसमें एच नहीं था, सिर्फ ओ था, ओ बेबी और येंता सक नावा नाम से टाइटल दिया गया था और समंथा को लीड रोल में कास्ट करने का फैसला लिया गया था। और उसके बाद फुल टाइटल रिवील किया गया था, वो बेबी यंता संकनावा, दिसंबर 2018 को, जहाँ पे बताया गया था कि सुनीता तत्ती इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाली है। पीपल मीडिया फैक्ट्री सुरेश प्रोडक्शन भी इस फिल्म के साथ जुड़ने वाले। फिल्म का टाइटल है वो समंथा का एक फिल्म आई थी जिसका नाम था रंगास्थलम, उसमें एक गाना था यंता संकनावा, उससे इंस्पायर होकर टाइटल दिया गया है, जो समंथा की उस फिल्म के उस गाने में ब्यूटी को डिस्क्राइब करता हुआ नजर आता है। इसके अलावा बाद में समंथा के साथ साथ राव, रमेश, निकंदा, नागा, शौर्य, लक्ष्मी, राजेंद्र प्रसाद को भी सपोर्टिंग रोल के लिए लिया गया था। इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो दिसंबर 2018 को स्टार्ट की गई थी, मिड मई 2019 में इसको रैप अप किया गया था। साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य म्यूजिक ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे। फिल्म में टोटल 6 गाने थे जिसको कंपोज किया हुआ मिकी जे मेयर ने, जिन्होंने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए। 2018-2019 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था। सभी गानों की जो टोटल लेंथ थी वो थी 19 मिनट 31 सेकंड। फिल्म में टोटल 6 गाने, जिसमें नालो मईप्परप्पा करके जो गाना है उसको भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था, महा अद्भुतम, चंगुबाला और ओ बेबी गाने को भी उन्होंने लिखा हुआ, सॉरी ओ बेबी, आकाश उलोना और अंगना गना वाला गाना है वो लक्ष्मी भोपाला ने लिखा हुआ था। तो ये टोटल 6 गाने थे। फिर से ट्रैक लिस्ट कर देता हूँ, ओ बेबी, नालो, मणिपुरम्पो, तीसरा गाना है अनगना गा, चौथा गाना है आकाशम लोना, पांचवा गाना है महाअद्भुतम, छठा गाना है चंगू बहला। तो ये टोटल 6 गाने थे जिसको आप फिलहाल में ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इंजॉय कर सकते हो। अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर। बेबी यानी कि एक लक्ष्मी वो रोल प्ले करती हुई नजर आती है, जो एक हाइपर ओल्ड 70 ईयर लेडी है, जो एक कैंटीन चलाती है जो उसकी खुद की है। वहीं पे उसकी डॉटर इन लॉ उसको पसंद नहीं करती है और उसकी फैमिली में कुछ ऐसे छोटे मोटे इश्यू चल रहे हैं, जहाँ पे कुछ इश्यू के चलते बेबी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है और उसके साथ बाद में कुछ ऐसी स्ट्रेंज घटनाएं घटती है जिसके चलते वो अचानक यंग हो जाती है और उसको फिर से अपनी लाइफ को अपनी तरह जीने का एक मौका मिलता है। बाकी की कहानी यही है कि ये नए अवतार में, यंग अवतार में बेबी किस तरह से अपना करियर बनाती है, अपनी अपॉर्चुनिटी जो उसने मिस की होती है वो किस तरह से उसको वापस लाती है, किस तरह से अपनी लाइफ को पीसफुली इंजॉय कर पाती है, वही सब चीज़ों फिल्म की कहानी सेट की हुई है, जहाँ पे जो यंग बेबी है वो रोल समंथा रूथ प्रभु प्ले कर रही है। अब हम बात करें इस फिल्म के कुछ प्लस पॉइंट की, तो ये एक रीमेक फिल्म है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से साउथ कोरियन फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में इंडियन नेटिविटी के हिसाब से जिस तरह से एडप किया हुआ था वो बढ़िया था। नंदिनी रेड्डी का जो स्क्रीन प्ले था, जिस तरह से उनके जो डायलॉग थे, जिस तरह से बेबी का जो किरदार उन्होंने कवर किया हुआ था, जिस तरह से उसको अभी के समय के हिसाब से दिखाया हुआ था, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी। जहाँ पे आपको समंथा का जो हार्डवर्क है वो पूरी तरह से दिखता हुआ नज़र आएगा, जिस तरह से उन्होंने यंग बेबी वाला जो रोल प्ले किया हुआ है उसमें वो इमोशनली विटी मैनर में काफ़ी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस देती हुई नजर आती है। उन्होंने फिल्म के साथ एक रोलर कोस्टर वाली परफॉर्मेंस दी हुई है, उन्होंने बताया हुआ है कि वो क्यों अच्छी एक्ट्रेस है, इस फिल्म के साथ वो आसानी से प्रूव करती हुई नजर आती है। इसके अलावा उनके इमोशनल सीन में काम, कॉमेडी सीन, इसके साथ में कुछ ड्रामा सीन्स में जिस तरह से उनके जो काम देखने को मिलते हैं वो काफ़ी बढ़िया है। उनकी केमिस्ट्री काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने सीनियर एक्टर्स के साथ शेयर की
की हुई है, उनकी और नागा शौर्य के बीच में जो एक बॉन्ड क्रिएट हुआ है वो भी बढ़िया तरीके से इस्टेब्लिश किया हुआ था, वो भी अच्छा था। इसके अलावा फिल्म में जो एक इमोशनल रोल देखने को मिलता है, राव रमेश ने प्ले किया हुआ है, वो काफ़ी बढ़िया था। नागा शौर्य, राव रमेश, इसके अलावा और भी काफ़ी बड़े सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपको राजेंद्र प्रसाद देखने को मिलेंगे, सज्जा, तेजा, प्रगति, सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है, सभी नेचुरल नज़र आ रही थी। जितना भी जो किरदार मिला उसमें बढ़िया थे। इस फिल्म के डायरेक्टर ने इसके फर्स्ट हाफ को काफ़ी पावर पैक वे में तैयार किया हुआ है, जहाँ पे हिलेरियस कॉमेडी देखने को मिलती है, सेंसिबल इमोशंस देखने को मिलते हैं, और ये सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से हमें कनेक्ट करते हैं। फिल्म में जो इमोशंस है वो पूरी तरह से हमें कैप्चर करके रखते हैं। फिल्म का क्लाइमेक्स, फिल्म का इंटरवल ब्लॉक जिस तरह से एग्जीक्यूट किया है वो बढ़िया है। फिल्म के क्लाइमेक्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ था, चीज़ें काफ़ी बेहतरीन नज़र आती है। हाँ, फिल्म का जो सेकंड हाफ है उसको थोड़ा क्रिस्प रखा जा सकता था, जो लंबा रन टाइम है उसको छोटा किया जा सकता था, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें प्रिडिक्टेबल नज़र आ रही थी, थोड़ा चीज़ें प्रिडिक्टेबल थी, जिस वजह से अगर चीज़ों को थोड़ा ट्रिम कर देते, क्रिस्प कर देते तो चीज़ें बेटर हो सकती थी। ओवरऑल फिल्म काफ़ी बढ़िया है, जहाँ पे फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी टॉप नॉच नज़र आएगी, काफ़ी एरियाज में फिल्म काफ़ी रिच नज़र आएगी। इस फिल्म में जो चीज़ें देखने को मिलती है वो काफ़ी हार्ट वार्मिंग है, वहाँ पे जो फीलिंग बोर्ड वाली मोमेंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। इन सभी चीज़ों को कैमरा मैन ने, सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी ब्यूटीफुल मैनर में कैप्चर किया हुआ है। एडिटिंग फिल्म की डिसेंट है, उसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता था। इस फिल्म को एटलीस्ट 15 मिनट जितना छोटा किया जा सकता था, जहाँ पे सेकंड हाफ में खास करके काम किया जा सकता था। सामंथा को जिस तरह से स्टाइलाइज किया हुआ है वो बढ़िया है। नागा शौर्य भी फिल्म में काफ़ी हैंडसम नज़र आ रहे थे, उनको भी काफ़ी बढ़िया तरीके से स्टाइलाइज किया हुआ था। फिल्म का म्यूजिक फिल्म का वन ऑफ द प्लस पॉइंट है, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर शानदार है, सॉन्ग्स अच्छे हैं, बीजीएम फिल्म को अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं। इमोशनल सीन, कॉमेडी सीन, ड्रामा सीन में काफ़ी बढ़िया तरीके से बीजीएम का यूज़ हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से समंथा की जो एक परफॉर्मेंस देखने को मिलती है वो फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाती है। डायरेक्टर नंदिनी रेड्डी ने काफ़ी अमेजिंग तरीके से इस फिल्म के साथ काम किया हुआ है। एक रीमेक फिल्म को जिस तरह से उन्होंने तैयार किया हुआ है, इंडियन नेटिविटी, तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से, वो सभी चीज़ें फिल्म को काफ़ी बेहतर मैनर में आगे बढ़ाने में कामयाब रहती है। फिल्म का नरेशन मजबूत था, इमोशनल मैनर के साथ, फैमिली वैल्यू के साथ, जिस तरह से क्लीन एंटरटेनमेंट फिल्म उन्होंने बनाई हुई है काबिले तारीफ है। समंथा को जिस तरह से उन्होंने शोकेस किया हुआ था, जिस तरह से उनके पास एक अच्छी परफॉर्मेंस निकलवाई हुई है वो बढ़िया काबिले तारीफ है। वो बेबी एक अच्छी खासी हार्ट वार्मिंग फैमिली ड्रामा फिल्म है, जो ज़रूर आपके दिल को छू जाएगी। इस फिल्म में काफ़ी ब्यूटीफुल इमोशंस देखने को मिलते हैं, अच्छी कॉमेडी देखने को मिलती है, बढ़िया फैमिली वैल्यूज देखने को मिलती है, साथ ही में अच्छी बॉन्ड रोमेंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सभी चीज़ें फिल्म में अच्छी तरह से डाली हुई है। तो ओवरऑल ये एक फुल तरीके से एक अच्छी खासी फैमिली एंटरटेनर फिल्म है, जहाँ पे सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इस फिल्म के पास सभी चीज़ें हैं, तो ये अच्छी तरह से आपको कनेक्ट करेगी, जहाँ पे सभी की परफॉर्मेंसेस, खास करके समंथा ने जिस तरह से इस फिल्म में काम किया हुआ है वो अनदर लेवल का है। तो ये सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है, जिस वजह से इस फिल्म को ज़रा भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखनी चाहिए। अब बात करें रिलीज के ऊपर, तो ओ बेबी फिल्म को तेलुगु वर्जन में 5 जुलाई 2019 को थिएटर में रिलीज किया गया था। जब फिल्म को रिलीज किया गया तब एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ था, जिसके चलते इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से थिएटर में रिस्पांस मिला था, जहां पे समंथा का स्टारडम और जिस तरह से फिल्म का कंटेंट था, दोनों की वजह से फिल्म इतनी बढ़िया वर्क करी, जिसके चलते करीबन 40 करोड़ तक का इस फिल्म ने ग्रॉस कलेक्शन किया। फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ IMDb पे भी देखने को मिला, जहां पे 2500 वोट मिले हुए थे फिल्म को, जिसमें 7.4 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। तो इस तरह से इस फिल्म ने इतना माल का कलेक्शन करके दिखाया, जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट का टेक ले गई। उसके बाद में इस फिल्म को OTT सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया गया, जहां पे भी इस फिल्म ने काफी बढ़िया रिस्पांस हासिल किया। OTT और सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो ओ बेबी के OTT राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम वर्जन के लिए खरीदे हुए, वहीं पे फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स है वो गोलमेंस के पास है, सैटेलाइट OTT दोनों। अब इस फिल्म को कैसे देख सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें, नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर ओ बेबी फिल्म आपको तेलुगु के साथ साथ तमिल, मलयालम, कन्नड़ा इन सभी वर्जन में, डब्ड वर्जन में साथ ही में देखने को मिलेगी, विथ इंग्लिश सबटाइटल, विथ सब्सक्रिप्शन नेटफ्लिक्स के ऊपर। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर सेम नाम यानी कि ओ बेबी नाम के साथ हिंदी डब में देखने को मिलेगा, और इसके अलावा यूट्यूब चैनल गोलमाइंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको ये फिल्म ओ बेबी नाम के साथ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सबटाइटल हिंदी डब में देखने को मिलेगी।
तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ओ बेबी फिल्म आपको तेलुगू लैंग्वेज के साथ साथ तमिल, मलयालम, कन्नड़ा डब्ड वर्जन में नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो गोलमेज के टेलीविजन चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा हिंदी में, जहाँ पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में इंजॉय कर पाओगे। वहीं पे यूट्यूब चैनल गोलमेज के ही ऊपर आपको इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में इंजॉय कर सकते हो हिंदी डब में ओ बेबी नाम के साथ। तो इस तरह से ओ बेबी फिल्म OTT, सैटेलाइट और यूट्यूब चैनल्स के ऊपर तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन में ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। ओह बेबी जो 2019 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है, जहां पे इस फिल्म को हिंदी डब्ड वर्जन में सेम नाम दिया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म को मलयालम, कन्नड़ा और तमिल में भी डब करके OTT पे रिलीज किया गया था। वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है बीवी नंदिनी रेड्डी ने, जहाँ पे स्क्रीन प्ले डायरेक्शन उनका है। वहीं पे इस फिल्म की जो कहानी है वो मिस ग्रेनी करके एक फिल्म आई हुई थी साउथ कोरिया में 2014 में, उससे इंस्पायर्ड होकर बनाई हुई है। जहाँ पे वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जहाँ पे उसका कुछ बजट $3.2 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने $51.7 मिलियन जितना कलेक्शन किया हुआ था। और साउथ कोरिया में वो एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद इस फिल्म का तेलुगु वर्जन में रिक्रिएशन वर्जन तैयार किया गया है, जहाँ पे तेलुगु रीमेक के राइट्स कुछ टर्म्स और कंडीशन पे बेचे गए, जहाँ पे तेलुगु रीमेक के लिए इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है वो भी तेलुगु रीमेक में अपने हाथ आजमाए हुए, जहाँ पे तेलुगु वर्जन तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से बीवी नंदिनी रेड्डी ने एडप्ट किया हुआ है। वहीं पे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है डी सुरेश बाबू ने, सुनीता तत्ती, टीजी विश्व प्रसाद और ह्यूमन थॉमस कीम ने, जिन्होंने इस फिल्म को सुरेश प्रोडक्शन, पीपल मीडिया फैक्ट्री, गुरु फिल्म्स, क्रॉस पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 16 से 20 करोड़ के बजट में बनाया हुआ है। इस फिल्म को सुरेश प्रोडक्शन के द्वारा ही तेलुगु वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था, जहां पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को US सर्टिफिकेट मिला हुआ था। बात करें आपको टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो सिनेमेटोग्राफी रिचर्ड प्रसाद ने की हुई है, एडिटिंग जुनेद सिद्दीकी ने की हुई है, म्यूजिक डिपार्टमेंट में मिकी जे मेयर ने काम किया हुआ है, जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग कंपोज करके दिए हुए हैं। फिल्म के म्यूजिक के राइट्स आदित्य म्यूजिक के पास है। इसके अलावा इस फिल्म को एक अच्छे खासे लेवल के साथ तेलुगु वर्जन में रिलीज किया गया था। फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो समंता रुद प्रभु देखने को मिलेंगे आपको, जिन्होंने यंग सावित्री का रोल प्ले किया हुआ है, एलाइस बेबी का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे स्वाति का किरदार भी वो प्ले करती हुई नजर आती है। लक्ष्मी, जिन्होंने ओल्ड सावित्री जो 70 ईयर्स वाली ओल्ड है उसका रोल प्ले किया हुआ है, और वो भी एलाइस बेबी वाला किरदार है वही उन्होंने प्ले किया हुआ है। इसके अलावा अब हम बात करें राजेंद्र प्रसाद की, जिन्होंने इस फिल्म में पशुपुलेटी कनकाराजू का रोल प्ले किया हुआ है, के चंती का रोल प्ले किया हुआ है जो बेबी के चाइल्डहुड फ्रेंड है, और यंग चंती का रोल नागा चैतन्य किया हुआ है, वो एक केमियो अपीयरेंस था। नागा शौर्या ने इस फिल्म में विक्रम का रोल प्ले किया हुआ है जो स्वाति का बॉयफ्रेंड है। वहीं पर राव रमेश आपको शेखर एलाइस नानी के रोल में दिखाई देंगे जो बेबी का बेटा है। सज्जा तेजा ने इस फिल्म में रामकृष्णा रोकी का रोल प्ले किया हुआ है जो बेबी का ग्रैंडसन है और शेखर का बेटा है। प्रगति ने इस फिल्म में माधवी का रोल प्ले किया हुआ था जो बेबी की डॉटर इन लॉ और शेखर की वाइफ थी। अनिशा दामा ने इस फिल्म में दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है जो बेबी की ग्रैंड डॉटर थी और शेखर की डॉटर थी। उर्वशी सुलोचना ने इस फिल्म में चंटी के कजिन का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे सुनैना ने इस फिल्म में अनासुया का रोल प्ले किया हुआ है जो चंटी की डॉटर है, जो टॉम एंड जेरी रिलेशनशिप बेबी के साथ शेयर करती हुई नजर आती है। वहीं पे ऐश्वर्या ने इस फिल्म में विक्रम की माँ का रोल प्ले किया हुआ है। स्निगंधा को जानवी का रोल दिया गया था जो विक्रम की असिस्टेंट थी। राजा रविंद्र ने इस फिल्म में इंस्पेक्टर शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पर देखने को मिलते बेबी जो मिसिंग हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए नजर आएंगे। मिर्ची हेमंत आपको इस फिल्म में अंजी के रोल में देखने को मिलेंगे जो रोकी के फ्रेंड है और एक बैंड मेंबर है। वहीं पे श्रेयस वेनर ने इस फिल्म में आसिफ का रोल प्ले किया हुआ है जो रोकी के फ्रेंड है और बाद में वो एक बैंड मेंबर भी है। वहीं पे धनराज आपको एक यू टीजर के रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं पे कुछ केमियो अपीयरेंस भी देखने को
मिलेंगे जहाँ पे जगपति बाबू ने गॉड का रोल प्ले किया हुआ है, जो बेबी को एक और लाइफ देते हैं। वहीं पे आदवी सेस आपको इस फिल्म में सावित्री के हस्बैंड के रोल में देखने को मिलेंगे और शेखर के फादर के रोल में देखने को मिलने वाले। इसके अलावा इस फिल्म में आपको सुमा का नकाला देखने को मिलेगी, जिन्होंने सुमा के रोल में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है, जो एक टीवी एंकर है जो बेबी को टीवी में लाइफ एडवाइस देती हुई नजर आती है। बीवी नंदिनी रेड्डी ने डॉक्टर के रोल में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है, तो इतने कैमियो अपीयरेंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट के ऊपर, तो नवंबर 2018 को फिल्म का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया था। ये एक अनटाइटल फिल्म थी तब, जहाँ पे तब फिल्म की कॉस्ट्यूम सिलेक्शन हो रही थी और इनिशियली इस फिल्म को ओ बेबी टाइटल दिया गया था, जहाँ पे टैगलाइन रखा हुआ था येंता सक गुनावा, जहाँ पे समंथा लीड रोल में थी। जो ओ बेबी टाइटल है उसमें एच नहीं था, सिर्फ ओ था, ओ बेबी और येंता सक नावा नाम से टाइटल दिया गया था और समंथा को लीड रोल में कास्ट करने का फैसला लिया गया था। और उसके बाद फुल टाइटल रिवील किया गया था ओ बेबी येंता सक नावा दिसंबर 2018 को, जहाँ पे बताया गया था कि सुनीता तत्ती इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाली है। पीपल मीडिया फैक्ट्री सुरेश प्रोडक्शन भी इस फिल्म के साथ जुड़ने वाले। फिल्म का टाइटल है वो समंथा का एक फिल्म आई थी जिसका नाम था रंगास्थलम, उसमें एक गाना था यंथा सक्कुनावा, उससे इंस्पायर होकर टाइटल दिया गया है, जो समंथा की उस फिल्म के उस गाने में ब्यूटी को डिस्क्राइब करता हुआ नजर आता है। इसके अलावा बाद में समंथा के साथ साथ राव, रमेश, निकंदा, नागा, शौर्य, लक्ष्मी, राजेंद्र प्रसाद को भी सपोर्टिंग रोल के लिए लिया गया था। इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो दिसंबर 2018 को स्टार्ट की गई थी, मिड मई 2019 में इसको रैप अप किया गया था। साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य म्यूजिक ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे। फिल्म में टोटल 6 गाने थे जिसको कंपोज किया हुआ मिकी जे मेयर ने, जिन्होंने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए। 2018-2019 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था। सभी गानों की जो टोटल लेंथ थी वो थी 19 मिनट 31 सेकंड। फिल्म में टोटल 6 गाने, जिसमें नालो मईप्परप्पा करके जो गाना है उसको भास्करा भाटला ने लिखा हुआ था, महा अद्भुतम, चंगू बाला और ओ बेबी गाने को भी उन्होंने लिखा हुआ था, सॉरी ओ बेबी, आकाश उलोना और अंगना गना वाला गाना है वो लक्ष्मी भोपाला ने लिखा हुआ था। तो ये टोटल 6 गाने थे। फिर से ट्रैक लिस्ट कर देता हूँ, ओ बेबी, नालो, मणिपुरम्पो, तीसरा गाना है अनगना गा, चौथा गाना है आकाशम लोना, पांचवा गाना है महाअद्भुतम, छठा गाना है चंगू बहला। तो ये टोटल 6 गाने थे जिसको आप फिलहाल में ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इंजॉय कर सकते हो। अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर। बेबी यानी कि एक लक्ष्मी वो रोल प्ले करती हुई नजर आती है, जो एक हाइपर ओल्ड 70 ईयर लेडी है, जो एक कैंटीन चलाती है जो उसकी खुद की है। वहीं पे उसकी डॉटर इन लॉ उसको पसंद नहीं करती है और उसकी फैमिली में कुछ ऐसे छोटे मोटे इश्यू चल रहे हैं, जहाँ पे कुछ इश्यू के चलते बेबी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है और उसके साथ बाद में कुछ ऐसी स्ट्रेंज घटनाएं घटती है जिसके चलते वो अचानक यंग हो जाती है और उसको फिर से अपनी लाइफ को अपनी तरह जीने का एक मौका मिलता है। बाकी की कहानी यही है कि ये नए अवतार में, यंग अवतार में बेबी किस तरह से अपना करियर बनाती है, अपनी अपॉर्चुनिटी जो उसने मिस की होती है वो किस तरह से उसको वापस लाती है, किस तरह से अपनी लाइफ को पीसफुली इंजॉय कर पाती है, वही सब चीज़ हम फिल्म की कहानी से एड की हुई है, जहाँ पे जो यंग बेबी है वो रोल समंथा रूथ प्रभु प्ले कर रही है। अब हम बात करें इस फिल्म के कुछ प्लस पॉइंट की, तो ये एक रीमेक फिल्म है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से साउथ कोरियन फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में इंडियन नेटिविटी के हिसाब से जिस तरह से एडअप किया हुआ था वो बढ़िया था। नंदिनी रेड्डी का जो स्क्रीन प्ले था, जिस तरह से उनके जो डायलॉग थे, जिस तरह से बेबी का जो किरदार उन्होंने कवर किया हुआ था, जिस तरह से उसको अभी के समय के हिसाब से दिखाया हुआ था, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी। जहाँ पे आपको समंथा का जो हार्डवर्क है वो पूरी तरह से दिखता हुआ नजर आया, जिस तरह से उन्होंने यंग बेबी वाला जो रोल प्ले किया हुआ है उसमें वो इमोशनली विटी मैनर में काफ़ी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस देती हुई नजर आती है। उन्होंने फिल्म के साथ एक रोलर कोस्टर वाली परफॉर्मेंस दी हुई है, उन्होंने बताया हुआ है कि वो क्यों अच्छी एक्ट्रेस है, इस फिल्म के साथ वो आसानी से प्रूव करती हुई नजर आती है। इसके अलावा उनके इमोशनल सीन में काम, कॉमेडी सीन, इसके साथ में कुछ ड्रामा सीन्स में जिस तरह से उनके जो काम देखने को मिलते हैं वो काफ़ी बढ़िया है। उनकी केमिस्ट्री काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने सीनियर एक्टर्स के साथ शेयर की
बातचीत हुई है, उनकी और नागा शौर्य के बीच में जो एक बॉन्ड क्रिएट हुआ है वो भी बढ़िया तरीके से इस्टेब्लिश किया हुआ था, वो भी अच्छा था। इसके अलावा फिल्म में जो एक इमोशनल रोल देखने को मिलता है, राव रमेश ने प्ले किया हुआ है, वो काफ़ी बढ़िया था। नागा शौर्य, राव रमेश, इसके अलावा और भी काफ़ी बड़े सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आपको राजेंद्र प्रसाद देखने को मिलेंगे, सज्जा, तेजा, प्रगति, सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है, सभी नेचुरल नजर आ रही थी। जितना भी जो किरदार मिला उसमें बढ़िया थे। इस फिल्म के डायरेक्टर ने इसके फर्स्ट हाफ को काफ़ी पावर पैक वे में तैयार किया हुआ है, जहाँ पे हिलेरियस कॉमेडी देखने को मिलती है, सेंसिबल इमोशंस देखने को मिलते हैं, और ये सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से हमें कनेक्ट करते हैं। फिल्म में जो इमोशंस है वो पूरी तरह से हमें कैप्चर करके रखते हैं। फिल्म का क्लाइमेक्स, फिल्म का इंटरवल ब्लॉक जिस तरह से एग्जीक्यूट किया है वो बढ़िया है। फिल्म के क्लाइमेक्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ था, चीज़ें काफ़ी बेहतरीन नज़र आती है। हाँ, फिल्म का जो सेकंड हाफ है उसको थोड़ा क्रिस्प रखा जा सकता था, जो लंबा रन टाइम है उसको छोटा किया जा सकता था, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें प्रिडिक्टेबल नज़र आ रही थी, थोड़ा चीज़ें प्रिडिक्टेबल थी, जिस वजह से अगर चीज़ों को थोड़ा ट्रिम कर देते, क्रिस्प कर देते तो चीज़ें बेटर हो सकती थी। ओवरऑल फिल्म काफ़ी बढ़िया है, जहाँ पे फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी टॉप नॉच नज़र आएगी, काफ़ी एरियाज में फिल्म काफ़ी रिच नज़र आएगी। इस फिल्म में जो चीज़ें देखने को मिलती है वो काफ़ी हार्ट वार्मिंग है, वहाँ पे जो फिल्म बोर्ड वाले मोमेंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं, इन सभी चीज़ों को कैमरा मैन ने, सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी ब्यूटीफुल मैनर में कैप्चर किया हुआ है। एडिटिंग फिल्म की डिसेंट है, उसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता था। इस फिल्म को एटलीस्ट 15 मिनट जितना छोटा किया जा सकता था, जहाँ पे सेकंड हाफ में खास करके काम किया जा सकता था। सामंथा को जिस तरह से स्टाइलाइज किया हुआ है वो बढ़िया है। नागा शौर्य भी फिल्म में काफ़ी हैंडसम नज़र आ रहे थे, उनको भी काफ़ी बढ़िया तरीके से स्टाइलाइज किया हुआ था। फिल्म का म्यूजिक फिल्म का वन ऑफ द प्लस पॉइंट है, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर शानदार है, सॉन्ग्स अच्छे हैं, बीजीएम फिल्म को अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं, इमोशनल सीन, कॉमेडी सीन, ड्रामा सीन में काफ़ी बढ़िया तरीके से बीजीएम का यूज़ हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से समंथा की जो एक परफॉर्मेंस देखने को मिलती है वो फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाती है। डायरेक्टर नंदिनी रेड्डी ने काफ़ी अमेजिंग तरीके से इस फिल्म के साथ काम किया हुआ है। एक रीमेक फिल्म को जिस तरह से उन्होंने तैयार किया हुआ है इंडियन नेटिविटी, तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से, वो सभी चीज़ें फिल्म को काफ़ी बेहतर मैनर में आगे बढ़ाने में कामयाब रहती है। फिल्म का नरेशन मजबूत था, इमोशनल मैनर के साथ, फैमिली वैल्यू के साथ, जिस तरह से क्लीन एंटरटेनमेंट फिल्म उन्होंने बनाई हुई है वो काबिले तारीफ है। समंथा को जिस तरह से उन्होंने शोकेस किया हुआ था, जिस तरह से उनके पास से एक अच्छी परफॉर्मेंस निकलवाई हुई है वो बढ़िया काबिले तारीफ है। वो बेबी एक अच्छी खासी हार्ट वार्मिंग फैमिली ड्रामा फिल्म है, जो ज़रूर आपके दिल को छू जाएगी। इस फिल्म में काफ़ी ब्यूटीफुल इमोशंस देखने को मिलती है, अच्छी कॉमेडी देखने को मिलती है, बढ़िया फैमिली वैल्यूज देखने को मिलती है, साथ ही में अच्छी बॉन्ड रोमेंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सभी चीज़ें फिल्म में अच्छी तरह से डाली हुई है। तो ओवरऑल ये एक फुल तरीके से एक अच्छी खासी फैमिली एंटरटेनर फिल्म है, जहाँ पे सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इस फिल्म के पास सभी चीज़ें हैं, तो ये अच्छी तरह से आपको कनेक्ट करेगी, जहाँ पे सभी की परफॉर्मेंसेस, खास करके समंथा ने जिस तरह से इस फिल्म में काम किया हुआ है वो अनदर लेवल का है। तो ये सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है, जिस वजह से इस फिल्म को ज़रा भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखनी चाहिए। अब बात करें रिलीज के ऊपर, तो ओ बेबी फिल्म को तेलुगु वर्जन में 5 जुलाई 2019 को थिएटर में रिलीज किया गया था। जब फिल्म को रिलीज किया गया तब एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ था, जिसके चलते इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से थिएटर में रिस्पांस मिला था, जहाँ पे समंथा का स्टारडम और जिस तरह से फिल्म का कंटेंट था, दोनों की वजह से फिल्म इतनी बढ़िया वर्क करी, जिसके चलते करीबन 40 करोड़ तक का इस फिल्म ने ग्रॉस कलेक्शन किया। फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ IMDb पे भी देखने को मिला, जहाँ पे 2500 वोट मिले हुए थे फिल्म को, जिसमें 7.4 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। तो इस तरह से इस फिल्म ने इतना कमाल का कलेक्शन करके दिखाया, जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट का टेक ले गई। उसके बाद में इस फिल्म को OTT सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया गया, जहां पे भी इस फिल्म ने काफी बढ़िया रिस्पांस हासिल किया। OTT और सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो ओ बेबी के OTT राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम वर्जन के लिए खरीदे हुए, वहीं पे फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स है वो गोलमेंस के पास है, सैटेलाइट OTT दोनों। अब इस फिल्म को कैसे देख सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें, नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर ओ बेबी फिल्म आपको तेलुगु के साथ साथ तमिल, मलयालम, कन्नड़ा इन सभी वर्जन में, डब्ड वर्जन में साथ ही में देखने को मिलेगी, विथ इंग्लिश सबटाइटल, विथ सब्सक्रिप्शन नेटफ्लिक्स के ऊपर। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर सेम नाम यानी कि ओ बेबी नाम के साथ हिंदी डब में देखने को मिलेगा, और इसके अलावा यूट्यूब चैनल गोलमाइंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको ये फिल्म ओ बेबी नाम के साथ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सबटाइटल हिंदी डब में देखने को मिलेगी।
तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ओ बेबी फिल्म आपको तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ तमिल, मलयालम, कन्नड़ा डब्ड वर्जन में नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो गोलमेज के टेलीविजन चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा हिंदी में, जहाँ पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में इंजॉय कर पाओगे। वहीं पे यूट्यूब चैनल गोलमेज के ही ऊपर आपको इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में इंजॉय कर सकते हो हिंदी डब में ओ बेबी नाम के साथ। तो इस तरह से ओ बेबी फिल्म आप ओटीटी, सैटेलाइट और यूट्यूब चैनल्स के ऊपर तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन में ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। ओह बेबी जो 2019 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है, जहां पे इस फिल्म को हिंदी डब्ड वर्जन में सेम नाम दिया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म को मलयालम, कन्नड़ा और तमिल में भी डब करके ओटीटी पे रिलीज किया गया था। वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है बीवी नंदिनी रेड्डी ने, जहाँ पे स्क्रीन प्ले डायरेक्शन उनका है। वहीं पे इस फिल्म की जो कहानी है वो मिस ग्रेनी करके एक फिल्म आई हुई थी साउथ कोरिया में 2014 में, उससे इंस्पायर्ड होकर बनाई हुई है, जहाँ पे वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जहाँ पे उसका कुछ बजट 3.2 यूएस मिलियन डॉलर था और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने 51.7 यूएस मिलियन डॉलर जितना कलेक्शन किया हुआ था। और साउथ कोरिया में वो एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद इस फिल्म का तेलुगु वर्जन में रिक्रिएशन वर्जन तैयार किया गया है, जहाँ पे तेलुगु रीमेक के राइट्स कुछ टर्म्स और कंडीशन पे बेचे गए, जहाँ पे तेलुगु रीमेक के लिए इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है वो भी तेलुगु रीमेक में अपने हाथ आजमाए हुए, जहाँ पे तेलुगु वर्जन तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से बीवी नंदिनी रेड्डी ने एडप्ट किया हुआ है। वहीं पे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है डी सुरेश बाबू ने, सुनीता तत्ती, टीजी विश्व प्रसाद और ह्यूमन थॉमस कीम ने, जिन्होंने इस फिल्म को सुरेश प्रोडक्शन, पीपल मीडिया फैक्ट्री, गुरु फिल्म्स, क्रॉस पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 16 से 20 करोड़ के बजट में बनाया हुआ है। इस फिल्म को सुरेश प्रोडक्शन के द्वारा ही तेलुगु वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था, जहां पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था। बात करें आप वो शेयर टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो सिनेमेटोग्राफी रिचर्ड प्रसाद ने की हुई है, एडिटिंग जुनेद सिद्दीकी ने की हुई है, म्यूजिक डिपार्टमेंट में मिकी जे मेयर ने काम किया हुआ है, जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग कंपोज करके दिए हुए। फिल्म के म्यूजिक के राइट्स आदित्य म्यूजिक के पास है। इसके अलावा इस फिल्म को एक अच्छे खासे लेवल के साथ तेलुगु वर्जन में रिलीज किया गया था। फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो समंता रुद्र प्रभु देखने को मिलेंगे आपको, जिन्होंने यंग सावित्री का रोल प्ले किया हुआ है, एलाइस बेबी का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे स्वाति का किरदार भी वो प्ले करती हुई नजर आती है। लक्ष्मी, जिन्होंने ओल्ड सावित्री जो 70 ईयर्स वाली ओल्ड है उसका रोल प्ले किया हुआ है, और वो भी एलाइस बेबी वाला किरदार है वही उन्होंने प्ले किया हुआ है। इसके अलावा अब हम बात करें राजेंद्र प्रसाद की, जिन्होंने इस फिल्म में पशुपुलेटी कनकाराजू का रोल प्ले किया हुआ है, के चंती का रोल प्ले किया हुआ है जो बेबी के चाइल्डहुड फ्रेंड है, और यंग चंती का रोल नागा चैतन्य किया हुआ है, वो एक केमियो अपीयरेंस था। नागा शौर्या ने इस फिल्म में विक्रम का रोल प्ले किया हुआ है जो स्वाति का बॉयफ्रेंड है। वहीं पर राव रमेश आपको शेखर एलाइस नानी के रोल में दिखाई देंगे जो बेबी का बेटा है। सज्जा तेजा ने इस फिल्म में रामकृष्णा रोकी का रोल प्ले किया हुआ है जो बेबी का ग्रैंडसन है और शेखर का बेटा है। प्रगति ने इस फिल्म में माधवी का रोल प्ले किया था जो बेबी की डॉटर इन लॉ और शेखर की वाइफ थी। अनिसा दामा ने इस फिल्म में दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है जो बेबी की ग्रैंड डॉटर थी और शेखर की डॉटर थी। उर्वशी सुलोचना ने इस फिल्म में चंटी के कजिन का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे सुनेना ने इस फिल्म में अनासुया का रोल प्ले किया हुआ है जो चंटी की डॉटर है, जो टॉम एंड जेरी रिलेशनशिप बेबी के साथ शेयर करती हुई नजर आती है। वहीं पे ऐश्वर्या ने इस फिल्म में विक्रम की माँ का रोल प्ले किया हुआ है। स्निगंधा को जानवी का रोल दिया गया था जो विक्रम की असिस्टेंट थी। राजा रविंद्र ने इस फिल्म में इंस्पेक्टर शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पर देखने को मिलते बेबी जो मिसिंग हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए नजर आएंगे। मिर्ची हेमंत आपको इस फिल्म में अंजी के रोल में देखने को मिलेंगे जो रोकी के फ्रेंड है और एक बैंड मेंबर है। वहीं पे श्रेयस वेनर ने इस फिल्म में आसिफ का रोल प्ले किया हुआ है जो रोकी के फ्रेंड है और बाद में वो एक बैंड मेंबर भी है। वहीं पे धनराज आपको एक यू टीजर के रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं पे कुछ केमियो अपीयरेंस भी देखने को
मिलेंगे जहाँ पे जगपति बाबू ने गॉड का रोल प्ले किया हुआ है, जो बेबी को एक और लाइफ देते हैं। वहीं पे आदवी सेस आपको इस फिल्म में सावित्री के हस्बैंड के रोल में देखने को मिलेंगे और शेखर के फादर के रोल में देखने को मिलने वाले। इसके अलावा इस फिल्म में आपको सुमा कनकाला देखने को मिलेगी, जिन्होंने सुमा के रोल में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है, जो एक टीवी एंकर है जो बेबी को टीवी में लाइफ एडवाइस देती हुई नजर आती है। बीवी नंदिनी रेड्डी ने डॉक्टर के रोल में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है, तो इतने कैमियो अपीयरेंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट के ऊपर, तो नवंबर 2018 को फिल्म का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया था। ये एक अनटाइटल्ड फिल्म थी तब, जहाँ पे तब फिल्म की कॉस्ट्यूम सिलेक्शन हो रही थी और इनिशियली इस फिल्म को ओ बेबी टाइटल दिया गया था, जहाँ पे टैगलाइन रखा हुआ था येंता सक गुनावा, जहाँ पे समंथा लीड रोल में थी। जो ओ बेबी टाइटल है उसमें एच नहीं था, सिर्फ ओ था, ओ बेबी और येंता सक नावा नाम से टाइटल दिया गया था और समंथा को लीड रोल में कास्ट करने का फैसला लिया गया था। और उसके बाद फुल टाइटल रिवील किया गया था, वो बेबी यंता संकनावा, दिसंबर 2018 को, जहाँ पे बताया गया था कि सुनीता तत्ती इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाली है। पीपल मीडिया फैक्ट्री सुरेश प्रोडक्शन भी इस फिल्म के साथ जुड़ने वाले। फिल्म का टाइटल है वो समंथा का एक फिल्म आई थी जिसका नाम था रंगास्थलम, उसमें एक गाना था यंता संकनावा, उससे इंस्पायर होकर टाइटल दिया गया है, जो समंथा की उस फिल्म के उस गाने में ब्यूटी को डिस्क्राइब करता हुआ नजर आता है। इसके अलावा बाद में समंथा के साथ साथ राव, रमेश, निकंदा, नागा, शौर्य, लक्ष्मी, राजेंद्र प्रसाद को भी सपोर्टिंग रोल के लिए लिया गया था। इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो दिसंबर 2018 को स्टार्ट की गई थी, मिड मई 2019 में इसको रैप अप किया गया था। साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य म्यूजिक ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे। फिल्म में टोटल 6 गाने थे जिसको कंपोज किया हुआ मिकी जे मेयर ने, जिन्होंने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए। 2018-2019 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था। सभी गानों की जो टोटल लेंथ थी वो थी 19 मिनट 31 सेकंड। फिल्म में टोटल 6 गाने, जिसमें नालो मई परप्पा करके जो गाना है उसको भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था, महा अद्भुतम, चंगू बाला और ओ बेबी गाने को भी उन्होंने लिखा हुआ, सॉरी ओ बेबी, आकाश उलोना और अंगन अंगना वाला गाना है वो लक्ष्मी भोपाला ने लिखा हुआ था। तो ये टोटल 6 गाने थे। फिर से ट्रैक लिस्ट कर देता हूँ, ओ बेबी, नालो, मणिपुरम्पो, तीसरा गाना है अनगनगा, चौथा गाना है आकाशम लोना, पांचवा गाना है महाअद्भुतम, छठा गाना है चंगू बहला। तो ये टोटल 6 गाने थे जिसको आप फिलहाल में ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इंजॉय कर सकते हो। अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर। बेबी यानी कि एक लक्ष्मी वो रोल प्ले करती हुई नजर आती है, जो एक हाइपर ओल्ड 70 ईयर लेडी है, जो एक कैंटीन चलाती है जो उसकी खुद की है। वहीं पे उसकी डॉटर इन लॉ उसको पसंद नहीं करती है और उसकी फैमिली में कुछ ऐसे छोटे मोटे इश्यू चल रहे हैं, जहाँ पे कुछ इश्यू के चलते बेबी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है और उसके साथ बाद में कुछ ऐसी स्ट्रेंज घटनाएं घटती है जिसके चलते वो अचानक यंग हो जाती है और उसको फिर से अपनी लाइफ को अपनी तरह जीने का एक मौका मिलता है। बाकी की कहानी यही है कि ये नए अवतार में, यंग अवतार में बेबी किस तरह से अपना करियर बनाती है, अपनी अपॉर्चुनिटी जो उसने मिस की थी वो किस तरह से उसको वापस लाती है, किस तरह से अपनी लाइफ को पीसफुली इंजॉय कर पाती है, वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है, जहाँ पे जो यंग बेबी है वो रोल समंथा रूथ प्रभु प्ले कर रही है। अब हम बात करें इस फिल्म के कुछ प्लस पॉइंट की, तो ये एक रीमेक फिल्म है लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से साउथ कोरियन फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में इंडियन नेटिविटी के हिसाब से जिस तरह से एडअप किया हुआ था वो बढ़िया था। नंदिनी रेड्डी का जो स्क्रीन प्ले था, जिस तरह से उनके जो डायलॉग थे, जिस तरह से बेबी का जो किरदार उन्होंने कवर किया हुआ था, जिस तरह से उसको अभी के समय के हिसाब से दिखाया हुआ था, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी। जहाँ पे आपको समंथा का जो हार्डवर्क है वो पूरी तरह से दिखता हुआ नज़र आया है। जिस तरह से उन्होंने यंग बेबी वाला जो रोल प्ले किया हुआ है उसमें वो इमोशनली विटी मैनर में काफ़ी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस देती हुई नजर आती है। उन्होंने फिल्म के साथ एक रोलर कोस्टर वाली परफॉर्मेंस दी हुई है। उन्होंने बताया हुआ है कि वो क्यों अच्छी एक्ट्रेस है, इस फिल्म के साथ वो आसानी से प्रूव करती हुई नजर आती है। इसके अलावा उनके इमोशनल सीन में काम, कॉमेडी सीन, इसके साथ में कुछ ड्रामा सीन्स में जिस तरह से उनके जो काम देखने को मिलते हैं वो काफ़ी बढ़िया है। उनकी केमिस्ट्री काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने सीनियर एक्टर्स के साथ शेयर की
लगी हुई है उनकी और नागा शौर्य के बीच में जो एक बॉन्ड क्रिएट हुआ है वो भी बढ़िया तरीके से इस्टेब्लिश किया हुआ था, वो भी अच्छा था। इसके अलावा फिल्म में जो एक इमोशनल रोल देखने को मिलता है राव रमेश ने प्ले किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था, नागा शौर्य, राव रमेश। इसके अलावा और भी काफ़ी बड़े सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपको राजेंद्र प्रसाद देखने को मिलेंगे, सज्जा, तेजा, प्रगति, सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है, सभी नेचुरल नज़र आ रही थी, जितना भी जो किरदार मिला उसमें बढ़िया थे। इस फिल्म के डायरेक्टर ने इसके फर्स्ट हाफ को काफ़ी पावर पैक वे में तैयार किया हुआ है, जहाँ पे हिलेरियस कॉमेडी देखने को मिलती है, सेंसिबल इमोशंस देखने को मिलते हैं, और ये सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से हमें कनेक्ट करते हैं। फिल्म में जो इमोशंस है वो पूरी तरह से हमें कैप्चर करके रखते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स, फिल्म का इंटरवल ब्लॉक जिस तरह से एग्जीक्यूट किया है वो बढ़िया है। फिल्म के क्लाइमैक्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ था, चीज़ें काफ़ी बेहतरीन नज़र आती है। हाँ, फिल्म का जो सेकंड हाफ है उसको थोड़ा क्रिस्प रखा जा सकता था, जो लंबा रन टाइम है उसको छोटा किया जा सकता था, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें प्रिडिक्टेबल नज़र आ रही थी, थोड़ा चीज़ें प्रिडिक्टेबल थी, जिस वजह से अगर चीज़ों को थोड़ा ट्रिम कर देते, क्रिस्प कर देते तो चीज़ें बेटर हो सकती थी। ओवरऑल फिल्म काफ़ी बढ़िया है, जहाँ पे फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी टॉप नोच नज़र आएगी, काफ़ी एरियाज में फिल्म काफ़ी रिच नज़र आएगी। इस फिल्म में जो चीज़ें देखने को मिलती है वो काफ़ी हार्ट वार्मिंग है, वहाँ पे जो फीलिंग फूड वाली मोमेंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। इन सभी चीज़ों को कैमरा मैन ने, सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी ब्यूटीफुल मैनर में कैप्चर किया हुआ है। एडिटिंग फिल्म की डिसेंट है, उसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता था। इस फिल्म को एटलीस्ट 15 मिनट जितना छोटा किया जा सकता था, जहाँ पे सेकंड हाफ में खास करके काम किया जा सकता था। सामंथा को जिस तरह से स्टाइलाइज किया हुआ है वो बढ़िया है। नागा शौर्य भी फिल्म में काफ़ी हैंडसम नज़र आ रहे थे, उनको भी काफ़ी बढ़िया तरीके से स्टाइलाइज किया हुआ था। फिल्म का म्यूजिक फिल्म का वन ऑफ द प्लस पॉइंट है, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर शानदार है, सॉन्ग्स अच्छे हैं, बीजीएम फिल्म को अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं, इमोशनल सीन, कॉमेडी सीन, ड्रामा सीन में काफ़ी बढ़िया तरीके से बीजीएम का यूज़ हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से समंथा की जो एक परफॉर्मेंस देखने को मिलती है वो फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाती है। डायरेक्टर नंदिनी रेड्डी ने काफ़ी अमेजिंग तरीके से इस फिल्म के साथ काम किया हुआ है। एक रीमेक फिल्म को जिस तरह से उन्होंने तैयार किया हुआ है, इंडियन नेटिविटी, तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से, वो सभी चीज़ें फिल्म को काफ़ी बेहतर मैनर में आगे बढ़ाने में कामयाब रहती है। फिल्म का नरेशन मजबूत था, इमोशनल मैनर के साथ, फैमिली वैल्यू के साथ, जिस तरह से क्लीन एंटरटेनमेंट फिल्म उन्होंने बनाई हुई है वो काबिले तारीफ है। समंथा को जिस तरह से उन्होंने शोकेस किया हुआ था, जिस तरह से उनके पास से एक अच्छी परफॉर्मेंस निकलवाई हुई है वो बढ़िया काबिले तारीफ है। वो बेबी एक अच्छी खासी हार्ट वार्मिंग फैमिली ड्रामा फिल्म है, जो ज़रूर आपके दिल को छू जाएगी। इस फिल्म में काफ़ी ब्यूटीफुल इमोशंस देखने को मिलते हैं, अच्छी कॉमेडी देखने को मिलती है, बढ़िया फैमिली वैल्यूज़ देखने को मिलती है, साथ ही में अच्छी बॉन्ड रोमेंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सभी चीज़ें फिल्म में अच्छी तरह से डाली हुई है। तो ओवरऑल ये एक फुल तरीके से एक अच्छी खासी फैमिली एंटरटेनर फिल्म है, जहाँ पे सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इस फिल्म के पास सभी चीज़ें हैं, तो ये अच्छी तरह से आपको कनेक्ट करेगी, जहाँ पे सभी की परफॉर्मेंसेस, खास करके समंथा ने जिस तरह से इस फिल्म में काम किया हुआ है वो अनदर लेवल का है। तो ये सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है, जिस वजह से इस फिल्म को ज़रा भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखनी चाहिए। फिल्म की लीड कास्ट के पर बातचीत करें तो समंथा रुद्र प्रभु देखने को मिलेंगे आपको, जिन्होंने यंग सावित्री का रोल प्ले किया हुआ है, एलाइस बेबी का रोल प्ले किया हुआ है, वहीं पे स्वाति का किरदार भी वो प्ले करती हुई नजर आती है। लक्ष्मी, जिन्होंने ओल्ड सावित्री जो 70 ईयर्स वाली ओल्ड है उसका रोल प्ले किया हुआ है, और वो भी एलाइस बेबी वाला किरदार है वही उन्होंने प्ले किया हुआ है। इसके अलावा अब हम बात करें राजेंद्र प्रसाद की, जिन्होंने इस फिल्म में पशुपुलेटी कनकाराजु का रोल प्ले किया हुआ है, के चंती का रोल प्ले किया हुआ है जो बेबी के चाइल्डहुड फ्रेंड है, और यंग चंती का रोल नागा चैतन्य किया हुआ है, वो एक कैमियो अपीयरेंस था। नागा शौर्य ने इस फिल्म में विक्रम का रोल प्ले किया हुआ है, जो स्वाति का बॉयफ्रेंड है। वहीं पर राव रमेश आपको शेखर एलाइस नानी के रोल में दिखाई देंगे, जो बेबी का बेटा है। सज्जा तेजा ने इस फिल्म में रामकृष्णा रोकी का रोल प्ले किया हुआ है, जो बेबी का ग्रैंडसन है और शेखर का बेटा है। प्रगति ने इस फिल्म में माधवी का रोल प्ले किया हुआ था, जो बेबी की डॉटर इन लॉ और शेखर की वाइफ थी। अनिशा दामा ने इस फिल्म में दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है, जो बेबी की ग्रैंड डॉटर थी और शेखर की डॉटर थी। उर्वशी सुलोचना ने इस फिल्म में चंटी के कजिन का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे सुनैना ने इस फिल्म में अनासुया का रोल प्ले किया हुआ है, जो चंटी की डॉटर है, जो टॉम एंड जेरी रिलेशनशिप बेबी के साथ शेयर करती हुई नजर आती है। वहीं पे ऐश्वर्या ने इस फिल्म में विक्रम की माँ का रोल प्ले किया हुआ है। स्निग्धा को जानवी का रोल दिया गया था, जो विक्रम की असिस्ट
असिस्टेंट थी। राजा रविंद्र ने इस फिल्म में इंस्पेक्टर शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पे देखने को मिलते बेबी जो मिसिंग हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए नजर आएंगे। मिर्ची हेमंत आपको इस फिल्म में अंजी के रोल में देखने को मिलेंगे, जो रॉकी के फ्रेंड है और एक बैंड मेंबर है। वहीं पे श्रेयस वेन्नर ने इस फिल्म में आसिफ का रोल प्ले किया हुआ है, जो रॉकी के फ्रेंड है और बाद में वो एक बैंड मेंबर भी है। वहीं पे धनराज आपको एक यू टीजर के रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं पे कुछ केमियो अपीयरेंस भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पे जगपति बाबू ने गोड का रोल प्ले किया हुआ है, जो बेबी को एक और लाइफ देते। वहीं पे आदवी सेस आपको इस फिल्म में सावित्री के हस्बैंड के रोल में देखने को मिलेंगे और शेखर के फादर के रोल में देखने को मिलने वाले। इसके अलावा इस फिल्म में आपको सुमा का नकाला देखने को मिलेगी, जिन्होंने सुमा के रोल में केमियो अपीयरेंस दिया हुआ है, जो एक टीवी एंकर है, जो बेबी को टीवी में लाइफ एडवाइस देती हुई नजर आती है। बीबी नंदिनी रेड्डी ने डॉक्टर के रोल में केमियो अपीयरेंस दिया हुआ है, तो इतने केमियो अपीयरेंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट के ऊपर, तो नवंबर 2018 को फिल्म का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया था। ये एक अनटाइटल फिल्म थी तब, जहाँ पे तब फिल्म की कॉस्ट्यूम सिलेक्शन हो रही थी और इनिशियली इस फिल्म को ओ बेबी टाइटल दिया गया था, जहाँ पे टैगलाइन रखा हुआ था येंता सक गुनावा, जहाँ पे समंथा लीड रोल में थी। जो ओ बेबी टाइटल है उसमें एच नहीं था, सिर्फ ओ था, ओ बेबी और येंता सक नावा नाम से टाइटल दिया गया था और समंथा को लीड रोल में कास्ट करने का फैसला लिया गया था। और उसके बाद फुल टाइटल रिवील किया गया था ओ बेबी येंता सक नावा दिसंबर 2018 को, जहाँ पे बताया गया था कि सुनीता तत्ती इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाली है। पीपल मीडिया फैक्ट्री सुरेश प्रोडक्शन भी इस फिल्म के साथ जुड़ने वाले हैं। फिल्म का टाइटल है वो समंथा का एक फिल्म आई थी जिसका नाम था रंगास्थलम, उसमें एक गाना था यंथा सक्को नावा, उससे इंस्पायर होकर टाइटल दिया गया है, जो समंथा की उस फिल्म के उस गाने में ब्यूटी को डिस्क्राइब करता हुआ नजर आता है। इसके अलावा बाद में समंथा के साथ साथ राव, रमेश, निकंदा, नागा, शौर्य, लक्ष्मी, राजेंद्र प्रसाद को भी सपोर्टिंग रोल के लिए लिया गया था। इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो दिसंबर 2018 को स्टार्ट की गई थी, मिड मई 2019 में इसको रैपअप किया गया था। साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य म्यूजिक ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे। फिल्म में टोटल 6 गाने थे जिसको कंपोज किया हुआ मिकी जे मेयर ने, जिन्होंने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए। 2018-2019 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था। सभी गानों की जो टोटल लेंथ थी वो थी 19 मिनट 31 सेकंड। फिल्म में टोटल 6 गाने, जिसमें नालो मईपरप्पा करके जो गाना है उसको भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था, महा अद्भुतम, चंगुबाला और ओ बेबी गाने को भी उन्होंने लिखा हुआ था, सॉरी ओ बेबी, आकाश रोना और अंगना गना वाला गाना है वो लक्ष्मी भोपाला ने लिखा हुआ था। तो ये टोटल 6 गाने थे। फिर से ट्रैक लिस्ट कर देता हूँ, ओ बेबी, नालो, मणिपुरम्पो, तीसरा गाना है अनगना गा, चौथा गाना है आकाशम लोना, पांचवा गाना है महाअद्भुतम, छठा गाना है चंगू बहला। तो ये टोटल 6 गाने थे जिसको आप फिलहाल में ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इंजॉय कर सकते हो। अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर। बेबी यानी कि एके लक्ष्मी वो रोल प्ले करती हुई नजर आती है, जो एक हाइपर ओल्ड 70 ईयर लेडी है, जो एक कैंटीन चलाती है जो उसकी खुद की है। वहीं पे उसकी डॉटर इन लॉ उसको पसंद नहीं करती है और उसकी फैमिली में कुछ ऐसे छोटे मोटे इश्यू चल रहे हैं, जहाँ पे कुछ इश्यू के चलते बेबी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है और उसके साथ बाद में कुछ ऐसी स्ट्रेंज घटनाएं घटती है जिसके चलते वो अचानक यंग हो जाती है और उसको फिर से अपनी लाइफ को अपनी तरह जीने का एक मौका मिलता है। बाकी की कहानी यही है कि ये नए अवतार में, यंग अवतार में बेबी किस तरह से अपना करियर बनाती है, अपनी अपॉर्चुनिटी जो उसने मिस की होती है वो किस तरह से उसको वापस लाती है, किस तरह से अपनी लाइफ को पीसफुली इंजॉय कर पाती है, वही सब चीज़ हम फिल्म की कहानी से एड की हुई है, जहाँ पे जो यंग बेबी है वो रोल समंथा रूथ प्रभु प्ले कर रही है। अब हम बात करें इस फिल्म के कुछ प्लस पॉइंट की, तो ये एक रीमेक फिल्म है लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से साउथ कोरियन फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में इंडियन नेटिविटी के हिसाब से जिस तरह से एडअप किया हुआ था वो बढ़िया था। नंदिनी रेड्डी का जो स्क्रीन प्ले था, जिस तरह से उनके जो डायलॉग थे, जिस तरह से बेबी का जो किरदार उन्होंने कवर किया हुआ था, जिस तरह से उसको अभी के समय के हिसाब से दिखाया हुआ था, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी। जहाँ पे आपको समंथा का जो हार्डवर्क है वो पूरी तरह से दिखता हुआ नजर आया, जिस तरह से उन्होंने
उन्होंने यंग बेबी वाला जो रोल प्ले किया हुआ है उसमें वो इमोशनली वीटी मैनर में काफ़ी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस देती हुई नजर आती है। उन्होंने फिल्म के साथ एक रोलर कोस्टर वाली परफॉर्मेंस दी हुई है। उन्होंने बताया हुआ कि वो क्यों अच्छी एक्ट्रेस है इस फिल्म के साथ, वो आसानी से प्रूव करती हुई नजर आती है। इसके अलावा उनके इमोशनल सीन में काम, कॉमेडी सीन, इसके साथ में कुछ ड्रामा सीन्स में जिस तरह से उनके जो काम देखने को मिलते हैं वो काफ़ी बढ़िया है। उनकी केमिस्ट्री काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने सीनियर एक्टर्स के साथ शेयर की हुई है। उनकी और नागा शौर्य के बीच में जो एक बॉन्ड क्रिएट हुआ है वो भी बढ़िया तरीके से इस्टेब्लिश किया हुआ था, वो भी अच्छा था। इसके अलावा फिल्म में जो एक इमोशनल रोल देखने को मिलता है राव रमेश ने प्ले किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था। नागा शौर्य, राव रमेश, इसके अलावा और भी काफ़ी बड़े सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपको राजेंद्र प्रसाद देखने को मिलेंगे, सज्जा, तेजा, प्रगति, सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है, सभी नेचुरल नजर आ रही थी। जितना भी जो किरदार मिला उसमें बढ़िया थे। इस फिल्म के डायरेक्टर ने इसके फर्स्ट हाफ को काफ़ी पावर पैक वे में तैयार किया हुआ है, जहाँ पे हिलेरियस कॉमेडी देखने को मिलती है, सेंसिबल इमोशंस देखने को मिलते हैं और ये सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से हमें कनेक्ट करते हैं। फिल्म में जो इमोशंस है वो पूरी तरह से हमें कैप्चर करके रखते हैं। फिल्म का क्लाइमेक्स, फिल्म का इंटरवल ब्लॉक जिस तरह से एग्जीक्यूट किया है वो बढ़िया है। फिल्म के क्लाइमेक्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ था, चीज़ें काफ़ी बेहतरीन नज़र आती है। हाँ, फिल्म का जो सेकंड हाफ है उसको थोड़ा क्रिस्प रखा जा सकता था, जो लंबा रन टाइम है उसको छोटा किया जा सकता था, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें प्रिडिक्टेबल नज़र आ रही थी, थोड़ा चीज़ें प्रिडिक्टेबल थी, जिस वजह से अगर चीज़ों को थोड़ा ट्रिम कर देते, क्रिस्प कर देते तो चीज़ें बेटर हो सकती थी। ओवरऑल फिल्म काफ़ी बढ़िया है, जहाँ पे फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी टॉप नॉच नज़र आएगी, काफ़ी एरियाज में फिल्म काफ़ी रिच नज़र आएगी। इस फिल्म में जो चीज़ें देखने को मिलती है वो काफ़ी हार्ट वार्मिंग है, वहाँ पे जो फील गुड वाली मोमेंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। इन सभी चीज़ों को कैमरा मैन ने, सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी ब्यूटीफुल मैनर में कैप्चर किया हुआ है। एडिटिंग फिल्म की डिसेंट है, उसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता था। इस फिल्म को एटलीस्ट 15 मिनट जितना छोटा किया जा सकता था, जहाँ पे सेकंड हाफ में खास करके काम किया जा सकता था। सामंथा को जिस तरह से स्टाइलाइज किया हुआ है वो बढ़िया है। नागा शौर्य भी फिल्म में काफ़ी हैंडसम नज़र आ रहे थे, उनको भी काफ़ी बढ़िया तरीके से स्टाइलाइज किया हुआ था। फिल्म का म्यूजिक फिल्म का वन ऑफ द प्लस पॉइंट है, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर शानदार है, सॉन्ग्स अच्छे हैं, बीजीएम फिल्म को अच्छी तरह से सपोर्ट करती है। इमोशनल सीन, कॉमेडी सीन, ड्रामा सीन में काफ़ी बढ़िया तरीके से बीजीएम का यूज़ हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से समंथा की जो एक परफॉर्मेंस देखने को मिलती है वो फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाती है। डायरेक्टर नंदिनी रेड्डी ने काफ़ी अमेजिंग तरीके से इस फिल्म के साथ काम किया हुआ है। एक रीमेक फिल्म को जिस तरह से उन्होंने तैयार किया हुआ है इंडियन नेटिविटी, तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से, वो सभी चीज़ें फिल्म को काफ़ी बेहतर मैनर में आगे बढ़ाने में कामयाब रहती है। फिल्म का नरेशन मजबूत था, इमोशनल मैनर के साथ, फैमिली वैल्यू के साथ जिस तरह से क्लीन एंटरटेनमेंट फिल्म उन्होंने बनाई हुई है काबिले तारीफ है। समंथा को जिस तरह से उन्होंने शोकेस किया हुआ था, जिस तरह से उनके पास एक अच्छी परफॉर्मेंस निकलवाई हुई है वो बढ़िया काबिले तारीफ है। ओ बेबी एक अच्छी खासी हार्ट वार्मिंग फैमिली ड्रामा फिल्म है जो ज़रूर आपके दिल को छू जाएगी। इस फिल्म में काफ़ी ब्यूटीफुल इमोशंस देखने को मिलते हैं, अच्छी कॉमेडी देखने को मिलती है, बढ़िया फैमिली वैल्यूज देखने को मिलती है, साथ ही में अच्छी बॉन्ड रोमेंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सभी चीज़ें फिल्म में अच्छी तरह से डाली हुई है। तो ओवरऑल ये एक फुल तरीके से एक अच्छी खासी फैमिली एंटरटेनर फिल्म है, जहाँ पे सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इस फिल्म के पास सभी चीज़ें हैं, तो ये अच्छी तरह से आपको कनेक्ट करेगी, जहाँ पे सभी की परफॉर्मेंसेस, खास करके समंथा ने जिस तरह से इस फिल्म में काम किया हुआ है वो अनदर लेवल का है। तो ये सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है, जिस वजह से इस फिल्म को ज़रा भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखनी चाहिए। अब बात करें रिलीज के ऊपर, तो ओ बेबी फिल्म को तेलुगु वर्जन में 5 जुलाई 2019 को थिएटर में रिलीज किया गया था। जब फिल्म को रिलीज किया गया तब एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ था, जिसके चलते इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से थिएटर में रिस्पांस मिला था, जहाँ पे समंथा का स्टारडम और जिस तरह से फिल्म का कंटेंट था, दोनों की वजह से फिल्म इतनी बढ़िया वर्क करी, जिसके चलते करीबन 40 करोड़ तक का इस फिल्म ने ग्रॉस कलेक्शन किया। फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ IMDb पे भी देखने को मिला, जहाँ पे 2500 वोट मिले हुए थे फिल्म को, जिसमें 7.4 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। तो इस तरह से इस फिल्म ने इतना कमाल का कलेक्शन करके दिखाया, जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट का टेक ले गई। उसके बाद में इस फिल्म को OTT सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया गया, जहां पे भी इस फिल्म ने काफी बढ़िया रिस्पांस हासिल किया। OTT और सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो ओ बेबी के OTT राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम वर्जन के लिए खरीदे हुए, वहीं पे फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स है वो गोलमेंस के पास है, सैटेलाइट OTT दोनों।
अब इस फिल्म को कैसे देख सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें। नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर ओ बेबी फिल्म आपको तेलुगु के साथ साथ तमिल, मलयालम, कन्नड़ा इन सभी वर्जन में, डब्ड वर्जन में साथ ही में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन नेटफ्लिक्स के ऊपर। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर सेम नाम यानी कि ओ बेबी नाम के साथ हिंदी डब में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा यूट्यूब चैनल गोलमाइंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको ये फिल्म ओ बेबी नाम के साथ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सबटाइटल हिंदी डब में देखने को मिलेगी। ओ बेबी जो 2019 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है जहां पे इस फिल्म को हिंदी डब्ड वर्जन में सेम नाम दिया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म को मलयालम, कन्नड़ा और तमिल में भी डब करके ओटीटी पे रिलीज किया गया था। वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है बीवी नंदिनी रेड्डी ने जहाँ पे स्क्रीन प्ले डायरेक्शन उनका है। वहीं पे इस फिल्म की जो कहानी है वो मिस ग्रेनी करके एक फिल्म आई हुई थी साउथ कोरिया में 2014 में, उससे इंस्पायर्ड होकर बनाई हुई है जहाँ पे वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी जहाँ पे उसका कुछ बजट 3.2 यूएस मिलियन डॉलर था और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने 51.7 यूएस मिलियन डॉलर जितना कलेक्शन किया हुआ था और साउथ कोरिया में वो एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद इस फिल्म का तेलुगु वर्जन में रिक्रिएशन वर्जन तैयार किया गया है जहाँ पे तेलुगु रीमेक के राइट्स कुछ टर्म्स और कंडीशन पे बेचे गए जहाँ पे तेलुगु रीमेक के लिए इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है वो भी तेलुगु रीमेक में अपने हाथ आजमाए हुए जहाँ पे तेलुगु वर्जन तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से बीवी नंदिनी रेड्डी ने एडप्ट किया हुआ है। वहीं पे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है डी सुरेश बाबू ने, सुनीता तत्ती, टीजी विश्व प्रसाद और ह्यूवन थॉमस कीम ने, जिन्होंने इस फिल्म को सुरेश प्रोडक्शन पीपल मीडिया फैक्ट्री गुरु फिल्म्स क्रॉस पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 16 से 20 करोड़ के बजट में बनाया हुआ है। इस फिल्म को सुरेश प्रोडक्शन के द्वारा ही तेलुगु वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था जहां पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था। बात करें आप वो टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो सिनेमेटोग्राफी रिचर्ड प्रसाद ने की हुई है, एडिटिंग जुनेद सिद्दीकी ने की हुई है, म्यूजिक डिपार्टमेंट में मिकी जे मेयर ने काम किया हुआ है जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग कंपोज करके दिए हुए। फिल्म के म्यूजिक के राइट्स आदित्य म्यूजिक के पास है। इसके अलावा इस फिल्म को एक अच्छे खासे लेवल के साथ तेलुगु वर्जन में रिलीज किया गया था। फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो समंता रुद्र प्रभु देखने को मिलेंगे आपको जिन्होंने यंग सावित्री का रोल प्ले किया हुआ है, एलाइस बेबी का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे स्वाति का किरदार भी वो प्ले करती हुई नजर आती है। लक्ष्मी जिन्होंने ओल्ड सावित्री जो 70 ईयर्स वाली ओल्ड है उसका रोल प्ले किया हुआ है और वो भी एलाइस बेबी वाला किरदार है वही उन्होंने प्ले किया हुआ है। इसके अलावा अब हम बात करें राजेंद्र प्रसाद की जिन्होंने इस फिल्म में पशुपुलेटी कनकाराजू का रोल प्ले किया हुआ है, एके चंती का रोल प्ले किया हुआ है जो बेबी के चाइल्डहुड फ्रेंड है, और यंग चंती का रोल नागा चैतन्य किया हुआ है वो एक कैमियो अपीयरेंस था। नागा शौर्या ने इस फिल्म में विक्रम का रोल प्ले किया हुआ है जो स्वाति का बॉयफ्रेंड है। वहीं पर राव रमेश आपको शेखर एलाइस नानी के रोल में दिखाई देंगे जो बेबी का बेटा है। सज्जा तेजा ने इस फिल्म में रामकृष्णा रोकी का रोल प्ले किया हुआ है जो बेबी का ग्रैंडसन है और शेखर का बेटा है। प्रगति ने इस फिल्म में माधवी का रोल प्ले किया था जो बेबी की डॉटर इन लॉ और शेखर की वाइफ थी। अनिसा दामा ने इस फिल्म में दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है जो बेबी की ग्रैंड डॉटर थी और शेखर की डॉटर थी। उर्वशी सुलोचना ने इस फिल्म में चंटी के कजिन का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे सुनेना ने इस फिल्म में अनासुया का रोल प्ले किया हुआ है जो चंटी की डॉटर है जो टॉम एंड जेरी रिलेशनशिप बेबी के साथ शेयर करती हुई नजर आती है। वहीं पे ऐश्वर्या ने इस फिल्म में विक्रम की माँ का रोल प्ले किया हुआ है। स्निगंधा को जानवी का रोल दिया गया था जो विक्रम की असिस्टेंट थी। राजा रविंद्र ने इस फिल्म में इंस्पेक्टर शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पर देखने को मिलते बेबी जो मिसिंग हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए नजर आएंगे। मिर्ची हेमंत आपको इस फिल्म में अंजी के रोल में देखने को मिलेंगे जो रोकी के फ्रेंड है और एक बैंड मेंबर है। वहीं पे श्रेयस वेनर ने इस फिल्म में आसिफ का रोल प्ले किया हुआ है जो रोकी के फ्रेंड है और बाद में वो एक बैंड मेंबर भी है। वहीं पे धनराज आपको एक यू टीजर के रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं पे कुछ केमियो अपीयरेंस भी देखने को
मिलेंगे जहाँ पे जगपति बाबू ने गॉड का रोल प्ले किया हुआ है, जो बेबी को एक और लाइफ देते हैं। वहीं पे आदवी सेस आपको इस फिल्म में सावित्री के हस्बैंड के रोल में देखने को मिलेंगे और शेखर के फादर के रोल में देखने को मिलने वाले। इसके अलावा इस फिल्म में आपको सुमा कनकाला देखने को मिलेगी, जिन्होंने सुमा के रोल में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है, जो एक टीवी एंकर है जो बेबी को टीवी में लाइफ एडवाइस देती हुई नजर आती है। बीबी नंदिनी रेड्डी ने डॉक्टर के रोल में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है, तो इतने कैमियो अपीयरेंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट के ऊपर, तो नवंबर 2018 को फिल्म का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया था। ये एक अनटाइटल्ड फिल्म थी तब, जहाँ पे तब फिल्म की कॉस्ट्यूम सिलेक्शन हो रही थी और इनिशियली इस फिल्म को ओ बेबी टाइटल दिया गया था, जहाँ पे टैगलाइन रखा हुआ था येंता सक गुनावा, जहाँ पे समंथा लीड रोल में थी। जो ओ बेबी टाइटल है उसमें एच नहीं था, सिर्फ ओ था, ओ बेबी और येंता सक नावा नाम से टाइटल दिया गया था और समंथा को लीड रोल में कास्ट करने का फैसला लिया गया था। और उसके बाद फुल टाइटल रिवील किया गया था, ओ बेबी येंता सक नावा, दिसंबर 2018 को, जहाँ पे बताया गया था कि सुनीता तत्ती इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाली है। पीपल मीडिया फैक्ट्री सुरेश प्रोडक्शन भी इस फिल्म के साथ जुड़ने वाले। फिल्म का टाइटल है वो समंथा का एक फिल्म आई थी जिसका नाम था रंगास्थलम, उसमें एक गाना था यंथा सक्कुनावा, उससे इंस्पायर होकर टाइटल दिया गया है, जो समंथा की उस फिल्म के उस गाने में ब्यूटी को डिस्क्राइब करता हुआ नजर आता है। इसके अलावा बाद में समंथा के साथ साथ राव, रमेश, निकंदा, नागा, शौर्य, लक्ष्मी, राजेंद्र प्रसाद को भी सपोर्टिंग रोल के लिए लिया गया था। इस फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो दिसंबर 2018 को स्टार्ट की गई थी, मिड मई 2019 में इसको रैप अप किया गया था। साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य म्यूजिक ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे। फिल्म में टोटल 6 गाने थे जिसको कंपोज किया हुआ मिकी जे मेयर ने, जिन्होंने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए। 2018-2019 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था। सभी गानों की जो टोटल लेंथ थी वो थी 19 मिनट 31 सेकंड। फिल्म में टोटल 6 गाने जिसमें नालो मई परप्पा करके जो गाना है उसको भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था, महा अद्भुतम, चंगुबाला और ओ बेबी गाने को भी उन्होंने लिखा हुआ था, सॉरी ओ बेबी, आकाश उलोना और अंगना गना वाला गाना है वो लक्ष्मी भोपाला ने लिखा हुआ था। तो ये टोटल 6 गाने थे। फिर से ट्रैक लिस्ट कर देता हूँ, ओ बेबी, नालो, मणिपुरम्पो, तीसरा गाना है अनगना गा, चौथा गाना है आकाशम लोना, पांचवा गाना है महाअद्भुतम, छठा गाना है चंगुबाला। तो ये टोटल 6 गाने थे जिसको आप फिलहाल में ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में एंजॉय कर सकते हो। अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर। बेबी यानी कि एक लक्ष्मी वो रोल प्ले करती हुई नजर आती है, जो एक हाइपर ओल्ड 70 ईयर लेडी है, जो एक कैंटीन चलाती है जो उसकी खुद की है। वहीं पे उसकी डॉटर इन लॉ उसको पसंद नहीं करती है और उसकी फैमिली में कुछ ऐसे छोटे मोटे इश्यू चल रहे हैं, जहाँ पे कुछ इश्यू के चलते बेबी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है और उसके साथ बाद में कुछ ऐसी स्ट्रेंज घटनाएं घटती है जिसके चलते वो अचानक यंग हो जाती है और उसको फिर से अपनी लाइफ को अपनी तरह जीने का एक मौका मिलता है। बाकी की कहानी यही है कि ये नए अवतार में, यंग अवतार में बेबी किस तरह से अपना करियर बनाती है, अपनी अपॉर्चुनिटी जो उसने मिस की होती वो किस तरह से उसको वापस लाती है, किस तरह से अपनी लाइफ को पीसफुली इंजॉय कर पाती है, वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है, जहाँ पे जो यंग बेबी है वो रोल समंथा रूथ प्रभु प्ले कर रही है। अब हम बात करें इस फिल्म के कुछ प्लस पॉइंट की, तो ये एक रीमेक फिल्म है लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से साउथ कोरियन फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में इंडियन नेटिविटी के हिसाब से जिस तरह से एडप किया हुआ था वो बढ़िया था। नंदिनी रेड्डी का जो स्क्रीन प्ले था, जिस तरह से उनके जो डायलॉग थे, जिस तरह से बेबी का जो किरदार उन्होंने कवर किया हुआ था, जिस तरह से उसको अभी के समय के हिसाब से दिखाया हुआ था, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी। जहाँ पे आपको समंथा का जो हार्डवर्क है वो पूरी तरह से दिखता हुआ नज़र आया है, जिस तरह से उन्होंने यंग बेबी वाला जो रोल प्ले किया हुआ है उसमें वो इमोशनली विटी मैनर में काफ़ी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आती है। उन्होंने फिल्म के साथ एक रोलर कोस्टर वाली परफॉर्मेंस दी हुई है, उन्होंने बताया हुआ है कि वो क्यों अच्छी एक्ट्रेस है, इस फिल्म के साथ वो आसानी से प्रूव करती हुई नज़र आती है। इसके अलावा उनके इमोशनल सीन में काम, कॉमेडी सीन, इसके साथ में कुछ ड्रामा सीन्स में जिस तरह से उनके जो काम देखने को मिलते हैं वो काफ़ी बढ़िया है। उनकी केमिस्ट्री काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने सीनियर एक्टर्स के साथ शेयर की
की हुई है, उनकी और नागा शौर्य के बीच में जो एक बॉन्ड क्रिएट हुआ है वो भी बढ़िया तरीके से इस्टेब्लिश किया हुआ था, वो भी अच्छा था। इसके अलावा फिल्म में जो एक इमोशनल रोल देखने को मिलता है, राव रोल राव रमेश ने प्ले किया हुआ है, वो काफ़ी बढ़िया था। नागा शौर्य, राव रमेश, इसके अलावा और भी काफ़ी बड़े सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आपको राजेंद्र प्रसाद देखने को मिलेंगे, सज्जा, तेजा, प्रगति, सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है, सभी नेचुरल नज़र आ रही थी। जितना भी जो किरदार मिला उसमें बढ़िया थे। इस फिल्म के डायरेक्टर ने इसके फर्स्ट हाफ को काफ़ी पावर पैक वे में तैयार किया हुआ है, जहाँ पे हिलेरियस कॉमेडी देखने को मिलती है, सेंसिबल इमोशंस देखने को मिलते हैं, और ये सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से हमें कनेक्ट करते हैं। फिल्म में जो इमोशंस है वो पूरी तरह से हमें कैप्चर करके रखते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स, फिल्म का इंटरवल ब्लॉक जिस तरह से एग्जीक्यूट किया है वो बढ़िया है। फिल्म के क्लाइमैक्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ था, चीज़ें काफ़ी बेहतरीन नज़र आती है। हाँ, फिल्म का जो सेकंड हाफ है उसको थोड़ा क्रिस्प रखा जा सकता था, जो लंबा रन टाइम है उसको छोटा किया जा सकता था, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें प्रिडिक्टेबल नज़र आ रही थी, थोड़ा चीज़ें प्रिडिक्टेबल थी, जिस वजह से अगर चीज़ों को थोड़ा ट्रिम कर देते, क्रिस्प कर देते तो चीज़ें बेटर हो सकती थी। ओवरऑल फिल्म काफ़ी बढ़िया है, जहाँ पे फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी टॉप नॉच नज़र आएगी, काफ़ी एरियाज में फिल्म काफ़ी रिच नज़र आएगी। इस फिल्म में जो चीज़ें देखने को मिलती है वो काफ़ी हार्ट वार्मिंग है, वहाँ पे जो फीलिंग बोर्ड वाली मोमेंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। इन सभी चीज़ों को कैमरा मैन ने, सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी ब्यूटीफुल मैनर में कैप्चर किया हुआ है। एडिटिंग फिल्म की डिसेंट है, उसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता था। इस फिल्म को एटलीस्ट 15 मिनट जितना छोटा किया जा सकता था, जहाँ पे सेकंड हाफ में खास करके काम किया जा सकता था। सामंथा को जिस तरह से स्टाइलाइज किया हुआ है वो बढ़िया है। नागा शौर्य भी फिल्म में काफ़ी हैंडसम नज़र आ रहे थे, उनको भी काफ़ी बढ़िया तरीके से स्टाइलाइज किया हुआ था। फिल्म का म्यूजिक, फिल्म का वन ऑफ द प्लस पॉइंट है, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर शानदार है, सॉन्ग्स अच्छे हैं, बीजीएम फिल्म को अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं। इमोशनल सीन, कॉमेडी सीन, ड्रामा सीन में काफ़ी बढ़िया तरीके से बीजीएम का यूज़ हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से समंथा की जो एक परफॉर्मेंस देखने को मिलती है वो फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाती है। डायरेक्टर नंदिनी रेड्डी ने काफ़ी अमेजिंग तरीके से इस फिल्म के साथ काम किया हुआ है। एक रीमेक फिल्म को जिस तरह से उन्होंने तैयार किया हुआ है, इंडियन नेटिविटी, तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से, वो सभी चीज़ें फिल्म को काफ़ी बेहतर मैनर में आगे बढ़ाने में कामयाब रहती है। फिल्म का नरेशन मजबूत था, इमोशनल मैनर के साथ, फैमिली वैल्यू के साथ, जिस तरह से क्लीन एंटरटेनमेंट फिल्म उन्होंने बनाई हुई है वो काबिले तारीफ है। समंथा को जिस तरह से उन्होंने शोकेस किया हुआ था, जिस तरह से उनके पास से एक अच्छी परफॉर्मेंस निकलवाई हुई है वो बढ़िया काबिले तारीफ है। वो बेबी एक अच्छी खासी हार्ट वार्मिंग फैमिली ड्रामा फिल्म है, जो ज़रूर आपके दिल को छू जाएगी। इस फिल्म में काफ़ी ब्यूटीफुल इमोशंस देखने को मिलते हैं, अच्छी कॉमेडी देखने को मिलती है, बढ़िया फैमिली वैल्यूज़ देखने को मिलती है, साथ ही में अच्छी बॉन्ड रोमेंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सभी चीज़ें फिल्म में अच्छी तरह से डाली हुई है। तो ओवरऑल ये एक फुल तरीके से एक अच्छी खासी फैमिली एंटरटेनर फिल्म है, जहाँ पे सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इस फिल्म के पास सभी चीज़ें हैं, तो ये अच्छी तरह से आपको कनेक्ट करेगी, जहाँ पे सभी की परफॉर्मेंसेस, खास करके समंथा ने जिस तरह से इस फिल्म में काम किया हुआ है वो अनदर लेवल का है। तो ये सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है, जिस वजह से इस फिल्म को ज़रा भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखनी चाहिए। अब बात करें रिलीज के ऊपर, तो ओ बेबी फिल्म को तेलुगु वर्जन में 5 जुलाई 2019 को थिएटर में रिलीज किया गया था। जब फिल्म को रिलीज किया गया तब एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ था, जिसके चलते इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से थिएटर में रिस्पांस मिला था, जहां पे समंथा का स्टारडम और जिस तरह से फिल्म का कंटेंट था, दोनों की वजह से फिल्म इतनी बढ़िया वर्क करी, जिसके चलते करीबन 40 करोड़ तक का इस फिल्म ने ग्रॉस कलेक्शन किया। फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ IMDb पे भी देखने को मिला, जहाँ पे 2500 वोट मिले हुए थे फिल्म को, जिसमें 7.4 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। तो इस तरह से इस फिल्म ने इतना कमाल का कलेक्शन करके दिखाया, जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट का टेक ले गई। उसके बाद में इस फिल्म को OTT सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया गया, जहां पे भी इस फिल्म ने काफी बढ़िया रिस्पांस हासिल किया। OTT और सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो ओ बेबी के OTT राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम वर्जन के लिए खरीदे हुए। वहीं पे फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स है वो गोलमाइंस के पास है, सैटेलाइट OTT दोनों। अब इस फिल्म को कैसे देख सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें, नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर ओ बेबी फिल्म आपको तेलुगु के साथ साथ तमिल, मलयालम, कन्नड़ा इन सभी वर्जन में, डब्ड वर्जन में साथ ही में देखने को मिलेगी, विथ इंग्लिश सबटाइटल, विथ सब्सक्रिप्शन नेटफ्लिक्स के ऊपर। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर सेम नाम यानी कि ओ बेबी नाम के साथ हिंदी डब में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा यूट्यूब चैनल गोलमाइंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको ये फिल्म ओ बेबी नाम के साथ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सबटाइटल हिंदी डब में देखने को मिलेगी।
तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ओ बेबी फिल्म आपको तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ तमिल, मलयालम, कन्नड़ा डब्ड वर्जन में नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो गोलमेज के टेलीविजन चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा हिंदी में, जहाँ पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में इंजॉय कर पाओगे। वहीं पे यूट्यूब चैनल गोलमेज के ही ऊपर आपको इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में इंजॉय कर सकते हो हिंदी डब में ओ बेबी नाम के साथ। तो इस तरह से ओ बेबी फिल्म आप ओटीटी, सैटेलाइट और यूट्यूब चैनल्स के ऊपर तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन में ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। ओ बेबी जो 2019 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है, जहां पे इस फिल्म को हिंदी डब्ड वर्जन में सेम नाम दिया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म को मलयालम, कन्नड़ा और तमिल में भी डब करके ओटीटी पे रिलीज किया गया था। वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है बीवी नंदिनी रेड्डी ने, जहाँ पे स्क्रीन प्ले डायरेक्शन उनका है। वहीं पे इस फिल्म की जो कहानी है वो मिस ग्रेनी करके एक फिल्म आई हुई थी साउथ कोरिया में 2014 में, उससे इंस्पायर्ड होकर बनाई हुई है, जहाँ पे वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जहाँ पे उसका कुछ बजट 3.2 यूएस मिलियन डॉलर था और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने 51.7 यूएस मिलियन डॉलर जितना कलेक्शन किया हुआ था और साउथ कोरिया में वो एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद इस फिल्म का तेलुगु वर्जन में रिक्रिएशन वर्जन तैयार किया गया है, जहाँ पे तेलुगु रीमेक के राइट्स कुछ टर्म्स और कंडीशन पे बेचे गए, जहाँ पे तेलुगु रीमेक के लिए इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है वो भी तेलुगु रीमेक में अपने हाथ आजमाए हुए, जहाँ पे तेलुगु वर्जन तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से बीवी नंदिनी रेड्डी ने एडप किया हुआ है। वहीं पे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है डी सुरेश बाबू ने, सुनीता तत्ती, टीजी विश्व प्रसाद और ह्यूमन थॉमस कीम ने, जिन्होंने इस फिल्म को सुरेश प्रोडक्शन, पीपल मीडिया फैक्ट्री, गुरु फिल्म्स, क्रॉस पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 16 से 20 करोड़ के बजट में बनाया हुआ है। इस फिल्म को सुरेश प्रोडक्शन के द्वारा ही तेलुगु वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था, जहां पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था। बात करें आप टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो सिनेमेटोग्राफी रिचर्ड प्रसाद ने की हुई है, एडिटिंग जुनेद सिद्दीकी ने की हुई है, म्यूजिक डिपार्टमेंट में मिकी जे मेयर ने काम किया हुआ है, जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग कंपोज करके दिए हुए हैं। फिल्म के म्यूजिक के राइट्स आदित्य म्यूजिक के पास है। इसके अलावा इस फिल्म को एक अच्छे खासे लेवल के साथ तेलुगु वर्जन में रिलीज किया गया था। फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो समंता रुद प्रभु देखने को मिलेंगे आपको, जिन्होंने यंग सावित्री का रोल प्ले किया हुआ है, एलाइस बेबी का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे स्वाति का किरदार भी वो प्ले करती हुई नजर आती है। लक्ष्मी, जिन्होंने ओल्ड सावित्री जो 70 ईयर्स वाली ओल्ड है उसका रोल प्ले किया हुआ है, और वो भी एलाइस बेबी वाला किरदार है वही उन्होंने प्ले किया हुआ है। इसके अलावा अब हम बात करें राजेंद्र प्रसाद की, जिन्होंने इस फिल्म में पशुपुलेटी कनकाराजू का रोल प्ले किया हुआ है, के चंती का रोल प्ले किया हुआ है जो बेबी के चाइल्डहुड फ्रेंड है, और यंग चंती का रोल नागा चैतन्य किया हुआ है, वो एक केमियो अपीयरेंस था। नागा शौर्या ने इस फिल्म में विक्रम का रोल प्ले किया हुआ है जो स्वाति का बॉयफ्रेंड है। वहीं पर राव रमेश आपको शेखर एलाइस नानी के रोल में दिखाई देंगे जो बेबी का बेटा है। सज्जा तेजा ने इस फिल्म में रामकृष्णा रोकी का रोल प्ले किया हुआ है जो बेबी का ग्रैंडसन है और शेखर का बेटा है। प्रगति ने इस फिल्म में माधवी का रोल प्ले किया था जो बेबी की डॉटर इन लॉ और शेखर की वाइफ थी। अनिसा दामा ने इस फिल्म में दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है जो बेबी की ग्रैंड डॉटर थी और शेखर की डॉटर थी। उर्वशी सुलोचना ने इस फिल्म में चंटी के कजिन का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे सुनेना ने इस फिल्म में अनासुया का रोल प्ले किया हुआ है जो चंटी की डॉटर है, जो टॉम एंड जेरी रिलेशनशिप बेबी के साथ शेयर करती हुई नजर आती है। वहीं पे ऐश्वर्या ने इस फिल्म में विक्रम की माँ का रोल प्ले किया हुआ है। स्निगंधा को जानवी का रोल दिया गया था जो विक्रम की असिस्टेंट थी। राजा रविंद्र ने इस फिल्म में इंस्पेक्टर शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पर देखने को मिलते बेबी जो मिसिंग हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए नजर आएंगे। मिर्ची हेमंत आपको इस फिल्म में अंजी के रोल में देखने को मिलेंगे जो रोकी के फ्रेंड है और एक बैंड मेंबर है। वहीं पे श्रेयस वेनर ने इस फिल्म में आसिफ का रोल प्ले किया हुआ है जो रोकी के फ्रेंड है और बाद में वो एक बैंड मेंबर भी है। वहीं पे धनराज आपको एक यू टीजर के रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं पे कुछ केमियो अपीयरेंस भी देखने को
मिलेंगे जहाँ पे जगपति बाबू ने गॉड का रोल प्ले किया हुआ है, जो बेबी को एक और लाइफ देते हैं। वहीं पे आदवी सेस आपको इस फिल्म में सावित्री के हस्बैंड के रोल में देखने को मिलेंगे और शेखर के फादर के रोल में देखने को मिलने वाले। इसके अलावा इस फिल्म में आपको सुमा कनकाला देखने को मिलेगी, जिन्होंने सुमा के रोल में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है, जो एक टीवी एंकर है, जो बेबी को टीवी में लाइफ एडवाइस देती हुई नजर आती है। बीवी नंदिनी रेड्डी ने डॉक्टर के रोल में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है, तो इतने कैमियो अपीयरेंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें, डेवलपमेंट के ऊपर, तो नवंबर 2018 को फिल्म का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया था। ये एक अनटाइटल फिल्म थी तब, जहाँ पे तब फिल्म की कॉस्ट्यूम सिलेक्शन हो रही थी और इनिशियली इस फिल्म को ओ बेबी टाइटल दिया गया था, जहाँ पे टैगलाइन रखा हुआ था येंता सक गुनावा, जहाँ पे समंथा लीड रोल में थी। जो ओ बेबी टाइटल है उसमें एच नहीं था, सिर्फ ओ था, ओ बेबी और येंता सक नावा नाम से टाइटल दिया गया था और समंथा को लीड रोल में कास्ट करने का फैसला लिया गया था। और उसके बाद फुल टाइटल रिवील किया गया था, ओ बेबी येंता सक नावा, दिसंबर 2018 को, जहाँ पे बताया गया था कि सुनीता तत्ती इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाली है। पीपल मीडिया फैक्ट्री सुरेश प्रोडक्शन भी इस फिल्म के साथ जुड़ने वाले हैं। फिल्म का टाइटल है वो समंथा का एक फिल्म आई थी जिसका नाम था रंगास्थलम, उसमें एक गाना था यंथा सक्को नावा, उससे इंस्पायर होकर टाइटल दिया गया है, जो समंथा की उस फिल्म के उस गाने में ब्यूटी को डिस्क्राइब करता हुआ नजर आता है। इसके अलावा बाद में समंथा के साथ साथ राव, रमेश, निकंदा, नागा, शौर्य, लक्ष्मी, राजेंद्र प्रसाद को भी सपोर्टिंग रोल के लिए लिया गया था। इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो दिसंबर 2018 को स्टार्ट की गई थी, मिड मई 2019 में इसको रैपअप किया गया था। साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य म्यूजिक ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे। फिल्म में टोटल 6 गाने थे जिसको कंपोज किया हुआ मिकी जे मेयर ने, जिन्होंने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए। 2018-2019 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था। सभी गानों की जो टोटल लेंथ थी वो थी 19 मिनट 31 सेकंड। फिल्म में टोटल 6 गाने, जिसमें नालो मईपरप्पा करके जो गाना है उसको भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था, महा अद्भुतम, चंगुबाला और ओ बेबी गाने को भी उन्होंने लिखा हुआ था, सॉरी ओ बेबी, आकाश उलोना और अंगना गना वाला गाना है वो लक्ष्मी भोपाला ने लिखा हुआ था। तो ये टोटल 6 गाने थे। फिर से ट्रैक लिस्ट कर देता हूँ, ओ बेबी, नालो, मणिपुरम्पो, तीसरा गाना है अनगना गा, चौथा गाना है आकाशम लोना, पांचवा गाना है महा अद्भुतम, छठा गाना है चंगू बहला। तो ये टोटल 6 गाने थे जिसको आप फिलहाल में ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में एंजॉय कर सकते हो। अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर। बेबी यानी कि एके लक्ष्मी वो रोल प्ले करती हुई नजर आती है, जो एक हाइपर ओल्ड 70 ईयर लेडी है, जो एक कैंटीन चलाती है जो उसकी खुद की है। वहीं पे उसकी डॉटर इन लॉ उसको पसंद नहीं करती है और उसकी फैमिली में कुछ ऐसे छोटे मोटे इश्यू चल रहे हैं, जहाँ पे कुछ इश्यू के चलते बेबी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है और उसके साथ बाद में कुछ ऐसी स्ट्रेंज घटनाएं घटती है जिसके चलते वो अचानक यंग हो जाती है और उसको फिर से अपनी लाइफ को अपनी तरह जीने का एक मौका मिलता है। बाकी की कहानी यही है कि ये नए अवतार में, यंग अवतार में बेबी किस तरह से अपना करियर बनाती है, अपनी अपॉर्चुनिटी जो उसने मिस की होती है वो किस तरह से उसको वापस लाती है, किस तरह से अपनी लाइफ को पीसफुली इंजॉय कर पाती है, वही सब चीज़ हम फिल्म की कहानी सेट की हुई है, जहाँ पे जो यंग बेबी है वो रोल समंथा रूथ प्रभु प्ले कर रही है। अब हम बात करें इस फिल्म के कुछ प्लस पॉइंट की, तो ये एक रीमेक फिल्म है लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से साउथ कोरियन फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में इंडियन नेटिविटी के हिसाब से जिस तरह से एडप किया हुआ था वो बढ़िया था। नंदिनी रेड्डी का जो स्क्रीन प्ले था, जिस तरह से उनके जो डायलॉग थे, जिस तरह से बेबी का जो किरदार उन्होंने कवर किया हुआ था, जिस तरह से उसको अभी के समय के हिसाब से दिखाया हुआ था, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी। जहाँ पे आपको समंथा का जो हार्डवर्क है वो पूरी तरह से दिखता हुआ नज़र आएगा, जिस तरह से उन्होंने यंग बेबी वाला जो रोल प्ले किया हुआ है उसमें वो इमोशनली विटी मैनर में काफ़ी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आती है। उन्होंने फिल्म के साथ एक रोलर कोस्टर वाली परफॉर्मेंस दी हुई है, उन्होंने बताया हुआ है कि वो क्यों अच्छी एक्ट्रेस है, इस फिल्म के साथ वो आसानी से प्रूव करती हुई नज़र आती है। इसके अलावा उनके इमोशनल सीन में काम, कॉमेडी सीन, इसके साथ में कुछ ड्रामा सीन्स में जिस तरह से उनके जो काम देखने को मिलते वो काफ़ी बढ़िया है। उनकी केमिस्ट्री काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने सीनियर एक्टर्स के साथ शेयर की
शादी हुई है उनकी और नागा शौर्य के बीच में जो एक बॉन्ड क्रिएट हुआ है वो भी बढ़िया तरीके से इस्टेब्लिश किया हुआ था, वो भी अच्छा था। इसके अलावा फिल्म में जो एक इमोशनल रोल देखने को मिलता है राव रमेश ने प्ले किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था, नागा शौर्य, राव रमेश, इसके अलावा और भी काफ़ी बड़े सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आपको राजेंद्र प्रसाद देखने को मिलेंगे, सज्जा, तेजा, प्रगति, सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है, सभी नेचुरल नज़र आ रही थी, जितना भी जो किरदार मिला उसमें बढ़िया थे। इस फिल्म के डायरेक्टर ने इसके फर्स्ट हाफ को काफ़ी पावर पैक वे में तैयार किया हुआ है, जहाँ पे हिलेरियस कॉमेडी देखने को मिलती है, सेंसिबल इमोशंस देखने को मिलते हैं और ये सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से हमें कनेक्ट करते हैं। फिल्म में जो इमोशंस है वो पूरी तरह से हमें कैप्चर करके रखते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स, फिल्म का इंटरवल ब्लॉक जिस तरह से एग्जीक्यूट किया है वो बढ़िया है। फिल्म के क्लाइमैक्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ था, चीज़ें काफ़ी बेहतरीन नज़र आती है। हाँ, फिल्म का जो सेकंड हाफ है उसको थोड़ा क्रिस्प रखा जा सकता था, जो लंबा रन टाइम है उसको छोटा किया जा सकता था, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें प्रिडिक्टेबल नज़र आ रही थी, थोड़ा चीज़ें प्रिडिक्टेबल थी, जिस वजह से अगर चीज़ों को थोड़ा ट्रिम कर देते, क्रिस्प कर देते तो चीज़ें बेटर हो सकती थी। ओवरऑल फिल्म काफ़ी बढ़िया है, जहाँ पे फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी टॉप नॉच नज़र आएगी, काफ़ी एरियाज में फिल्म काफ़ी रिच नज़र आएगी। इस फिल्म में जो चीज़ें देखने को मिलती है वो काफ़ी हार्ट वार्मिंग है, वहाँ पे जो फील गुड वाली मोमेंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं, इन सभी चीज़ों को कैमरा मैन ने, सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी ब्यूटीफुल मैनर में कैप्चर किया हुआ है। एडिटिंग फिल्म की डिसेंट है, उसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता था। इस फिल्म को एटलीस्ट 15 मिनट जितना छोटा किया जा सकता था, जहाँ पे सेकंड हाफ में खास करके काम किया जा सकता था। सामंथा को जिस तरह से स्टाइलाइज किया हुआ है वो बढ़िया है, नागा शौर्य भी फिल्म में काफ़ी हैंडसम नज़र आ रहे थे, उनको भी काफ़ी बढ़िया तरीके से स्टाइलाइज किया हुआ था। फिल्म का म्यूजिक फिल्म का वन ऑफ द प्लस पॉइंट है, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर शानदार है, सॉन्ग्स अच्छे हैं, बीजीएम फिल्म को अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं, इमोशनल सीन, कॉमेडी सीन, ड्रामा सीन में काफ़ी बढ़िया तरीके से बीजीएम का यूज़ हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से समंथा की जो एक परफॉर्मेंस देखने को मिलती है वो फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाती है। डायरेक्टर नंदिनी रेड्डी ने काफ़ी अमेजिंग तरीके से इस फिल्म के साथ काम किया हुआ है, एक रीमेक फिल्म को जिस तरह से उन्होंने तैयार किया हुआ है इंडियन नेटिविटी, तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से, वो सभी चीज़ें फिल्म को काफ़ी बेहतर मैनर में आगे बढ़ाने में कामयाब रहती है। फिल्म का नरेशन मजबूत था, इमोशनल मैनर के साथ, फैमिली वैल्यू के साथ, जिस तरह से क्लीन एंटरटेनमेंट फिल्म उन्होंने बनाई हुई है काबिले तारीफ है। समंथा को जिस तरह से उन्होंने शोकेस किया हुआ था, जिस तरह से उनके पास एक अच्छी परफॉर्मेंस निकलवाई हुई है वो बढ़िया काबिले तारीफ है। ओ बेबी एक अच्छी खासी हार्ट वार्मिंग फैमिली ड्रामा फिल्म है, जो ज़रूर आपके दिल को छू जाएगी। इस फिल्म में काफ़ी ब्यूटीफुल इमोशंस देखने को मिलते हैं, अच्छी कॉमेडी देखने को मिलती है, बढ़िया फैमिली वैल्यूज देखने को मिलती है, साथ ही में अच्छी बॉन्ड रोमेंस आपको देखने को मिलते हैं, तो ये सभी चीज़ें फिल्म में अच्छी तरह से डाली हुई है। तो ओवरऑल ये एक फुल तरीके से एक अच्छी खासी फैमिली एंटरटेनर फिल्म है, जहाँ पे सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इस फिल्म के पास सभी चीज़ें हैं, तो ये अच्छी तरह से आपको कनेक्ट करेगी, जहाँ पे सभी की परफॉर्मेंसेस, खास करके समंथा ने जिस तरह से इस फिल्म में काम किया हुआ है वो अनदर लेवल का है, तो ये सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है, जिस वजह से इस फिल्म को ज़रा भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखनी चाहिए। अब बात करें रिलीज के ऊपर, तो ओ बेबी फिल्म को तेलुगु वर्जन में 5 जुलाई 2019 को थिएटर में रिलीज किया गया था। जब फिल्म को रिलीज किया गया तब एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ था, जिसके चलते इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से थिएटर में रिस्पांस मिला था, जहाँ पे समंथा का स्टारडम और जिस तरह से फिल्म का कंटेंट था, दोनों की वजह से फिल्म इतनी बढ़िया वर्क करी, जिसके चलते करीबन 40 करोड़ तक का इस फिल्म ने ग्रॉस कलेक्शन किया। फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ IMDb पे भी देखने को मिला, जहाँ पे 2500 वोट मिले हुए थे फिल्म को, जिसमें 7.4 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। तो इस तरह से इस फिल्म ने इतना कमाल का कलेक्शन करके दिखाया, जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट का टेक ले गई। उसके बाद में इस फिल्म को OTT सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया गया, जहां पे भी इस फिल्म ने काफी बढ़िया रिस्पांस हासिल किया। OTT और सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो ओ बेबी के OTT राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम वर्जन के लिए खरीदे हुए, वहीं पे फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स है वो गोलमेंस के पास है, सैटेलाइट OTT दोनों। अब इस फिल्म को कैसे देख सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें, नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर ओ बेबी फिल्म आपको तेलुगु के साथ साथ तमिल, मलयालम, कन्नड़ा इन सभी वर्जन में डब्ड वर्जन में साथ ही में देखने को मिलेगी, विथ इंग्लिश सबटाइटल, विथ सब्सक्रिप्शन नेटफ्लिक्स के ऊपर। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको गोलमेंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर सेम नाम यानी कि ओ बेबी नाम के साथ हिंदी डब में देखने को मिलेगा, और इसके अलावा यूट्यूब चैनल गोलमेंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको ये फिल्म ओ बेबी नाम के साथ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सबटाइटल हिंदी डब में देखने को मिलेगी।
तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ओ बेबी फिल्म आपको तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ तमिल, मलयालम, कन्नड़ा डब्ड वर्जन में नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो गोलमेज के टेलीविजन चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा हिंदी में, जहाँ पे इस फिल्म को आप बिल्कुल फ्री में इंजॉय कर पाओगे। वहीं पे यूट्यूब चैनल गोलमेज के ही ऊपर आपको इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में इंजॉय कर सकते हो हिंदी डब में ओ बेबी नाम के साथ। तो इस तरह से ओ बेबी फिल्म आप OTT, सैटेलाइट और यूट्यूब चैनल्स के ऊपर तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन में ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। ओह बेबी जो 2019 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है, जहां पे इस फिल्म को हिंदी डब्ड वर्जन में सेम नाम दिया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म को मलयालम, कन्नड़ा और तमिल में भी डब करके OTT पे रिलीज किया गया था। वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है बीवी नंदिनी रेड्डी ने, जहाँ पे स्क्रीन प्ले डायरेक्शन उनका है। वहीं पे इस फिल्म की जो कहानी है वो मिस ग्रेनी करके एक फिल्म आई हुई थी साउथ कोरिया में 2014 में, उससे इंस्पायर्ड होकर बनाई हुई है, जहाँ पे वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जहाँ पे उसका कुछ बजट $3.2 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने $51.7 मिलियन जितना कलेक्शन किया हुआ था। और साउथ कोरिया में वो एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद इस फिल्म का तेलुगु वर्जन में रिक्रिएशन वर्जन तैयार किया गया है, जहाँ पे तेलुगु रीमेक के राइट्स कुछ टर्म्स और कंडीशन पे बेचे गए, जहाँ पे तेलुगु रीमेक के लिए इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है वो भी तेलुगु रीमेक में अपने हाथ आजमाए हुए, जहाँ पे तेलुगु वर्जन तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से बीवी नंदिनी रेड्डी ने एडप्ट किया हुआ है। वहीं पे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है डी सुरेश बाबू ने, सुनीता तत्ती, टीजी विश्व प्रसाद और ह्यूवन थॉमस कीम ने, जिन्होंने इस फिल्म को सुरेश प्रोडक्शन, पीपल मीडिया फैक्ट्री, गुरु फिल्म्स, क्रॉस पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 16 से 20 करोड़ के बजट में बनाया हुआ है। इस फिल्म को सुरेश प्रोडक्शन के द्वारा ही तेलुगु वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था, जहां पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को US सर्टिफिकेट मिला हुआ था। बात करें आप वो टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो सिनेमेटोग्राफी रिचर्ड प्रसाद ने की हुई है, एडिटिंग जुनेद सिद्दीकी ने की हुई है, म्यूजिक डिपार्टमेंट में मिकी जे मेयर ने काम किया हुआ है, जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग कंपोज करके दिए हुए, फिल्म के म्यूजिक के राइट्स आदित्य म्यूजिक के पास है। इसके अलावा इस फिल्म को एक अच्छे खासे लेवल के साथ तेलुगु वर्जन में रिलीज किया गया था। फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो समंता रुद्र प्रभु देखने को मिलेंगे आपको, जिन्होंने यंग सावित्री का रोल प्ले किया हुआ है, एलाइस बेबी का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे स्वाति का किरदार भी वो प्ले करती हुई नजर आती है। लक्ष्मी, जिन्होंने ओल्ड सावित्री जो 70 ईयर्स वाली ओल्ड है उसका रोल प्ले किया हुआ है, और वो भी एलाइस बेबी वाला किरदार है वही उन्होंने प्ले किया हुआ है। इसके अलावा अब हम बात करें राजेंद्र प्रसाद की, जिन्होंने इस फिल्म में पशुपुलेटी कनकाराजू का रोल प्ले किया हुआ है, के चंती का रोल प्ले किया हुआ है जो बेबी के चाइल्डहुड फ्रेंड है, और यंग चंती का रोल नागा चैतन्य किया हुआ है, वो एक केमियो अपीयरेंस था। नागा शौर्या ने इस फिल्म में विक्रम का रोल प्ले किया हुआ है जो स्वाति का बॉयफ्रेंड है। वहीं पे राव रमेश आपको शेखर एलाइस नानी के रोल में दिखाई देंगे जो बेबी का बेटा है। सज्जा तेजा ने इस फिल्म में रामकृष्णा रोकी का रोल प्ले किया हुआ है जो बेबी का ग्रैंडसन है और शेखर का बेटा है। प्रगति ने इस फिल्म में माधवी का रोल प्ले किया हुआ था जो बेबी की डॉटर इन लॉ और शेखर की वाइफ थी। अनिशा दामा ने इस फिल्म में दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है जो बेबी की ग्रैंड डॉटर थी और शेखर की डॉटर थी। उर्वशी सुलोचना ने इस फिल्म में चंटी के कजिन का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे सुनेना ने इस फिल्म में अनासुया का रोल प्ले किया हुआ है जो चंटी की डॉटर है, जो टॉम एंड जेरी रिलेशनशिप बेबी के साथ शेयर करती हुई नजर आती है। वहीं पे ऐश्वर्या ने इस फिल्म में विक्रम की माँ का रोल प्ले किया हुआ है। स्निगंधा को जानवी का रोल दिया गया था जो विक्रम की असिस्टेंट थी। राजा रविंद्र ने इस फिल्म में इंस्पेक्टर शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पर देखने को मिलते बेबी जो मिसिंग हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए नजर आएंगे। मिर्ची हेमंत आपको इस फिल्म में अंजी के रोल में देखने को मिलेंगे जो रोकी के फ्रेंड है और एक बैंड मेंबर है। वहीं पे श्रेयस वेनर ने इस फिल्म में आसिफ का रोल प्ले किया हुआ है जो रोकी के फ्रेंड है और बाद में वो एक बैंड मेंबर भी है। वहीं पे धनराज आपको एक यू टीजर के रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं पे कुछ केमियो अपीयरेंस भी देखने को
मिलेंगे जहाँ पे जगपति बाबू ने गॉड का रोल प्ले किया हुआ है, जो बेबी को एक और लाइफ देते हैं। वहीं पे आदवी सेस आपको इस फिल्म में सावित्री के हस्बैंड के रोल में देखने को मिलेंगे और शेखर के फादर के रोल में देखने को मिलने वाले। इसके अलावा इस फिल्म में आपको सुमा कनकाला देखने को मिलेगी, जिन्होंने सुमा के रोल में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है, जो एक टीवी एंकर है जो बेबी को टीवी में लाइफ एडवाइस देती हुई नजर आती है। बीवी नंदिनी रेड्डी ने डॉक्टर के रोल में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है, तो इतने कैमियो अपीयरेंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट के ऊपर, तो नवंबर 2018 को फिल्म का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया था। ये एक अनटाइटल्ड फिल्म थी तब, जहाँ पे तब फिल्म की कॉस्ट्यूम सिलेक्शन हो रही थी और इनिशियली इस फिल्म को ओ बेबी टाइटल दिया गया था, जहाँ पे टैगलाइन रखा हुआ था येंता सक गुनावा, जहाँ पे समंथा लीड रोल में थी। जो ओ बेबी टाइटल है उसमें एच नहीं था, सिर्फ ओ था, ओ बेबी और येंता सक नावा नाम से टाइटल दिया गया था और समंथा को लीड रोल में कास्ट करने का फैसला लिया गया था। और उसके बाद फुल टाइटल रिवील किया गया था, ओ बेबी येंता सक नावा, दिसंबर 2018 को, जहाँ पे बताया गया था कि सुनीता तत्ती इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाली है। पीपल मीडिया फैक्ट्री सुरेश प्रोडक्शन भी इस फिल्म के साथ जुड़ने वाले। फिल्म का टाइटल है वो समंथा का एक फिल्म आई थी जिसका नाम था रंगास्थलम, उसमें एक गाना था यंथा सक्कुनावा, उससे इंस्पायर होकर टाइटल दिया गया है, जो समंथा की उस फिल्म के उस गाने में ब्यूटी को डिस्क्राइब करता हुआ नजर आता है। इसके अलावा बाद में समंथा के साथ साथ राव, रमेश, निकंदा, नागा, शौर्य, लक्ष्मी, राजेंद्र प्रसाद को भी सपोर्टिंग रोल के लिए लिया गया था। इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो दिसंबर 2018 को स्टार्ट की गई थी, मिड मई 2019 में इसको रैप अप किया गया था। साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य म्यूजिक ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे। फिल्म में टोटल 6 गाने थे जिसको कंपोज किया हुआ मिकी जे मेयर ने, जिन्होंने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए। 2018-2019 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था। सभी गानों की जो टोटल लेंथ थी वो थी 19 मिनट 31 सेकंड। फिल्म में टोटल 6 गाने, जिसमें नालो मईपुरप्पा करके जो गाना है उसको भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था, महा अद्भुतम, चंगुबाला और ओ बेबी गाने को भी उन्होंने लिखा हुआ था, सॉरी ओ बेबी, आकाश उलोना और अंगना गना वाला गाना है वो लक्ष्मी भोपाला ने लिखा हुआ था। तो ये टोटल 6 गाने थे। फिर से ट्रैक लिस्ट कर देता हूँ, ओ बेबी, नालो, मणिपुरम्पो, तीसरा गाना है अनगना गा, चौथा गाना है आकाशम लोना, पांचवा गाना है महाअद्भुतम, छठा गाना है चंगुबाला। तो ये टोटल 6 गाने थे जिसको आप फिलहाल में ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में एंजॉय कर सकते हो। अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर। बेबी यानी कि एक लक्ष्मी वो रोल प्ले करती हुई नजर आती है, जो एक हाइपर ओल्ड 70 ईयर लेडी है, जो एक कैंटीन चलाती है जो उसकी खुद की है। वहीं पे उसकी डॉटर इन लॉ उसको पसंद नहीं करती है और उसकी फैमिली में कुछ ऐसे छोटे मोटे इश्यू चल रहे हैं, जहाँ पे कुछ इश्यू के चलते बेबी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है और उसके साथ बाद में कुछ ऐसी स्ट्रेंज घटनाएं घटती है जिसके चलते वो अचानक यंग हो जाती है और उसको फिर से अपनी लाइफ को अपनी तरह जीने का एक मौका मिलता है। बाकी की कहानी यही है कि ये नए अवतार में, यंग अवतार में बेबी किस तरह से अपना करियर बनाती है, अपनी अपॉर्चुनिटी जो उसने मिस की होती वो किस तरह से उसको वापस लाती है, किस तरह से अपनी लाइफ को पीसफुली इंजॉय कर पाती है, वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है, जहाँ पे जो यंग बेबी है वो रोल समंथा रूथ प्रभु प्ले कर रही है। अब हम बात करें इस फिल्म के कुछ प्लस पॉइंट की, तो ये रीमेक फिल्म है लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से साउथ कोरियन फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में इंडियन नेटिविटी के हिसाब से जिस तरह से एडप किया हुआ था वो बढ़िया था। नंदिनी रेड्डी का जो स्क्रीन प्ले था, जिस तरह से उनके जो डायलॉग थे, जिस तरह से बेबी का जो किरदार उन्होंने कवर किया हुआ था, जिस तरह से उसको अभी के समय के हिसाब से दिखाया हुआ था, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी। जहाँ पे आपको समंथा का जो हार्डवर्क है वो पूरी तरह से दिखता हुआ नजर आया, जिस तरह से उन्होंने यंग बेबी वाला जो रोल प्ले किया हुआ है उसमें वो इमोशनली विटी मैनर में काफ़ी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस देती हुई नजर आती है। उन्होंने फिल्म के साथ एक रोलर कोस्टर वाली परफॉर्मेंस दी हुई है, उन्होंने बताया हुआ है कि वो क्यों अच्छी एक्ट्रेस है, इस फिल्म के साथ वो आसानी से प्रूव करती हुई नजर आती है। इसके अलावा उनके इमोशनल सीन में काम, कॉमेडी सीन, इसके साथ में कुछ ड्रामा सीन्स में जिस तरह से उनके जो काम देखने को मिलते हैं वो काफ़ी बढ़िया है। उनकी केमिस्ट्री काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने सीनियर एक्टर्स के साथ शेयर की
की हुई है, उनकी और नागा शौर्य के बीच में जो एक बॉन्ड क्रिएट हुआ है वो भी बढ़िया तरीके से इस्टेब्लिश किया हुआ था, वो भी अच्छा था। इसके अलावा फिल्म में जो एक इमोशनल रोल देखने को मिलता है, राव रोल राव रमेश ने प्ले किया हुआ है, वो काफ़ी बढ़िया था। नागा शौर्य, राव रमेश, इसके अलावा और भी काफ़ी बड़े सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपको राजेंद्र प्रसाद देखने को मिलेंगे, सज्जा, तेजा, प्रगति, सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है, सभी नेचुरल नजर आ रही थी। जितना भी जो किरदार मिला उसमें बढ़िया थे। इस फिल्म के डायरेक्टर ने इसके फर्स्ट हाफ को काफ़ी पावर पैक वे में तैयार किया हुआ है, जहाँ पे हिलेरियस कॉमेडी देखने को मिलती है, सेंसिबल इमोशंस देखने को मिलते हैं, और ये सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से हमें कनेक्ट करते हैं। फिल्म में जो इमोशंस है वो पूरी तरह से हमें कैप्चर करके रखते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स, फिल्म का इंटरवल ब्लॉक जिस तरह से एग्जीक्यूट किया है वो बढ़िया है। फिल्म के क्लाइमैक्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ था, चीज़ें काफ़ी बेहतरीन नज़र आती है। हाँ, फिल्म का जो सेकंड हाफ है उसको थोड़ा क्रिस्प रखा जा सकता था, जो लंबा रन टाइम है उसको छोटा किया जा सकता था, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें प्रिडिक्टेबल नज़र आ रही थी, थोड़ा चीज़ें प्रिडिक्टेबल थी, जिस वजह से अगर चीज़ों को थोड़ा ट्रिम कर देते, क्रिस्प कर देते तो चीज़ें बेटर हो सकती थी। ओवरऑल फिल्म काफ़ी बढ़िया है, जहाँ पे फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी टॉप नॉच नज़र आएगी, काफ़ी एरियाज में फिल्म काफ़ी रिच नज़र आएगी। इस फिल्म में जो चीज़ें देखने को मिलती है वो काफ़ी हार्ट वार्मिंग है, वहाँ पे जो फिल्म बोर्ड वाली मोमेंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं, इन सभी चीज़ों को कैमरा मैन ने, सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी ब्यूटीफुल मैनर में कैप्चर किया हुआ है। एडिटिंग फिल्म की डिसेंट है, उसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता था। इस फिल्म को एटलीस्ट 15 मिनट जितना छोटा किया जा सकता था, जहाँ पे सेकंड हाफ में खास करके काम किया जा सकता था। सामंथा को जिस तरह से स्टाइलाइज किया हुआ है वो बढ़िया है। नागा शौर्य भी फिल्म में काफ़ी हैंडसम नज़र आ रहे थे, उनको भी काफ़ी बढ़िया तरीके से स्टाइलाइज किया हुआ था। फिल्म का म्यूज़िक, फिल्म का वन ऑफ द प्लस पॉइंट है, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर शानदार है, सॉन्ग्स अच्छे हैं, बीजीएम फिल्म को अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं, इमोशनल सीन, कॉमेडी सीन, ड्रामा सीन में काफ़ी बढ़िया तरीके से बीजीएम का यूज़ हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से समंथा की जो एक परफॉर्मेंस देखने को मिलती है वो फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाती है। डायरेक्टर नंदिनी रेड्डी ने काफ़ी अमेजिंग तरीके से इस फिल्म के साथ काम किया हुआ है। एक रीमेक फिल्म को जिस तरह से उन्होंने तैयार किया हुआ है इंडियन नेटिविटी, तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से, वो सभी चीज़ें फिल्म को काफ़ी बेहतर मैनर में आगे बढ़ाने में कामयाब रहती है। फिल्म का नरेशन मजबूत था, इमोशनल मैनर के साथ, फैमिली वैल्यू के साथ, जिस तरह से क्लीन एंटरटेनमेंट फिल्म उन्होंने बनाई हुई है वो काबिले तारीफ है। समंथा को जिस तरह से उन्होंने शोकेस किया हुआ था, जिस तरह से उनके पास से एक अच्छी परफॉर्मेंस निकलवाई हुई है वो बढ़िया काबिले तारीफ है। वो भी एक अच्छी खासी हार्ट वार्मिंग फैमिली ड्रामा फिल्म है, जो ज़रूर आपके दिल को छू जाएगी। इस फिल्म में काफ़ी ब्यूटीफुल इमोशंस देखने को मिलते हैं, अच्छी कॉमेडी देखने को मिलती है, बढ़िया फैमिली वैल्यूज़ देखने को मिलती है, साथ ही में अच्छी बॉन्ड रोमेंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सभी चीज़ें फिल्म में अच्छी तरह से डाली हुई है। तो ओवरऑल ये एक फुल तरीके से एक अच्छी खासी फैमिली एंटरटेनर फिल्म है, जहाँ पे सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इस फिल्म के पास सभी चीज़ें हैं, तो ये अच्छी तरह से आपको कनेक्ट करेगी, जहाँ पे सभी की परफॉर्मेंसेस, खास करके समंथा ने जिस तरह से इस फिल्म में काम किया हुआ है वो अनदर लेवल का है। तो ये सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है, जिस वजह से इस फिल्म को ज़रा भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखनी चाहिए। अब बात करें रिलीज के ऊपर, तो ओ बेबी फिल्म को तेलुगु वर्जन में 5 जुलाई 2019 को थिएटर में रिलीज किया गया था। जब फिल्म को रिलीज किया गया तब एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ था, जिसके चलते इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से थिएटर में रिस्पांस मिला था, जहां पे समंथा का स्टारडम और जिस तरह से फिल्म का कंटेंट था, दोनों की वजह से फिल्म इतनी बढ़िया वर्क करी, जिसके चलते करीबन 40 करोड़ तक का इस फिल्म ने ग्रॉस कलेक्शन किया। फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ IMDb पे भी देखने को मिला, जहाँ पे 2500 वोट मिले हुए थे फिल्म को, जिसमें 7.4 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। तो इस तरह से इस फिल्म ने इतना कमाल का कलेक्शन करके दिखाया, जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट का टेक ले गई। उसके बाद में इस फिल्म को OTT सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया गया, जहां पे भी इस फिल्म ने काफी बढ़िया रिस्पांस हासिल किया। OTT और सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो ओ बेबी के OTT राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम वर्जन के लिए खरीदे हुए, वहीं पे फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स है वो गोलमाइंस के पास है, सैटेलाइट OTT दोनों। अब इस फिल्म को कैसे देख सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें, नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर ओ बेबी फिल्म आपको तेलुगु के साथ साथ तमिल, मलयालम, कन्नड़ा इन सभी वर्जन में, डब्ड वर्जन में साथ ही में देखने को मिलेगी, विथ इंग्लिश सबटाइटल, विथ सब्सक्रिप्शन नेटफ्लिक्स के ऊपर। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर सेम नाम यानी कि ओ बेबी नाम के साथ हिंदी डब में देखने को मिलेगा, और इसके अलावा यूट्यूब चैनल गोलमाइंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको ये फिल्म ओ बेबी नाम के साथ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सबटाइटल हिंदी डब में देखने को मिलेगी।
तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ओ बेबी फिल्म आपको तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ तमिल, मलयालम, कन्नड़ा डब्ड वर्जन में नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो गोलमेज के टेलीविजन चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा हिंदी में, जहाँ पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में इंजॉय कर पाओगे। वहीं पे यूट्यूब चैनल गोलमेज के ही ऊपर आपको इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में इंजॉय कर सकते हो हिंदी डब में ओ बेबी नाम के साथ। तो इस तरह से ओ बेबी फिल्म आप ओटीटी, सैटेलाइट और यूट्यूब चैनल्स के ऊपर तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन में ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। ओ बेबी जो 2019 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है, जहां पे इस फिल्म को हिंदी डब्ड वर्जन में सेम नाम दिया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म को मलयालम, कन्नड़ा और तमिल में भी डब करके ओटीटी पे रिलीज किया गया था। वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है बीवी नंदिनी रेड्डी ने, जहाँ पे स्क्रीन प्ले डायरेक्शन उनका है। वहीं पे इस फिल्म की जो कहानी है वो मिस ग्रेनी करके एक फिल्म आई हुई थी साउथ कोरिया में 2014 में, उससे इंस्पायर्ड होकर बनाई हुई है। जहाँ पे वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जहाँ पे उसका कुछ बजट 3.2 यूएस मिलियन डॉलर था और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने 51.7 यूएस मिलियन डॉलर जितना कलेक्शन किया हुआ था। और साउथ कोरिया में वो एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद इस फिल्म का तेलुगु वर्जन में रिक्रिएशन वर्जन तैयार किया गया है, जहाँ पे तेलुगु रीमेक के राइट्स कुछ टर्म्स और कंडीशन पे बेचे गए, जहाँ पे तेलुगु रीमेक के लिए इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है वो भी तेलुगु रीमेक में अपने हाथ आजमाए हुए। जहाँ पे तेलुगु वर्जन तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से बीवी नंदिनी रेड्डी ने एडप किया हुआ है। वहीं पे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है डी सुरेश बाबू ने, सुनीता तत्ती, टीजी विश्व प्रसाद और ह्यूमन थॉमस कीम ने, जिन्होंने इस फिल्म को सुरेश प्रोडक्शन, पीपल मीडिया फैक्ट्री, गुरु फिल्म्स, क्रॉस पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 16 से 20 करोड़ के बजट में बनाया हुआ है। इस फिल्म को सुरेश प्रोडक्शन के द्वारा ही तेलुगु वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था, जहां पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था। बात करें आप टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो सिनेमेटोग्राफी रिचर्ड प्रसाद ने की हुई है, एडिटिंग जूनेद सिद्दीकी ने की हुई है, म्यूजिक डिपार्टमेंट में मिकी जे मेयर ने काम किया हुआ है, जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग कंपोज करके दिए हुए। फिल्म के म्यूजिक के राइट्स आदित्य म्यूजिक के पास है। इसके अलावा इस फिल्म को एक अच्छे खासे लेवल के साथ तेलुगु वर्जन में रिलीज किया गया था। फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो समंता रुद प्रभु देखने को मिलेंगे आपको, जिन्होंने यंग सावित्री का रोल प्ले किया हुआ है, एलाइस बेबी का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे स्वाति का किरदार भी वो प्ले करती हुई नजर आती है। लक्ष्मी, जिन्होंने ओल्ड सावित्री जो 70 ईयर्स वाली ओल्ड है उसका रोल प्ले किया हुआ है, और वो भी एलाइस बेबी वाला किरदार है वही उन्होंने प्ले किया हुआ है। इसके अलावा अब हम बात करें राजेंद्र प्रसाद की, जिन्होंने इस फिल्म में पशुपुलेटी कनकाराजु का रोल प्ले किया हुआ है, के चंती का रोल प्ले किया हुआ है जो बेबी के चाइल्डहुड फ्रेंड है, और यंग चंती का रोल नागा चैतन्य किया हुआ है, वो एक केमियो अपीयरेंस था। नागा शौर्या ने इस फिल्म में विक्रम का रोल प्ले किया हुआ है जो स्वाति का बॉयफ्रेंड है। वहीं पर राव रमेश आपको शेखर एलाइस नानी के रोल में दिखाई देंगे जो बेबी का बेटा है। सज्जा तेजा ने इस फिल्म में रामकृष्णा रोकी का रोल प्ले किया हुआ है जो बेबी का ग्रैंडसन है और शेखर का बेटा है। प्रगति ने इस फिल्म में माधवी का रोल प्ले किया हुआ था जो बेबी की डॉटर इन लॉ और शेखर की वाइफ थी। अनिसा दामा ने इस फिल्म में दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है जो बेबी की ग्रैंड डॉटर थी और शेखर की डॉटर थी। उर्वशी सुलोचना ने इस फिल्म में चंटी के कजिन का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे सुनेना ने इस फिल्म में अनासुया का रोल प्ले किया हुआ है जो चंटी की डॉटर है, जो टॉम एंड जेरी रिलेशनशिप बेबी के साथ शेयर करती हुई नजर आती है। वहीं पे ऐश्वर्या ने इस फिल्म में विक्रम की माँ का रोल प्ले किया हुआ है। स्निगंधा को जानवी का रोल दिया गया था जो विक्रम की असिस्टेंट थी। राजा रविंद्र ने इस फिल्म में इंस्पेक्टर शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पे देखने को मिलते बेबी जो मिसिंग हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए नजर आएंगे। मिर्ची हेमंत आपको इस फिल्म में अंजी के रोल में देखने को मिलेंगे जो रॉकी के फ्रेंड है और एक बैंड मेंबर है। वहीं पे श्रेयस वेन्नर ने इस फिल्म में आसिफ का रोल प्ले किया हुआ है जो रॉकी के फ्रेंड है और बाद में वो एक बैंड मेंबर भी है। वहीं पे धनराज आपको एक यू टीजर के रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं पे कुछ केमियो अपीयरेंस भी देखने को
मिलेंगे जहाँ पे जगपति बाबू ने गॉड का रोल प्ले किया हुआ है, जो बेबी को एक और लाइफ देते हैं। वहीं पे आदवी सेस आपको इस फिल्म में सावित्री के हस्बैंड के रोल में देखने को मिलेंगे और शेखर के फादर के रोल में देखने को मिलने वाले। इसके अलावा इस फिल्म में आपको सुमा का नकाला देखने को मिलेगी, जिन्होंने सुमा के रोल में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है, जो एक टीवी एंकर है जो बेबी को टीवी में लाइफ एडवाइस देती हुई नजर आती है। बीबी नंदिनी रेड्डी ने डॉक्टर के रोल में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है, तो इतने कैमियो अपीयरेंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें, डेवलपमेंट के ऊपर, तो नवंबर 2018 को फिल्म का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया था। ये एक अनटाइटल फिल्म थी तब, जहाँ पे तब फिल्म की कॉस्ट्यूम सिलेक्शन हो रही थी और इनिशियली इस फिल्म को ओ बेबी टाइटल दिया गया था, जहाँ पे टैगलाइन रखा हुआ था येंता सक गुनावा, जहाँ पे समंथा लीड रोल में थी। जो ओ बेबी टाइटल है उसमें एच नहीं था, सिर्फ ओ था, ओ बेबी और येंता सक नावा नाम से टाइटल दिया गया था और समंथा को लीड रोल में कास्ट करने का फैसला लिया गया था। और उसके बाद फुल टाइटल रिवील किया गया था, वो बेबी यंता संकनावा, दिसंबर 2018 को, जहाँ पे बताया गया था कि सुनीता तत्ती इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाली है। पीपल मीडिया फैक्ट्री सुरेश प्रोडक्शन भी इस फिल्म के साथ जुड़ने वाले। फिल्म का टाइटल है वो समंथा का एक फिल्म आई थी जिसका नाम था रंगास्थलम, उसमें एक गाना था यंता सक्कुनावा, उससे इंस्पायर होकर टाइटल दिया गया है, जो समंथा की उस फिल्म के उस गाने में ब्यूटी को डिस्क्राइब करता हुआ नजर आता है। इसके अलावा बाद में समंथा के साथ साथ राव, रमेश, निकंदा, नागा, शौर्य, लक्ष्मी, राजेंद्र प्रसाद को भी सपोर्टिंग रोल के लिए लिया गया था। इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो दिसंबर 2018 को स्टार्ट की गई थी, मिड मई 2019 में इसको रैपअप किया गया था। साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य म्यूजिक ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे। फिल्म में टोटल 6 गाने थे जिसको कंपोज किया हुआ मिकी जे मेयर ने, जिन्होंने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए। 2018-2019 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था। सभी गानों की जो टोटल लेंथ थी वो थी 19 मिनट 31 सेकंड। फिल्म में टोटल 6 गाने, जिसमें नालो मईप्पुरप्पा करके जो गाना है उसको भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था, महा अद्भुतम, चंगुबाला और ओ बेबी गाने को भी उन्होंने लिखा हुआ था, सॉरी ओ बेबी, आकाश उलोना और अंगनगना वाला गाना है वो लक्ष्मी भोपाला ने लिखा हुआ था। तो ये टोटल 6 गाने थे। फिर से ट्रैक लिस्ट कर देता हूँ, ओ बेबी, नालो, मणिपुरम्पो, तीसरा गाना है अनगनगा, चौथा गाना है आकाशम लोना, पांचवा गाना है महाअद्भुतम, छठा गाना है चंगुबाला। तो ये टोटल 6 गाने थे जिसको आप फिलहाल में ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इंजॉय कर सकते हो। अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर। बेबी यानी कि एके लक्ष्मी वो रोल प्ले करती हुई नजर आती है, जो एक हाइपर ओल्ड 70 ईयर लेडी है, जो एक कैंटीन चलाती है जो उसकी खुद की है। वहीं पे उसकी डॉटर इन लॉ उसको पसंद नहीं करती है और उसकी फैमिली में कुछ ऐसे छोटे मोटे इश्यू चल रहे हैं, जहाँ पे कुछ इश्यू के चलते बेबी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है और उसके साथ बाद में कुछ ऐसी स्ट्रेंज घटनाएं घटती है जिसके चलते वो अचानक यंग हो जाती है और उसको फिर से अपनी लाइफ को अपनी तरह जीने का एक मौका मिलता है। बाकी की कहानी यही है कि ये नए अवतार में, यंग अवतार में बेबी किस तरह से अपना करियर बनाती है, अपनी अपॉर्चुनिटी जो उसने मिस की होती है वो किस तरह से उसको वापस लाती है, किस तरह से अपनी लाइफ को पीसफुली इंजॉय कर पाती है, वही सब चीज़ हम फिल्म की कहानी सेट की हुई है, जहाँ पे जो यंग बेबी है वो रोल समंथा रूथ प्रभु प्ले कर रही है। अब हम बात करें इस फिल्म के कुछ प्लस पॉइंट की, तो ये एक रीमेक फिल्म है लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से साउथ कोरियन फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में इंडियन नेटिविटी के हिसाब से जिस तरह से एडअप किया हुआ था वो बढ़िया था। नंदिनी रेड्डी का जो स्क्रीन प्ले था, जिस तरह से उनके जो डायलॉग थे, जिस तरह से बेबी का जो किरदार उन्होंने कवर किया हुआ था, जिस तरह से उसको अभी के समय के हिसाब से दिखाया हुआ था, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी। जहाँ पे आपको समंथा का जो हार्डवर्क है वो पूरी तरह से दिखता हुआ नज़र आया, जिस तरह से उन्होंने यंग बेबी वाला जो रोल प्ले किया हुआ है उसमें वो इमोशनली विटी मैनर में काफ़ी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आती है। उन्होंने फिल्म के साथ एक रोलर कोस्टर वाली परफॉर्मेंस दी हुई है, उन्होंने बताया हुआ है कि वो क्यों अच्छी एक्ट्रेस है, इस फिल्म के साथ वो आसानी से प्रूव करती हुई नज़र आती है। इसके अलावा उनके इमोशनल सीन में काम, कॉमेडी सीन, इसके साथ में कुछ ड्रामा सीन्स में जिस तरह से उनके जो काम देखने को मिलते हैं वो काफ़ी बढ़िया है। उनकी केमिस्ट्री काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने सीनियर एक्टर्स के साथ शेयर की
लगी हुई है उनकी और नागा शौर्य के बीच में जो एक बॉन्ड क्रिएट हुआ है वो भी बढ़िया तरीके से इस्टेब्लिश किया हुआ था, वो भी अच्छा था। इसके अलावा फिल्म में जो एक इमोशनल रोल देखने को मिलता है राव रमेश ने प्ले किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था, नागा शौर्य, राव रमेश, इसके अलावा और भी काफ़ी बड़े सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आपको राजेंद्र प्रसाद देखने को मिलेंगे, सज्जा, तेजा, प्रगति, सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है, सभी नेचुरल नज़र आ रही थी, जितना भी जो किरदार मिला उसमें बढ़िया थे। इस फिल्म के डायरेक्टर ने इसके फर्स्ट हाफ को काफ़ी पावर पैक वे में तैयार किया हुआ है, जहाँ पे हिलेरियस कॉमेडी देखने को मिलती है, सेंसिबल इमोशंस देखने को मिलते हैं और ये सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से हमें कनेक्ट करते हैं। फिल्म में जो इमोशंस है वो पूरी तरह से हमें कैप्चर करके रखते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स, फिल्म का इंटरवल ब्लॉक जिस तरह से एग्जीक्यूट किया है वो बढ़िया है। फिल्म के क्लाइमैक्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ था, चीज़ें काफ़ी बेहतरीन नज़र आती है। हाँ, फिल्म का जो सेकंड हाफ है उसको थोड़ा क्रिस्प रखा जा सकता था, जो लंबा रन टाइम है उसको छोटा किया जा सकता था, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें प्रिडिक्टेबल नज़र आ रही थी, थोड़ा चीज़ें प्रिडिक्टेबल थी, जिस वजह से अगर चीज़ों को थोड़ा ट्रिम कर देते, क्रिस्प कर देते तो चीज़ें बेटर हो सकती थी। ओवरऑल फिल्म काफ़ी बढ़िया है, जहाँ पे फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी टॉप नॉच नज़र आएगी, काफ़ी एरियाज में फिल्म काफ़ी रिच नज़र आएगी। इस फिल्म में जो चीज़ें देखने को मिलती है वो काफ़ी हार्ट वार्मिंग है, वहाँ पे जो फील गुड वाले मोमेंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। इन सभी चीज़ों को कैमरा मैन ने, सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी ब्यूटीफुल मैनर में कैप्चर किया हुआ है। एडिटिंग फिल्म की डिसेंट है, उसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता था। इस फिल्म को एटलीस्ट 15 मिनट जितना छोटा किया जा सकता था, जहाँ पे सेकंड हाफ में खास करके काम किया जा सकता था। सामंथा को जिस तरह से स्टाइलाइज किया हुआ है वो बढ़िया है। नागा शौर्य भी फिल्म में काफ़ी हैंडसम नज़र आ रहे थे, उनको भी काफ़ी बढ़िया तरीके से स्टाइलाइज किया हुआ था। फिल्म का म्यूजिक फिल्म का वन ऑफ द प्लस पॉइंट है, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर शानदार है, सॉन्ग्स अच्छे हैं, बीजीएम फिल्म को अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं, इमोशनल सीन, कॉमेडी सीन, ड्रामा सीन में काफ़ी बढ़िया तरीके से बीजीएम का यूज़ हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से समंथा की जो एक परफॉर्मेंस देखने को मिलती है वो फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाती है। डायरेक्टर नंदिनी रेड्डी ने काफ़ी अमेजिंग तरीके से इस फिल्म के साथ काम किया हुआ है। एक रीमेक फिल्म को जिस तरह से उन्होंने तैयार किया हुआ है इंडियन नेटिविटी, तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से, वो सभी चीज़ें फिल्म को काफ़ी बेहतर मैनर में आगे बढ़ाने में कामयाब रहती है। फिल्म का नरेशन मजबूत था, इमोशनल मैनर के साथ, फैमिली वैल्यू के साथ, जिस तरह से क्लीन एंटरटेनमेंट फिल्म उन्होंने बनाई हुई है काबिले तारीफ है। समंथा को जिस तरह से उन्होंने शोकेस किया हुआ था, जिस तरह से उनके पास एक अच्छी परफॉर्मेंस निकलवाई हुई है वो बढ़िया काबिले तारीफ है। ओ बेबी एक अच्छी खासी हार्ट वार्मिंग फैमिली ड्रामा फिल्म है, जो ज़रूर आपके दिल को छू जाएगी। इस फिल्म में काफ़ी ब्यूटीफुल इमोशंस देखने को मिलते हैं, अच्छी कॉमेडी देखने को मिलती है, बढ़िया फैमिली वैल्यूज़ देखने को मिलती है, साथ ही में अच्छी बॉन्ड रोमेंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सभी चीज़ें फिल्म में अच्छी तरह से डाली हुई है। तो ओवरऑल ये एक फुल तरीके से एक अच्छी खासी फैमिली एंटरटेनर फिल्म है, जहाँ पे सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इस फिल्म के पास सभी चीज़ें हैं, तो ये अच्छी तरह से आपको कनेक्ट करेगी, जहाँ पे सभी की परफॉर्मेंसेस, खास करके समंथा ने जिस तरह से इस फिल्म में काम किया हुआ है वो अनदर लेवल का है। तो ये सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है, जिस वजह से इस फिल्म को ज़रा भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखनी चाहिए। अब बात करें रिलीज के ऊपर, तो ओ बेबी फिल्म को तेलुगु वर्जन में 5 जुलाई 2019 को थिएटर में रिलीज किया गया था। जब फिल्म को रिलीज किया गया तब एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ था, जिसके चलते इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से थिएटर में रिस्पांस मिला था, जहां पे समंथा का स्टारडम और जिस तरह से फिल्म का कंटेंट था, दोनों की वजह से फिल्म इतनी बढ़िया वर्क करी, जिसके चलते करीबन 40 करोड़ तक का इस फिल्म ने ग्रॉस कलेक्शन किया। फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ IMDb पे भी देखने को मिला, जहाँ पे 2500 वोट मिले हुए थे फिल्म को, जिसमें 7.4 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। तो इस तरह से इस फिल्म ने इतना कमाल का कलेक्शन करके दिखाया, जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट का टेक ले गई। उसके बाद में इस फिल्म को OTT सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया गया, जहां पे भी इस फिल्म ने काफी बढ़िया रिस्पांस हासिल किया। OTT और सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो ओ बेबी के OTT राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम वर्जन के लिए खरीदे हुए। वहीं पे फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स है वो गोलमेंस के पास है, सैटेलाइट OTT दोनों। अब इस फिल्म को कैसे देख सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें, नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर ओ बेबी फिल्म आपको तेलुगु के साथ साथ तमिल, मलयालम, कन्नड़ा इन सभी वर्जन में, डब्ड वर्जन में साथ ही में देखने को मिलेगी, विथ इंग्लिश सबटाइटल, विथ सब्सक्रिप्शन नेटफ्लिक्स के ऊपर। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको गोलमेंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर सेम नाम यानी कि ओ बेबी नाम के साथ हिंदी डब में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा यूट्यूब चैनल गोलमेंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको ये फिल्म ओ बेबी नाम के साथ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सबटाइटल हिंदी डब में देखने को मिलेगी।
तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ओ बेबी फिल्म आपको तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ तमिल, मलयालम, कन्नड़ा डब्ड वर्जन में नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो गोलमेज के टेलीविजन चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा हिंदी में, जहाँ पे इस फिल्म को आप बिल्कुल फ्री में इंजॉय कर पाओगे। वहीं पे यूट्यूब चैनल गोलमेज के ही ऊपर आपको इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में इंजॉय कर सकते हो हिंदी डब में ओ बेबी नाम के साथ। तो इस तरह से ओ बेबी फिल्म आप OTT सैटेलाइट और यूट्यूब चैनल्स के ऊपर तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन में ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। ओह बेबी जो 2019 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है, जहां पे इस फिल्म को हिंदी डब्ड वर्जन में सेम नाम दिया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म को मलयालम, कन्नड़ा और तमिल में भी डब करके OTT पे रिलीज किया गया था। वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है बीवी नंदिनी रेड्डी ने, जहाँ पे स्क्रीन प्ले डायरेक्शन उनका है। वहीं पे इस फिल्म की जो कहानी है वो मिस ग्रेनी करके एक फिल्म आई हुई थी साउथ कोरिया में 2014 में, उससे इंस्पायर्ड होकर बनाई हुई है, जहाँ पे वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जहाँ पे उसका कुछ बजट $3.2 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने $51.7 मिलियन जितना कलेक्शन किया हुआ था। और साउथ कोरिया में वो एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद इस फिल्म का तेलुगु वर्जन में रिक्रिएशन वर्जन तैयार किया गया है, जहाँ पे तेलुगु रीमेक के राइट्स कुछ टर्म्स और कंडीशन पे बेचे गए, जहाँ पे तेलुगु रीमेक के लिए इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है वो भी तेलुगु रीमेक में अपने हाथ आजमाए हुए, जहाँ पे तेलुगु वर्जन तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से बीवी नंदिनी रेड्डी ने एडप्ट किया हुआ है। वहीं पे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है डी सुरेश बाबू ने, सुनीता तत्ती, टीजी विश्व प्रसाद और ह्यूमन थॉमस कीम ने, जिन्होंने इस फिल्म को सुरेश प्रोडक्शन, पीपल मीडिया फैक्ट्री, गुरु फिल्म्स, क्रॉस पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 16 से 20 करोड़ के बजट में बनाया हुआ है। इस फिल्म को सुरेश प्रोडक्शन के द्वारा ही तेलुगु वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था, जहां पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को US सर्टिफिकेट मिला हुआ था। बात करें आप वो टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो सिनेमेटोग्राफी रिचर्ड प्रसाद ने की हुई है, एडिटिंग जुनेद सिद्दीकी ने की हुई है, म्यूजिक डिपार्टमेंट में मिकी जे मेयर ने काम किया हुआ है, जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग कंपोज करके दिए हुए, फिल्म के म्यूजिक के राइट्स आदित्य म्यूजिक के पास है। इसके अलावा इस फिल्म को एक अच्छे खासे लेवल के साथ तेलुगु वर्जन में रिलीज किया गया था। फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो समंता रुद्र प्रभु देखने को मिलेंगे आपको, जिन्होंने यंग सावित्री का रोल प्ले किया हुआ है, एलाइस बेबी का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे स्वाति का किरदार भी वो प्ले करती हुई नजर आती है। लक्ष्मी जिन्होंने ओल्ड सावित्री जो 70 ईयर्स वाली ओल्ड है उसका रोल प्ले किया हुआ है, और वो भी एलाइस बेबी वाला किरदार है वही उन्होंने प्ले किया हुआ है। इसके अलावा अब हम बात करें राजेंद्र प्रसाद की, जिन्होंने इस फिल्म में पशुपुलेटी कनकाराजू का रोल प्ले किया हुआ है, के चंती का रोल प्ले किया हुआ है जो बेबी के चाइल्डहुड फ्रेंड है, और यंग चंती का रोल नागा चैतन्य किया हुआ है, वो एक केमियो अपीयरेंस था। नागा शौर्या ने इस फिल्म में विक्रम का रोल प्ले किया हुआ है जो स्वाति का बॉयफ्रेंड है। वहीं पे राव रमेश आपको शेखर एलाइस नानी के रोल में दिखाई देंगे जो बेबी का बेटा है। सज्जा तेजा ने इस फिल्म में रामकृष्णा रोकी का रोल प्ले किया हुआ है जो बेबी का ग्रैंडसन है और शेखर का बेटा है। प्रगति ने इस फिल्म में माधवी का रोल प्ले किया हुआ था जो बेबी की डॉटर इन लॉ और शेखर की वाइफ थी। अनिसा दामा ने इस फिल्म में दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है जो बेबी की ग्रैंड डॉटर थी और शेखर की डॉटर थी। उर्वशी सुलोचना ने इस फिल्म में चंटी के कजिन का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे सुनेना ने इस फिल्म में अनासुया का रोल प्ले किया हुआ है जो चंटी की डॉटर है, जो टॉम एंड जेरी रिलेशनशिप बेबी के साथ शेयर करती हुई नजर आती है। वहीं पे ऐश्वर्या ने इस फिल्म में विक्रम की माँ का रोल प्ले किया हुआ है। स्निगंधा को जानवी का रोल दिया गया था जो विक्रम की असिस्टेंट थी। राजा रविंद्र ने इस फिल्म में इंस्पेक्टर शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पर देखने को मिलते बेबी जो मिसिंग हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए नजर आएंगे। मिर्ची हेमंत आपको इस फिल्म में अंजी के रोल में देखने को मिलेंगे जो रोकी के फ्रेंड है और एक बैंड मेंबर है। वहीं पे श्रेयस वेनर ने इस फिल्म में आसिफ का रोल प्ले किया हुआ है जो रोकी के फ्रेंड है और बाद में वो एक बैंड मेंबर
भी है, वहीं पे धनराज आपको एक यू टीजर के रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं पे कुछ केमियो अपीयरेंस भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पे जगपति बाबू ने गोड का रोल प्ले किया हुआ है, जो बेबी को एक और लाइफ देते हैं। वहीं पे आदवी सेस आपको इस फिल्म में सावित्री के हस्बैंड के रोल में देखने को मिलेंगे और शेखर के फादर के रोल में देखने को मिलने वाले। इसके अलावा इस फिल्म में आपको सुमा कनकाला देखने को मिलेगी, जिन्होंने सुमा के रोल में केमियो अपीयरेंस दिया हुआ है, जो एक टीवी एंकर है, जो बेबी को टीवी में लाइफ एडवाइस देती हुई नजर आती है। बीवी नंदिनी रेड्डी ने डॉक्टर के रोल में केमियो अपीयरेंस दिया हुआ है, तो इतने केमियो अपीयरेंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट के ऊपर, तो नवंबर 2018 को फिल्म का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया था। ये एक अनटाइटल फिल्म थी तब, जहाँ पे तब फिल्म की कॉस्ट्यूम सिलेक्शन हो रही थी और इनिशियली इस फिल्म को ओ बेबी टाइटल दिया गया था, जहाँ पे टैगलाइन रखा हुआ था येंता सक गुनावा, जहाँ पे समंथा लीड रोल में थी। जो ओ बेबी टाइटल है उसमें एच नहीं था, सिर्फ ओ था, ओ बेबी और येंता सक नावा नाम से टाइटल दिया गया था और समंथा को लीड रोल में कास्ट करने का फैसला लिया गया था। और उसके बाद फुल टाइटल रिवील किया गया था, ओ बेबी येंता सक नावा, दिसंबर 2018 को, जहाँ पे बताया गया था कि सुनीता तत्ती इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाली है। पीपल मीडिया फैक्ट्री सुरेश प्रोडक्शन भी इस फिल्म के साथ जुड़ने वाले। फिल्म का टाइटल है वो समंथा का एक फिल्म आई थी जिसका नाम था रंगास्थलम, उसमें एक गाना था यंथा सक्को नावा, उससे इंस्पायर होकर टाइटल दिया गया है, जो समंथा की उस फिल्म के उस गाने में ब्यूटी को डिस्क्राइब करता हुआ नजर आता है। इसके अलावा बाद में समंथा के साथ साथ राव, रमेश, निकंदा, नागा, शौर्य, लक्ष्मी, राजेंद्र प्रसाद को भी सपोर्टिंग रोल के लिए लिया गया था। इस फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो दिसंबर 2018 को स्टार्ट की गई थी, मिड मई 2019 में इसको रैप अप किया गया था। साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य म्यूजिक ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे। फिल्म में टोटल 6 गाने थे जिसको कंपोज किया हुआ मिकी जे मेयर ने, जिन्होंने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए। 2018-2019 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था। सभी गानों की जो टोटल लेंथ थी वो थी 19 मिनट 31 सेकंड। फिल्म में टोटल 6 गाने, जिसमें नालो मईप्परप्पा करके जो गाना है उसको भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था, महा अद्भुतम, चंगुबाला और ओ बेबी गाने को भी उन्होंने लिखा हुआ था, सॉरी ओ बेबी, आकाश रोना और अंगना गना वाला गाना है वो लक्ष्मी भोपाला ने लिखा हुआ था। तो ये टोटल 6 गाने थे। फिर से ट्रैक लिस्ट कर देता हूँ, ओ बेबी, नालो, मणिपुरम्पो, तीसरा गाना है अनगना गा, चौथा गाना है आकाशम लोना, पांचवा गाना है महाअद्भुतम, छठा गाना है चंगुबाला। तो ये टोटल 6 गाने थे जिसको आप फिलहाल में ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इंजॉय कर सकते हो। अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर। बेबी यानी कि एक लक्ष्मी वो रोल प्ले करती हुई नजर आती है, जो एक हाइपर ओल्ड 70 ईयर लेडी है, जो एक कैंटीन चलाती है जो उसकी खुद की है। वहीं पे उसकी डॉटर इन लॉ उसको पसंद नहीं करती है और उसकी फैमिली में कुछ ऐसे छोटे मोटे इश्यू चल रहे हैं, जहाँ पे कुछ इश्यू के चलते बेबी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है और उसके साथ बाद में कुछ ऐसी स्ट्रेंज घटनाएं घटती है जिसके चलते वो अचानक यंग हो जाती है और उसको फिर से अपनी लाइफ को अपनी तरह जीने का एक मौका मिलता है। बाकी की कहानी यही है कि ये नए अवतार में, यंग अवतार में बेबी किस तरह से अपना करियर बनाती है, अपनी अपॉर्चुनिटी जो उसने मिस की होती है वो किस तरह से उसको वापस लाती है, किस तरह से अपनी लाइफ को पीसफुली इंजॉय कर पाती है, वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है, जहाँ पे जो यंग बेबी है वो रोल समंथा रूथ प्रभु प्ले कर रही है। अब हम बात करें इस फिल्म के कुछ प्लस पॉइंट की, तो ये एक रीमेक फिल्म है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से साउथ कोरियन फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में इंडियन नेटिविटी के हिसाब से जिस तरह से एडप किया हुआ था वो बढ़िया था। नंदिनी रेड्डी का जो स्क्रीन प्ले था, जिस तरह से उनके जो डायलॉग थे, जिस तरह से बेबी का जो किरदार उन्होंने कवर किया हुआ था, जिस तरह से उसको अभी के समय के हिसाब से दिखाया हुआ था, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी। जहाँ पे आपको समंथा का जो हार्डवर्क है वो पूरी तरह से दिखता हुआ नजर आया, जिस तरह से उन्होंने यंग बेबी वाला जो रोल प्ले किया हुआ है उसमें वो इमोशनली विटी मैनर में काफ़ी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस देती हुई नजर आती है। उन्होंने फिल्म के साथ एक रोलर कोस्टर वाली परफॉर्मेंस दी हुई है, उन्होंने बताया हुआ है कि वो क्यों अच्छी एक्ट्रेस है, इस फिल्म के साथ वो आसानी से प्रूव करती हुई नजर आती है। इसके अलावा उनके इमोशनल सीन में काम, कॉमेडी सीन, इसके साथ में कुछ ड्रामा सीन्स में जिस तरह से उनके जो काम देखने को मिलते हैं वो काफ़ी बढ़िया है। उनकी केमिस्ट्री काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने सीनियर एक्टर्स के साथ शेयर की
हुई है, उनकी और नागा शौर्य के बीच में जो एक बॉन्ड क्रिएट हुआ है वो भी बढ़िया तरीके से इस्टेब्लिश किया हुआ था, वो भी अच्छा था। इसके अलावा फिल्म में जो एक इमोशनल रोल देखने को मिलता है, राव रमेश ने प्ले किया हुआ है, वो काफ़ी बढ़िया था। नागा शौर्य, राव रमेश, इसके अलावा और भी काफ़ी बड़े सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आपको राजेंद्र प्रसाद देखने को मिलेंगे, सज्जा, तेजा, प्रगति, सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है, सभी नेचुरल नज़र आ रही थी। जितना भी जो किरदार मिला उसमें बढ़िया थे। इस फिल्म के डायरेक्टर ने इसके फर्स्ट हाफ को काफ़ी पावर पैक वे में तैयार किया हुआ है, जहाँ पे हिलेरियस कॉमेडी देखने को मिलती है, सेंसिबल इमोशंस देखने को मिलते हैं, और ये सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से हमें कनेक्ट करते हैं। फिल्म में जो इमोशंस है वो पूरी तरह से हमें कैप्चर करके रखते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स, फिल्म का इंटरवल ब्लॉक जिस तरह से एग्जीक्यूट किया है वो बढ़िया है। फिल्म के क्लाइमैक्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ था, चीज़ें काफ़ी बेहतरीन नज़र आती है। हाँ, फिल्म का जो सेकंड हाफ है उसको थोड़ा क्रिस्प रखा जा सकता था, जो लंबा रन टाइम है उसको छोटा किया जा सकता था, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें प्रिडिक्टेबल नज़र आ रही थी, थोड़ा चीज़ें प्रिडिक्टेबल थी, जिस वजह से अगर चीज़ों को थोड़ा ट्रिम कर देते, क्रिस्प कर देते तो चीज़ें बेटर हो सकती थी। ओवरऑल फिल्म काफ़ी बढ़िया है, जहाँ पे फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी टॉप नॉच नज़र आएगी, काफ़ी एरियाज में फिल्म काफ़ी रिच नज़र आएगी। इस फिल्म में जो चीज़ें देखने को मिलती है वो काफ़ी हार्ट वार्मिंग है, वहाँ पे जो फिल्म बोर्ड वाली मोमेंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं, इन सभी चीज़ों को कैमरा मैन ने, सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी ब्यूटीफुल मैनर में कैप्चर किया हुआ है। एडिटिंग फिल्म की डिसेंट है, उसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता था। इस फिल्म को एटलीस्ट 15 मिनट जितना छोटा किया जा सकता था, जहाँ पे सेकंड हाफ में खास करके काम किया जा सकता था। सामंथा को जिस तरह से स्टाइलाइज किया हुआ है वो बढ़िया है। नागा शौर्य भी फिल्म में काफ़ी हैंडसम नज़र आ रहे थे, उनको भी काफ़ी बढ़िया तरीके से स्टाइलाइज किया हुआ था। फिल्म का म्यूज़िक फिल्म का वन ऑफ द प्लस पॉइंट है, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर शानदार है, सॉन्ग्स अच्छे हैं, बीजीएम फिल्म को अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं, इमोशनल सीन, कॉमेडी सीन, ड्रामा सीन में काफ़ी बढ़िया तरीके से बीजीएम का यूज़ हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से समंथा की जो एक परफॉर्मेंस देखने को मिलती है वो फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाती है। डायरेक्टर नंदिनी रेड्डी ने काफ़ी अमेजिंग तरीके से इस फिल्म के साथ काम किया हुआ है। एक रीमेक फिल्म को जिस तरह से उन्होंने तैयार किया हुआ है इंडियन नेटिविटी, तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से, वो सभी चीज़ें फिल्म को काफ़ी बेहतर मैनर में आगे बढ़ाने में कामयाब रहती है। फिल्म का नरेशन मजबूत था, इमोशनल मैनर के साथ, फैमिली वैल्यू के साथ, जिस तरह से क्लीन एंटरटेनमेंट फिल्म उन्होंने बनाई हुई है वो काबिले तारीफ है। समंथा को जिस तरह से उन्होंने शोकेस किया हुआ था, जिस तरह से उनके पास से एक अच्छी परफॉर्मेंस निकलवाई हुई है वो बढ़िया काबिले तारीफ है। वो बेबी एक अच्छी खासी हार्ट वार्मिंग फैमिली ड्रामा फिल्म है, जो ज़रूर आपके दिल को छू जाएगी। इस फिल्म में काफ़ी ब्यूटीफुल इमोशंस देखने को मिलते हैं, अच्छी कॉमेडी देखने को मिलती है, बढ़िया फैमिली वैल्यूज देखने को मिलती है, साथ ही में अच्छी बॉन्ड रोमेंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सभी चीज़ें फिल्म में अच्छी तरह से डाली हुई है। तो ओवरऑल ये एक फुल तरीके से एक अच्छी खासी फैमिली एंटरटेनर फिल्म है, जहाँ पे सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इस फिल्म के पास सभी चीज़ें हैं, तो ये अच्छी तरह से आपको कनेक्ट करेगी, जहाँ पे सभी की परफॉर्मेंसेस, खास करके समंथा ने जिस तरह से इस फिल्म में काम किया हुआ है वो अनदर लेवल का है। तो ये सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है, जिस वजह से इस फिल्म को ज़रा भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखनी चाहिए। अब बात करें रिलीज के ऊपर, तो ओ बेबी फिल्म को तेलुगु वर्जन में 5 जुलाई 2019 को थिएटर में रिलीज किया गया था। जब फिल्म को रिलीज किया गया तब एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ था, जिसके चलते इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से थिएटर में रिस्पांस मिला था, जहां पे समंथा का स्टारडम और जिस तरह से फिल्म का कंटेंट था, दोनों की वजह से फिल्म इतनी बढ़िया वर्क करी, जिसके चलते करीबन 40 करोड़ तक का इस फिल्म ने ग्रॉस कलेक्शन किया। फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ IMDb पे भी देखने को मिला, जहाँ पे 2500 वोट मिले हुए थे फिल्म को, जिसमें 7.4 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। तो इस तरह से इस फिल्म ने इतना कमाल का कलेक्शन करके दिखाया, जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट का टेक ले गई। उसके बाद में इस फिल्म को OTT सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया गया, जहां पे भी इस फिल्म ने काफी बढ़िया रिस्पांस हासिल किया। OTT और सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो ओ बेबी के OTT राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम वर्जन के लिए खरीदे हुए। वहीं पे फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स है वो गोलमाइंस के पास है, सैटेलाइट OTT दोनों। अब इस फिल्म को कैसे देख सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें, नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर ओ बेबी फिल्म आपको तेलुगु के साथ साथ तमिल, मलयालम, कन्नड़ा इन सभी वर्जन में, डब्ड वर्जन में साथ ही में देखने को मिलेगी, विथ इंग्लिश सबटाइटल, विथ सब्सक्रिप्शन नेटफ्लिक्स के ऊपर। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर सेम नाम यानी कि ओ बेबी नाम के साथ हिंदी डब में देखने को मिलेगा, और इसके अलावा यूट्यूब चैनल गोलमाइंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको ये फिल्म ओ बेबी नाम के साथ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सबटाइटल हिंदी डब में देखने को मिलेगी।
तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ओ बेबी फिल्म आपको तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ तमिल, मलयालम, कन्नड़ा डब्ड वर्जन में नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो गोलमेज के टेलीविजन चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा हिंदी में, जहाँ पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में इंजॉय कर पाओगे। वहीं पे यूट्यूब चैनल गोलमेज के ही ऊपर आपको इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में इंजॉय कर सकते हो हिंदी डब में ओ बेबी नाम के साथ। तो इस तरह से ओ बेबी फिल्म आप ओटीटी, सैटेलाइट और यूट्यूब चैनल्स के ऊपर तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन में ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। ओ बेबी जो 2019 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है, जहां पे इस फिल्म को हिंदी डब्ड वर्जन में सेम नाम दिया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म को मलयालम, कन्नड़ा और तमिल में भी डब करके ओटीटी पे रिलीज किया गया था। वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है बीवी नंदिनी रेड्डी ने, जहाँ पे स्क्रीन प्ले डायरेक्शन उनका है। वहीं पे इस फिल्म की जो कहानी है वो मिस ग्रेनी करके एक फिल्म आई हुई थी साउथ कोरिया में 2014 में, उससे इंस्पायर्ड होकर बनाई हुई है, जहाँ पे वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जहाँ पे उसका कुछ बजट 3.2 यूएस मिलियन डॉलर था और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने 51.7 यूएस मिलियन डॉलर जितना कलेक्शन किया हुआ था। और साउथ कोरिया में वो एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद इस फिल्म का तेलुगु वर्जन में रिक्रिएशन वर्जन तैयार किया गया है, जहाँ पे तेलुगु रीमेक के राइट्स कुछ टर्म्स और कंडीशन पे बेचे गए, जहाँ पे तेलुगु रीमेक के लिए इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है वो भी तेलुगु रीमेक में अपने हाथ आजमाए हुए, जहाँ पे तेलुगु वर्जन तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से बीवी नंदिनी रेड्डी ने एडप किया हुआ है। वहीं पे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है डी सुरेश बाबू ने, सुनीता तत्ती, टीजी विश्व प्रसाद और ह्यूवन थॉमस कीम ने, जिन्होंने इस फिल्म को सुरेश प्रोडक्शन, पीपल मीडिया फैक्ट्री, गुरु फिल्म्स, क्रॉस पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 16 से 20 करोड़ के बजट में बनाया हुआ है। इस फिल्म को सुरेश प्रोडक्शन के द्वारा ही तेलुगु वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था, जहां पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था। बात करें आप टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो सिनेमेटोग्राफी रिचर्ड प्रसाद ने की हुई है, एडिटिंग जुनेद सिद्दीकी ने की हुई है, म्यूजिक डिपार्टमेंट में मिकी जे मेयर ने काम किया हुआ है, जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग कंपोज करके दिए हुए। फिल्म के म्यूजिक के राइट्स आदित्य म्यूजिक के पास है। इसके अलावा इस फिल्म को एक अच्छे खासे लेवल के साथ तेलुगु वर्जन में रिलीज किया गया था। फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो समंता रुद प्रभु देखने को मिलेंगे आपको, जिन्होंने यंग सावित्री का रोल प्ले किया हुआ है, एलाइस बेबी का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे स्वाति का किरदार भी वो प्ले करती हुई नजर आती है। लक्ष्मी, जिन्होंने ओल्ड सावित्री जो 70 ईयर्स वाली ओल्ड है उसका रोल प्ले किया हुआ है, और वो भी एलाइस बेबी वाला किरदार है वही उन्होंने प्ले किया हुआ है। इसके अलावा अब हम बात करें राजेंद्र प्रसाद की, जिन्होंने इस फिल्म में पशुपुलेटी कनकाराजू का रोल प्ले किया हुआ है, के चंती का रोल प्ले किया हुआ है जो बेबी के चाइल्डहुड फ्रेंड है, और यंग चंती का रोल नागा चैतन्य किया हुआ है, वो एक केमियो अपीयरेंस था। नागा शौर्या ने इस फिल्म में विक्रम का रोल प्ले किया हुआ है जो स्वाति का बॉयफ्रेंड है। वहीं पर राव रमेश आपको शेखर एलाइस नानी के रोल में दिखाई देंगे जो बेबी का बेटा है। सज्जा तेजा ने इस फिल्म में रामकृष्णा रोकी का रोल प्ले किया हुआ है जो बेबी का ग्रैंडसन है और शेखर का बेटा है। प्रगति ने इस फिल्म में माधवी का रोल प्ले किया था जो बेबी की डॉटर इन लॉ और शेखर की वाइफ थी। अनिसा दामा ने इस फिल्म में दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है जो बेबी की ग्रैंड डॉटर थी और शेखर की डॉटर थी। उर्वशी सुलोचना ने इस फिल्म में चंटी के कजिन का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे सुनेना ने इस फिल्म में अनासुया का रोल प्ले किया हुआ है जो चंटी की डॉटर है, जो टॉम एंड जेरी रिलेशनशिप बेबी के साथ शेयर करती हुई नजर आती है। वहीं पे ऐश्वर्या ने इस फिल्म में विक्रम की माँ का रोल प्ले किया हुआ है। स्निगंधा को जानवी का रोल दिया गया था जो विक्रम की असिस्टेंट थी। राजा रविंद्र ने इस फिल्म में इंस्पेक्टर शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पे देखने को मिलते बेबी जो मिसिंग हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए नजर आएंगे। मिर्ची हेमंत आपको इस फिल्म में अंजी के रोल में देखने को मिलेंगे जो रॉकी के फ्रेंड है और एक बैंड मेंबर है। वहीं पे श्रेयस वेनर ने इस फिल्म में आसिफ का रोल प्ले किया हुआ है जो रॉकी के फ्रेंड है और बाद में वो एक बैंड मेंबर भी है। वहीं पे धनराज आपको एक यू टीजर के रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं पे कुछ केमियो अपीयरेंस भी देखने को
मिलेंगे जहाँ पे जगपति बाबू ने गॉड का रोल प्ले किया हुआ है, जो बेबी को एक और लाइफ देते हैं। वहीं पे आदवी सेस आपको इस फिल्म में सावित्री के हस्बैंड के रोल में देखने को मिलेंगे और शेखर के फादर के रोल में देखने को मिलने वाले। इसके अलावा इस फिल्म में आपको सुमा कनकाला देखने को मिलेगी, जिन्होंने सुमा के रोल में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है, जो एक टीवी एंकर है, जो बेबी को टीवी में लाइफ एडवाइस देती हुई नजर आती है। बीवी नंदिनी रेड्डी ने डॉक्टर के रोल में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है, तो इतने कैमियो अपीयरेंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें, डेवलपमेंट के ऊपर, तो नवंबर 2018 को फिल्म का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया था। ये एक अनटाइटल्ड फिल्म थी तब, जहाँ पे तब फिल्म की कॉस्ट्यूम सिलेक्शन हो रही थी और इनिशियली इस फिल्म को ओ बेबी टाइटल दिया गया था, जहाँ पे टैगलाइन रखा हुआ था येंता सक गुनावा, जहाँ पे समंथा लीड रोल में थी। जो ओ बेबी टाइटल है उसमें एच नहीं था, सिर्फ ओ था, ओ बेबी और येंता सक नावा नाम से टाइटल दिया गया था और समंथा को लीड रोल में कास्ट करने का फैसला लिया गया था। और उसके बाद फुल टाइटल रिवील किया गया था, वो बेबी यंता संकनावा, दिसंबर 2018 को, जहाँ पे बताया गया था कि सुनीता तत्ती इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाली है। पीपल मीडिया फैक्ट्री सुरेश प्रोडक्शन भी इस फिल्म के साथ जुड़ने वाले। फिल्म का टाइटल है वो समंथा का एक फिल्म आई थी जिसका नाम था रंगास्थलम, उसमें एक गाना था यंता संकनावा, उससे इंस्पायर होकर टाइटल दिया गया है, जो समंथा की उस फिल्म के उस गाने में ब्यूटी को डिस्क्राइब करता हुआ नजर आता है। इसके अलावा बाद में समंथा के साथ साथ राव, रमेश, निकंदा, नागा, शौर्य, लक्ष्मी, राजेंद्र प्रसाद को भी सपोर्टिंग रोल के लिए लिया गया था। इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो दिसंबर 2018 को स्टार्ट की गई थी, मिड मई 2019 में इसको रैप अप किया गया था। साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य म्यूजिक ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे। फिल्म में टोटल 6 गाने थे जिसको कंपोज किया हुआ मिकी जे मेयर ने, जिन्होंने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए। 2018-2019 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था। सभी गानों की जो टोटल लेंथ थी वो थी 19 मिनट 31 सेकंड। फिल्म में टोटल 6 गाने, जिसमें नालो मईप्परप्पा करके जो गाना है उसको भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था, महा अद्भुतम, चंगुबाला और ओ बेबी गाने को भी उन्होंने लिखा हुआ था, सॉरी ओ बेबी, आकाश उलोना और अंगन गना वाला गाना है वो लक्ष्मी भोपाला ने लिखा हुआ था। तो ये टोटल 6 गाने थे। फिर से ट्रैक लिस्ट कर देता हूँ, ओ बेबी, नालो, मणिपुरम्पो, तीसरा गाना है अनगनगा, चौथा गाना है आकाशम लोना, पांचवा गाना है महाअद्भुतम, छठा गाना है चंगू बहला। तो ये टोटल 6 गाने थे जिसको आप फिलहाल में ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इंजॉय कर सकते हो। अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर। बेबी यानी कि एक लक्ष्मी वो रोल प्ले करती हुई नजर आती है, जो एक हाइपर ओल्ड 70 ईयर लेडी है, जो एक कैंटीन चलाती है जो उसकी खुद की है। वहीं पे उसकी डॉटर इन लॉ उसको पसंद नहीं करती है और उसकी फैमिली में कुछ ऐसे छोटे मोटे इश्यू चल रहे हैं, जहाँ पे कुछ इश्यू के चलते बेबी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है और उसके साथ बाद में कुछ ऐसी स्ट्रेंज घटनाएं घटती है जिसके चलते वो अचानक यंग हो जाती है और उसको फिर से अपनी लाइफ को अपनी तरह जीने का एक मौका मिलता है। बाकी की कहानी यही है कि ये नए अवतार में, यंग अवतार में बेबी किस तरह से अपना करियर बनाती है, अपनी अपॉर्चुनिटी जो उसने मिस की होती है वो किस तरह से उसको वापस लाती है, किस तरह से अपनी लाइफ को पीसफुली इंजॉय कर पाती है, वही सब चीज़ हम फिल्म की कहानी सेट की हुई है, जहाँ पे जो यंग बेबी है वो रोल समंथा रूथ प्रभु प्ले कर रही है। अब हम बात करें इस फिल्म के कुछ प्लस पॉइंट की, तो ये एक रीमेक फिल्म है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से साउथ कोरियन फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में इंडियन नेटिविटी के हिसाब से जिस तरह से एडअप किया हुआ था वो बढ़िया था। नंदिनी रेड्डी का जो स्क्रीन प्ले था, जिस तरह से उनके जो डायलॉग थे, जिस तरह से बेबी का जो किरदार उन्होंने कवर किया हुआ था, जिस तरह से उसको अभी के समय के हिसाब से दिखाया हुआ था, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी। जहाँ पे आपको समंथा का जो हार्डवर्क है वो पूरी तरह से दिखता हुआ नज़र आया, जिस तरह से उन्होंने यंग बेबी वाला जो रोल प्ले किया हुआ है उसमें वो इमोशनली विटी मैनर में काफ़ी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस देती हुई नजर आती है। उन्होंने फिल्म के साथ एक रोलर कोस्टर वाली परफॉर्मेंस दी हुई है, उन्होंने बताया हुआ है कि वो क्यों अच्छी एक्ट्रेस है, इस फिल्म के साथ वो आसानी से प्रूव करती हुई नजर आती है। इसके अलावा उनके इमोशनल सीन में काम, कॉमेडी सीन, इसके साथ में कुछ ड्रामा सीन्स में जिस तरह से उनके जो काम देखने को मिलते हैं वो काफ़ी बढ़िया है। उनकी केमिस्ट्री काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने सीनियर एक्टर्स के साथ शेयर की
भी हुई है उनकी और नागा शौर्य के बीच में, जो एक बॉन्ड क्रिएट हुआ है वो भी बढ़िया तरीके से इस्टेब्लिश किया हुआ था, वो भी अच्छा था। इसके अलावा फिल्म में जो एक इमोशनल रोल देखने को मिलता है, राव रमेश ने प्ले किया हुआ है, वो काफ़ी बढ़िया था। नागा शौर्य, राव रमेश, इसके अलावा और भी काफ़ी बड़े सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपको राजेंद्र प्रसाद देखने को मिलेंगे, सज्जा, तेजा, प्रगति, सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है, सभी नेचुरल नजर आ रही थी, जितना भी जो किरदार मिला उसमें बढ़िया थे। इस फिल्म के डायरेक्टर ने इसके फर्स्ट हाफ को काफ़ी पावर पैक वे में तैयार किया हुआ है, जहाँ पे हिलेरियस कॉमेडी देखने को मिलती है, सेंसिबल इमोशंस देखने को मिलते हैं, और ये सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से हमें कनेक्ट करते हैं। फिल्म में जो इमोशंस है वो पूरी तरह से हमें कैप्चर करके रखते हैं। फिल्म का क्लाइमेक्स, फिल्म का इंटरवल ब्लॉक जिस तरह से एग्जीक्यूट किया है वो बढ़िया है। फिल्म के क्लाइमेक्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ था, चीज़ें काफ़ी बेहतरीन नज़र आती है। हाँ, फिल्म का जो सेकंड हाफ है उसको थोड़ा क्रिस्प रखा जा सकता था, जो लंबा रन टाइम है उसको छोटा किया जा सकता था, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें प्रिडिक्टेबल नज़र आ रही थी, थोड़ा चीज़ें प्रिडिक्टेबल थी, जिस वजह से अगर चीज़ों को थोड़ा ट्रिम कर देते, क्रिस्प कर देते तो चीज़ें बेटर हो सकती थी। ओवरऑल फिल्म काफ़ी बढ़िया है, जहाँ पे फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी टॉप नोच नज़र आएगी, काफ़ी एरियाज में फिल्म काफ़ी रिच नज़र आएगी। इस फिल्म में जो चीज़ें देखने को मिलती है वो काफ़ी हार्ट वार्मिंग है, वहाँ पे जो फीलिंग फूड वाले मोमेंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। इन सभी चीज़ों को कैमरा मैन ने, सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी ब्यूटीफुल मैनर में कैप्चर किया हुआ है। एडिटिंग फिल्म की डिसेंट है, उसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता था। इस फिल्म को एटलीस्ट 15 मिनट जितना छोटा किया जा सकता था, जहाँ पे सेकंड हाफ में खास करके काम किया जा सकता था। सामंथा को जिस तरह से स्टाइलाइज किया हुआ है वो बढ़िया है। नागा शौर्य भी फिल्म में काफ़ी हैंडसम नज़र आ रहे थे, उनको भी काफ़ी बढ़िया तरीके से स्टाइलाइज किया हुआ था। फिल्म का म्यूजिक फिल्म का वन ऑफ द प्लस पॉइंट है, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर शानदार है, सॉन्ग्स अच्छे हैं, बीजीएम फिल्म को अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं, इमोशनल सीन, कॉमेडी सीन, ड्रामा सीन में काफ़ी बढ़िया तरीके से बीजीएम का यूज़ हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से समंथा की जो एक परफॉर्मेंस देखने को मिलती है वो फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाती है। डायरेक्टर नंदिनी रेड्डी ने काफ़ी अमेजिंग तरीके से इस फिल्म के साथ काम किया हुआ है। एक रीमेक फिल्म को जिस तरह से उन्होंने तैयार किया हुआ है, इंडियन नेटिविटी, तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से, वो सभी चीज़ें फिल्म को काफ़ी बेहतर मैनर में आगे बढ़ाने में कामयाब रहती है। फिल्म का नरेशन मजबूत था, इमोशनल मैनर के साथ, फैमिली वैल्यू के साथ, जिस तरह से क्लीन एंटरटेनमेंट फिल्म उन्होंने बनाई हुई है काबिले तारीफ है। समंथा को जिस तरह से उन्होंने शोकेस किया हुआ था, जिस तरह से उनके पास एक अच्छी परफॉर्मेंस निकलवाई हुई है वो बढ़िया काबिले तारीफ है। ओ बेबी एक अच्छी खासी हार्ट वार्मिंग फैमिली ड्रामा फिल्म है, जो ज़रूर आपके दिल को छू जाएगी। इस फिल्म में काफ़ी ब्यूटीफुल इमोशंस देखने को मिलते हैं, अच्छी कॉमेडी देखने को मिलती है, बढ़िया फैमिली वैल्यूज़ देखने को मिलती है, साथ ही में अच्छी बॉन्ड रोमेंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सभी चीज़ें फिल्म में अच्छी तरह से डाली हुई है। तो ओवरऑल ये एक फुल तरीके से एक अच्छी खासी फैमिली एंटरटेनर फिल्म है, जहाँ पे सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इस फिल्म के पास सभी चीज़ें हैं, तो ये अच्छी तरह से आपको कनेक्ट करेगी, जहाँ पे सभी की परफॉर्मेंसेस, खास करके समंथा ने जिस तरह से इस फिल्म में काम किया हुआ है वो अनदर लेवल का है। तो ये सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है, जिस वजह से इस फिल्म को ज़रा भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखनी चाहिए। अब बात करें रिलीज के ऊपर, तो ओ बेबी फिल्म को तेलुगु वर्जन में 5 जुलाई 2019 को थिएटर में रिलीज किया गया था। जब फिल्म को रिलीज किया गया तब एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ था, जिसके चलते इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से थिएटर में रिस्पांस मिला था, जहां पे समंथा का स्टारडम और जिस तरह से फिल्म का कंटेंट था, दोनों की वजह से फिल्म इतनी बढ़िया वर्क करी, जिसके चलते करीबन 40 करोड़ तक का इस फिल्म ने ग्रॉस कलेक्शन किया। फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ IMDb पे भी देखने को मिला, जहां पे 2500 वोट मिले हुए थे फिल्म को, जिसमें 7.4 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। तो इस तरह से इस फिल्म ने इतना कमाल का कलेक्शन करके दिखाया, जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट का टेक ले गई। उसके बाद में इस फिल्म को OTT सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया गया, जहां पे भी इस फिल्म ने काफी बढ़िया रिस्पांस हासिल किया। OTT और सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो ओ बेबी के OTT राइट्स नेटफ्लिक्स वालों ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम वर्जन के लिए खरीदे हुए, वहीं पे फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स है वो गोलमेंस के पास है, सैटेलाइट OTT दोनों। अब इस फिल्म को कैसे देख सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें, नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर ओ बेबी फिल्म आपको तेलुगु के साथ साथ तमिल, मलयालम, कन्नड़ा इन सभी वर्जन में, डब्ड वर्जन में साथ ही में देखने को मिलेगी, विथ इंग्लिश सबटाइटल, विथ सब्सक्रिप्शन नेटफ्लिक्स के ऊपर। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको गोलमेंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर सेम नाम यानी कि ओ बेबी नाम के साथ हिंदी डब में देखने को मिलेगा, और इसके अलावा यूट्यूब चैनल गोलमेंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको ये फिल्म ओ बेबी नाम के साथ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सबटाइटल हिंदी डब में देखने को मिलेगी।
तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ओ बेबी फिल्म आपको तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ तमिल, मलयालम, कन्नड़ा डब्ड वर्जन में नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो गोलमेज के टेलीविजन चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा हिंदी में, जहाँ पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में इंजॉय कर पाओगे। वहीं पे यूट्यूब चैनल गोलमेज के ही ऊपर आपको इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में इंजॉय कर सकते हो हिंदी डब में ओ बेबी नाम के साथ। तो इस तरह से ओ बेबी फिल्म आप OTT, सैटेलाइट और यूट्यूब चैनल्स के ऊपर तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन में ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। तो बस गाइज, ओ बेबी फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, जो बातें थी, वो मैंने शेयर कर दी है। फिल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसकी जानकारी दी हुई है। फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है। फिल्म का एक डीप रिव्यू किया हुआ है जहाँ पे मैंने इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस करके दी हुई है। फिल्म के स्टार का, सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत की हुई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी डीप में जानकारी दे दी है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।